So welcome all. Good evening. Jai Hind. Doctor साहब, ये कंफर्म भाई आवाज आ रही है? कंफर्म करो तो प्लीज कोई भी. आपकी आवाज आ रही है, बैकग्राउंड में काफी नॉइज भी है. मैं सड़क पे था इसके लिए वॉक कर रहा था. तो आप मुझे कोई भी स्टार्ट करो, मैं घर पहुंच के फिर एकदम साइलेंट हो जाएगी नॉइज. तब तक मैं दो चार रिक्वेस्ट भेज देता हूँ. So, जय हिंद एंड गुड इवनिंग एवरीवन. अभी अगर आप पिछले दो फोर्टनाइट का एफपीआई का डेटा अगर देखेंगे तो एफपीआई ने जहां पे वो आईटी सेक्टर में हेवी सेलिंग कर रहे थे, पिछले दो फोर्टनाइट से आईटी सेक्टर में उन्होंने बाइंग शुरू कर दिया है. और आईटी इंडेक्स अगर आप देखोगे वीकली चार्ट उसका, तो डबल बॉटम का फॉर्मेशन आईटी इंडेक्स के चार्ट ने बना दिया है. और एक 30,500 के वहाँ पे उसका डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा. अगर वो सस्टेन करता है तो यहाँ से आईटी सेक्टर में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है. पहले ऑटो सेक्टर ने निफ्टी को चलाया, फिर बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर ने निफ्टी को चलाया, और उस समय आईटी सेक्टर एकदम सुस्त था. अभी जब एफपीआई उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, एफपीआई को उसमें बाइंग शुरू हो गया है, तो आईटी सेक्टर में अभी यहाँ से तेजी आने की एक पॉसिबिलिटी नजर आती है. दूसरा, अगर हम निफ्टी का चार्ट अगर देखेंगे वीकली चार्ट, तो इस वीक का जो क्लोजिंग है वो हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग है अभी तक का. वैसे तो अक्टूबर 2021 में इंट्राडे में 18,604 का हाई लगाया था निफ्टी ने, वो अभी ब्रेक करना बाकी है उसके ऊपर का क्लोजिंग. अभी मैं सिस्टम पे नहीं हूँ इसलिए मैं अभी कुछ ज्यादा चार्ट नहीं देख सकूंगा. चंडी भाई आप बोलिए. अभी चंदन नहीं है तो आयुष है और महेंद्र भी है, तो आयुष महेंद्र कोई भी प्लीज एनीवन इफ यू गो अहेड. महेंद्र या कोई भी चलेगा. हाँ पहले मैं आयुष दो मिनट. महेंद्र भाई घर में कोई बात नहीं, आप चालू करो. दोनों में से कोई भी कर ले यार. आयुष यू स्टार्ट विद. तो यू नो मैं भले स्पेसेस पे ज़्यादा एक्टिव नहीं था, बट पर्सनली काफ़ी हद तक मैं लॉन्ग था. लास्ट स्पेसेस में भी बोला था जब भी मैं आया था, एंड अभी भी मैं न्यू हाई की तरफ मार्केट जा रहा है. एंड आई एम पोजिशनिंग माई सेल्फ फॉर अनदर यू नो 300 to 500 points अपसाइड आफ्टर द न्यू हाई कमिंग. तो पॉसिबल ये है इस बार कि निफ्टी कंपोनेंट्स शायद अगेन देर मे बी अ चेंज. इट मे नॉट बी द मेन कंपोनेंट बैंक निफ्टी विच मे ड्राइव द मार्केट, ऐसा मुझे लगता है. हाँ, अलॉन्ग विद द मार्केट वो भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ. बट जो अग्रेसिवली मार्केट को खींचने में बैंक निफ्टी ने काम किया है, वो शायद अग्रेसिवनेस अब बैंक निफ्टी में ना दिखे, ऐसा मेरा व्यू है. अलॉन्ग विद दैट देर मे बी अदर हैवी वेट्स, जैसे एट दिस पॉइंट टाइम हम लोग अप्रॉक्सीमेशन 18,400 के आसपास हैं. तो 18,450 के आसपास में बहुत बड़ा योगदान आईटीसी और काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स ने दिया है अलॉन्ग विद बैंक निफ्टी. तो हैवी वेट्स ने में एलएनटी आईटीसी ये सारे ने काफ़ी योगदान दिया है. तो मेरे को लगता है कि यही सारे स्टॉक्स शायद और निफ्टी को ऊपर ले जाएँ. आईटी भी अच्छा चल रहा है, अच्छा सिर्फ इन्फोसिस रेजिस्टेंस पे है,
अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है तो इन्फोसिस भी चल सकता है. एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे डेली और वीकली पे बंद हुआ है इन्फोसिस. तो आईटी भी बहुत अच्छा लग रहा है अभी भी, एंड रेजिस्टेंस तोड़ता है तो इन्फोसिस में और 100 पॉइंट्स अपसाइड दिखता है मुझे. तो यू नो कंपोनेंट्स में चेंज, बट निफ्टी और ओवरऑल अभी अभी के लिए अगर मुझे आज पूछ रहे हो तो मुझे बुलिश दिख रहा है. एंड आई एम लुकिंग एट यू नो 19,200 ऑन द अपसाइड इफ इट ब्रेक्स ऑल टाइम हाई. स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छा चल रहा है. पीएसयू बैंक्स के बारे में मेरा, अमित और एक और कोई बंदा था जिसका कंटिन्यूस व्यू था कि पीएसयू बैंक्स पागल हो जाएंगे, और यू नो इट हैज बीन प्रूवन राइट. टाइम एंड अगेन वी हैव सेड पीएसयू बैंक्स, इवन मिड कैप एंड स्मॉल कैप पीएसयू बैंक्स हैव परफॉर्मड अमेजिंगली वेल. इनफैक्ट कपल ऑफ मिड कैप पीएसयू डबल्ड अगर ध्यान दिया हो पब्लिक ने तो. And I still feel there is a lot of you know mid cap or small cap PSU banks which may perform still. अभी भी जगह है. तो अगर dips आता है तो buy करिए. And yes, index wise बहुत ज़्यादा ऊपर मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें perform करना शुरू हो गई है. तो 19,200 तक ही अभी के लिए है मेरा. आगे data and market and sentiments के ऊपर काफ़ी सारा डिपेंडेंट रहेगा. दैट्स माई व्यू. अभी स्टॉक स्पेसिफिक कुछ नहीं जा रहा हूँ, बट दिस इज ओवरऑल व्यू दैट आई हैव. भाई यू कैन गो स्टॉक स्पेसिफिक आल्सो, नो इश्यूज विद दैट. पर्सनली मुझे लगता है कि चाइना की वजह से, चाइना लॉकडाउन एंड ऑल दिस इज हैपनिंग, तो मुझे लगता है थोड़ा सा केमिकल के ऊपर फोकस जाएगा. तो मैं केमिकल स्टॉक्स में थोड़ा सा बुलिश हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग द फ्रंट लाइनर्स, बट स्मॉल स्टॉक्स फॉर एग्जांपल IOLCP हो गया, या यू नो सुदर्शन केमिकल हो गया. छोटे छोटे जो, मतलब छोटे नहीं बोल सकते बट मिड कैप स्टॉक्स हैं, उसमें मैं स्टॉक स्पेसिफिकली मैं थोड़ा बुलिश हूँ. मुझे डिलीवरी वाइज, आई एम नॉट टॉकिंग वन और टू डेज, बट फ्यू एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ्स that I'm talking about. तो मैं chemical stocks में again मैंने खाली दो stocks बोले हैं. You can identify your own stocks. Definitely do your homework. Along with that, मुझे अभी भी PSU banks में मैंने जैसे बोला, तो मुझे महाराष्ट्र बैंक अच्छा लगता है, इंडियन ओवरसीज बैंक अच्छा लगता है, इंडियन बैंक अच्छा लगता है. इवन देर इज़ अ ह्यूज ब्रेकआउट इन PNB विच इज़ अ हैवी इक्विटी स्टॉक. तो being a second largest PSU bank, you know, तो मुझे इसमें volume दिख रहा है but price काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है. तो any dips around 47-48 is a buy. 50 तोड़ता है तो मैं तो buyer बन जाऊँगा. 2-3 रुपये के लिए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके लिए. तो मुझे because there is a price and volume both in BNB, I am bullish on that. Along with that, मुझे थोड़ा बहुत IT सेक्टर में बुलिशनेस दिख रहा है. IT सेक्टर में HCL टेक काफ़ी अच्छा चल रहा है, एंड इन्फोसिस खाली रेजिस्टेंस पे अगेन. अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो आई विल बी अ डेफिनेट बायर. TCS मुझे अच्छा लग रहा है. HCL टेक में मुझे दिख रहा है कि अगर ये 2% भी नीचे आता है तो डरना नहीं चाहिए. तो 2-3% HCL टेक के लिए नॉर्मल मूवमेंट है, और 2-3% नीचे आता है तो डिलीवरी वाइज कोई या ट्रेडिंग वाइज कोई डरना नहीं चाहिए. एंड वन शुड गो लॉन्ग इन HCL टेक बिकॉज बहुत पावरफुल बाइंग दिख रहा है मुझे फ्रॉम लोअर लेवल्स. एंड दीज हैंड्स आर नॉट देयर फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, दे आर देयर फॉर लॉन्ग टर्म. दैट्स माय व्यू. अगेन सॉरी, किसी को Aish, just tell me, UCO Bank, Indian Bank, Bank of India, South Bank, all have given breakouts. Any views on that? South Indian Bank actually double ho chuka hai yaar. Tum ye level pe thoda sa khatra dikhta hai. 18-19 pe hamesha ye rukta hai. To South Indian Bank main thoda sa you know cautious hu. Mere paas personally delivery tha jo maine in fact khali becha 16 mein. To main you know actually main sach bolu to 8 rupaye 9 rupaye pe accumulation tha. 16 rupaye पे मैंने 80% खाली कर दिया. 20% फ्री क्या प्रॉफिट भी निकल गया, कैपिटल भी निकल गया, खाली ऐसे ही पड़ा हुआ है तो वो रखा है. अगर 18-19 आता है, 20 आता है तो मैं बेच दूंगा उसको भी. तो मैं आई एम नॉट अ
वेरी बिग फैन ऑफ साउथ इंडिया बैंक बिकॉज मेरे को उसका यू नो बेसिकली दिखता नहीं है कि सिवाय साउथ इंडिया में कहीं पे भी वो परफॉर्म करता है या एक्सपेंशन है उसका. बट अगेन चल रहा है अभी के लिए. एंड बहुत सारी बैंक्स, मिड कैप बैंक, बैंक ऑफ इंडिया 81-83 के आसपास आ गया है. तो बैंक ऑफ इंडिया भी 95 के आसपास से पिछली बार घूमा था, 95-105 के बीच में ये घूमता है. तो पॉसिबल 10-15% यहाँ से और ऊपर है. मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं चलेगा. PSU बैंक पूरा चलने की प्रोबेबिलिटी पे चल रहा हूँ मैं, तो वो भी चल सकता है. एक बार ये 108-110 के ऊपर गया बैंक ऑफ इंडिया, फिर देर इज नो लुकिंग बैक. तो ये ध्यान रखना है कि अगर ये रेजिस्टेंस जोन जो है 95-105 का क्रॉस करके 110 के ऊपर बंद आता है, डेली वीकली पे अगर छप जाता है, यू कैन सी वंडर्स इन यू नो बैंक ऑफ इंडिया. क्योंकि अपसाइड अगर किसी का ध्यान है, देर वर टाइम्स व्हेन दिस बैंक ऑफ इंडिया यूज्ड टू ट्रेड मोर देन 525 रुपीज. आई हैव ट्रेडेड 525, भले शॉर्ट खेला था वो बात अलग है, बट दो अदर टाइम्स व्हेन इट वाज इन FNO आल्सो, उसको निकाल दिया FNO में से, वो बात अलग है. बट देर वर टाइम्स व्हेन 525 पे वो ट्रेड करता था. तो अपसाइड बहुत बड़ा हो सकता है. मैं ये नहीं कह रहा कि 500 जाएगा, बट अगर ये टेक्निकल ब्रेकआउट देता है तो ये यू नो इट कैन डू वंडर्स अराउंड 160-170 इज वेरी इजी, क्योंकि अब FNO में भी नहीं है तो इक्विटी खींचना ईजी है. अमित, और कोई आपको समझ आ रहा है तो बताओ. मैंने तो काफी सारे ये बता दिए, सेक्टर स्पेसिफिक मैंने स्पेसिफिक बताया. मुझे तो सारा आपने जो HCL Tech की बात की ना, और पिछले स्पेस में किरीट सर ने भी HCL Tech के बारे में बोला था. किरीट सर ने मोमेंटम के हिसाब से उसको पिक किया था एक अच्छा बेट. और इंफोसिस में जैसे आपने बताया कि वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में खड़ा हुआ है, अगर उसको वो डब्ल्यू पैटर्न जो बना रहा है, अगर आप क्लोजली वीकली चार्ट वॉच करोगे IT सेक्टर का प्लस TCS का और इंफोसिस का, तो एक काफ़ी सारी सिमिलरिटी ये तीनों चार्ट में नज़र आए. तो जैसे ही ये दोनों ब्रेकआउट देके ऊपर के लेवल पे, जो डबल बॉटम तक क्रॉस करके जो चल रहे हैं, तो उसके बाद में ओवरऑल IT सेक्टर में एक अच्छा खासा अपमूव आने की पॉसिबिलिटी लग रही है. एब्सोल्युटली सर. एक हाँ, बीच में एक मार्जिन प्रेशर वगैरह था उन पे, वो अभी ये क्वार्टर से थोड़ा थोड़ा वो मार्जिन प्रेशर जो है वो थोड़ा कम होने के चांसेस है. ये समित सर, ओवर टू सर. व्यू ऑन डिफेंस सेक्टर एंड स्पेशली भेल, HAL, हाउ शुड वी अटैकिंग ऑल दोस स्टॉक्स? आई एम सॉरी, मेरे को आवाज नहीं आया. मेरे लिए क्वेश्चन था भेल, HAL, मतलब डिफेंस सेक्टर स्पेसिफिकली. See, if we see BHEL, L&T सब चल रहा है, capital goods सब चल रहे हैं, economy अच्छी होती है तो capital goods चलता है. It is a, मैं BHEL मैंने 4-5 मेरी चैनल पे भी दिया है, अगर कोई मेरी चैनल में है तो. आई एम नॉट श्योर, बट मैंने BHEL 56, 62, 66, 72 हर रेट पे मैंने बोला है. इनफैक्ट कल मैंने 80 रुपये पे भी बोला, आज ये अपर सर्किट मारेगा ही, और मारा. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला इसके लिए, बट ओवरऑल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको वॉल्यूम दिख रहा है. वॉल्यूम कल 11-11.5 crore का वॉल्यूम हुआ है, और डिलीवरी देखो जाके तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. तो ओवरऑल BHEL को मैं BTSG भी करवा के गया हूँ, और मुझे पर्सनली लगता है ये 90 रुपये का क्रॉस करेगा. बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये स्टॉक अब नज़र में आ गया, तो मैं इसमें 10-15% से ज़्यादा ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव मैं निकल जाऊंगा. डिलीवरी प्रोस्पेक्टिव वो रखा हुआ है, शायद मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बुलिश हूँ. टेम्पररी रीजंस जो FNO में है वो मैं एग्जिट कर दूंगा. ओवरऑल एक और स्टॉक RBL.
हाँ पहले ये कंप्लीट कर ले, उसके बाद एक स्टॉक और आरबीएल प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट 132 पे मैंने दिया है, 141 के ऊपर मैंने बोला था ये फट जाएगा, मतलब मुझे ये 160 अगर क्रॉस कर दिया ना तो ये शायद 196 बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा लिटरली, ये ऑलरेडी गैन नंबर के ऊपर है, 144 के ऊपर है एंड इट कैन रियली ब्लास्ट, इसमें प्राइस वॉल्यूम दोनों है। आरबीएल बैंक मैंने यू नो अगर फॉर्चुनेटली फॉर मी अमित आप मेरे को वही स्टॉक पूछ रहे हो जो एक्चुअली मैं ट्रेड कर रहा हूँ अभी, तो बहुत अच्छा क्वेश्चंस मेरे लिए पर्सनली बन रहा है सिवाय एचयूएल के, एचयूएल में मैंने ट्रेडिंग करके मैं निकल चुका हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नो पर्सनल पोजीशंस इन एचयूएल बट स्टॉक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज वी स्पीक मैं चार्ट पे नहीं हूँ, तो आई वुड पास एचयूएल फॉर नाउ। HL पूछा था ये, HL सॉरी, तो भाई बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अनफॉर्चुनेटली लोगों ने 1500 पे इसको बोला था ओवर वैल्यूड है और अब 2700 रुपए पे लोगों को सडनली चीप लगना शुरू हो गया क्योंकि अब हम बहुत सारी डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए, तो इट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब स्टोरी बाहर आना शुरू हो जाता है ना तो थोड़ा डर लगना शुरू हो जाता है स्टॉक से, तो जैसे मैंने बोला बेल के लिए मैंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग प्रस्पेक्टिव नहीं रहूँगा, तो मैं एचएल में भी मैंने ट्रेडिंग करके मैं निकल चुका हूँ पर्सनली, नो पोजिशन इन एचएल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं सजेस्ट करूँगा रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा वेट कर लें, ऐसा नहीं है कि नहीं भागेगा बट अगर थोड़ा नीचे में मिलता है अराउंड 2440 के आसपास तो बेटर रहेगा, पब्लिक कैन टेक डिलीवरीज एंड और ट्रेडिंग बेट्स ओवर देयर रादर देन एट 27 2750, इट इज अ वेरी यू नो ओवरबॉट स्टॉक एट फॉर इन माय व्यू। सो वी हैव क्रेडिट्स आर आल्सो ओवर हियर, क्रेडिट्स सर प्लीज ओवर टू यू, बस नो डाउट में बहुत पैसा है अभी भी कि नहीं है, पहले मुझे उसका आंसर दो। Thanks, Amit, for inviting. The trend is up and markets have been doing well, reasonably well. Traditionally, I have seen, you know, hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir, aawaaz aa rahi hai. Okay, thank you. Traditionally, I have seen November mein thoda scare hota hai, which luckily didn't happen this time, but December historically has been good months. And the reason, January थोड़ा तकलीफ वाला काम हो सकता है, somewhere first week of Jan or third week of Jan. Even if you look back at market stops that have happened, I mean eventually बाजार कितना ऊपर जाएगा is anybody's guess. That means I don't know. I know the trend is up and I'm long. And second thing is I think you need to have a very focused approach. I mean, every PSU bank is doing well. You can't go and buy all the PSU bank because hota aisa hai ki you buy 3 PSUs and let's say tomorrow the PSUs stop moving and the other sector starts moving. So you're stuck. So ideally what we follow is 1 or max 2, but 2 bhi hum avoid karte usually. Ghanshyam ji ne bola tha, toh main HCL Tech liya tha kuch 1000 14-15 के करीब में लिया था, वी केप्ट ऑन पिरामिडिंग एंड स्टिल होल्डिंग, सी यू नो यू विल मेक बिग मनी बिफोर द फ्लाइट टेक्स ऑफ, घटना घटने के बाद तो सबको ही मालूम है क्या है और क्या नहीं है, आपको स्टॉक्स कैन कीप गोइंग अप, जैसे आई मीन आई वाज आल्सो लकी इन गॉडफ्री फिलिप्स व्हिच वी कॉट एट अ वेरी आई मीन यू नो गुड प्राइस, आई रिसेंटली बॉट सम रेणुका शुगर अ डिसेंट क्वांटिटी, अब वो क्या करेगा मुझे ये नहीं पता है, बट आई नो माई अंकल पॉइंट, बेसिकली मुझे ये पता है कि मुझे कहाँ बाहर निकलना है और मैंने कितना रिस्क एलोकेट किया है, सो दिस इज द टाइम यू विल मेक लॉट ऑफ मनी इन मोमेंटम इफ यू आर लकी एंड इफ यू इन द राइट स्टॉक, अगर आपको लगता है कोई स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुका है तो वन ऑफ द वेज दैट आई लुक एट इज यू नो यू वेट फॉर अ वन और टू डे लोअर लो, जैसे एक स्टॉक हाई बनाता है, जिस दिन हाई बनाता है उसका लो देखो, if the next day the low is broken wait to see low tootne ke baad wo pichle din ke high ke close ke upar band ho raha hai ki nahi ho raha, agar nahi ho raha hai you see the second day
एट द सेकेंड डे में ब्रेक द लो ऑफ द प्रीवियस डे. जब वो टू डे लो होके जब वो क्लोज प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर बंद होगा. नाउ दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल विच स्टैटिस्टिकली वर्क प्रीटी वेल इन मार्केट. I mean, I'm talking of things which I have tested. I usually share it with my mentees. But Amit bhai ke spaces mein aate hai, toh phir bolna padta hai. So, ye cheeze chalti hai. You know, jaise wo naya low bana ke, toh one day low, two day low, three day low ke baad wo recovery maarta hai aur pichle din ki close ke upar band hota hai. Wo cheeze achhi thi. If you go and check, Hindustan Aeronautics was one of the questions. By the same logic, even I entered at that level when it was the second lower low day, and then we closed higher for the day compared to previous day. And I think, dekho, correction will happen time and again. The question ye hota hai, are you in the market for 50 points, 100 points, are you there to make money? I've always been maintaining one stand that big money is made when your duration is longer. ये अंदर बाहर करने से केवल ब्रोकर अमीर बनता है और कुछ नहीं होता है. I also bought Can Bank at 312-13 के लेवल में, 335 के कल 35 वाला कुछ 26-27 आया, होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. कितना ऊपर जाएगा मुझे नहीं पता है, बट वी हैव अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस. सो इफ यू लेट योर प्रॉफिट रन तो ही मोटा पैसा बनने वाला है. Or a decent return. So when I say a mota paisa or a decent return is not like what you see on Twitter, 1000% or 500% in one day. That's all nonsense. Wo nahi hota hai. Even if you end up, you know, if trend followers end up at 20%, 25%, 30%, that's supposed to be extremely good. Reality, that's the kind of return that gets generated. And baki kya, catch momentum, go with the strongest stock. If they do well, bahut achhi baat hai. नहीं चला तो फिर आप क्या कर सकते हैं, झेलना पड़ेगा. बट स्टे विद द ट्रेन. दैट्स इट. ओवर टू यू अमित. थैंक यू सर. बट व्हाट इज द करंट ट्रेड, अपसाइड है क्या डाउनसाइड दिख रहा है? लोग बोलते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या टॉप मार देगा, न्यूक्लियर हो जाएगा. वो पता है वो राजेश खन्ना जी की वो क्लेम में वो गाना था, कुछ तो लोग गएंगे, लोगों का काम है कहना. तो 15,000 से मैं सुनते आ रहा हूँ कि 12,000 आ जाएगा, 17,000 से 15,000 आ जाएगा, 18,000 से 16,000 आ जाएगा. पर यू रे बट एट द एंड ऑफ द डे हम बाजार में किस लिए हैं, ये बताने के लिए थे? मैंने बोला था या पैसा बनाने के लिए? एटलीस्ट मैं तो पैसा बनाने के लिए. सीधा दिखता ट्रेंड है बाजार, ठीक है, यहाँ से भी यू कान रूल आउट 200-300 पॉइंट निफ्टी करेक्शन. सो वॉट, तभी तो मैंने कहा ना, डिपेंड्स वॉट यू आर लुकिंग एट. And one of the major reasons why people lose money in trading is, you know, they are more happy being right rather than making money. It's a very powerful statement. Agar aap gaur se, I think every listener apne aap ko bhi ye sawal puche ki am I here to be right or to make money, so the answer will be very obvious. Being right, you have a 50% chance of being right. Aap paisa dal ke bataiye mujhe aur paisa bana ke dikhaiye to main manu. It is all nonsense. और देखो अब वो कहते हैं इतना चल गया तो नीचे आना ही है, बोलते शॉर्ट. मैं किसी का सुन रहा था कुछ 15 दिन पहले, 18,400-18,500 के ऊपर जाएगा नहीं, 18,200 की चीज का तुम बोलते 18,500, आप 18,400-18,600 का स्टॉप लॉस बताओ, 500 रुपए का स्टॉप लॉस. तो बेसिकली वो अपना व्यू फोर्स कर रहा है, ये डेटा बता रहा है वो. हाउ डज द मार्केट टेलिंग यू, जो बाजार बता रहा है उसको फॉलो करो. अभी कल अगर मुझे लगेगा अगर माय सिस्टम द ईयर ट्रेंड नीचे की तरफ होगा तो आई विल गो शॉर्ट. मेरे को कौन सा पद्मश्री अवार्ड मिलने वाला है सही हो के? कुछ नहीं मिलने वाला है. आई एम, माय ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, आई एम हियर टू मेक मनी, टू हेल्प विद द व्यूज, एंड यू शुड नो एट व्हाट पॉइंट यू नीड टू एग्जिट. और वो तब होना चाहिए सौदा मारने से पहले. मारने के बाद ये नहीं कि स्पेसेस में आओ और पूछो ये स्टॉक लिया है तो कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए. दैट विल नेवर वर्क फॉर यू. आपको पता होना चाहिए कि आप जब एंट्री कर रहे हो तो मैं कितना रिस्क एलोकेट कर रहा हूँ, मुझे कहाँ निकलना है. जो भी आप फॉलो करते हैं, आई एम नॉट अ बिलीवर इन टेक्निकल. आप भले टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते, एलियट वे फॉलो करते, गैन फॉलो करते, व्हाटएवर,
जो समझ में आता है वो चीज डाली है ताकि रात को सुकून की नींद आएगी। हाँ जी अमित सर, मैं तो आपके उसमें एक बार स्टेटमेंट ऐड करता हूँ कि वी आर हियर टू मेक मनी नॉट फ्रेंड्स। गलती से उसमें कोई दोस्त मिल गया बहुत अच्छी चीज है, वरना हम मार्केट में एक ही ऑब्जेक्टिव हमारा पैसा कमाना, दोस्त बने दुश्मन बने कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरा लास्ट में अगर घर में पैसा नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा अगर फुल टाइम प्रोफेशन यही है, आई एम ओनली हियर टू मेक मनी। So the objective of coming to market is only one simple principle that we are here to make money, not friends or enemies. दोस्त बने दुश्मन बने कोई फर्क ना पड़ेगा अगर लास्ट में मेरे घर पे पैसा आ रहा है, क्योंकि मेरा फुल टाइम प्रोफेशन ट्रेडिंग है, ये इन्वेस्टिंग है। तो 12,000 तो आएगा। अरे वो छोड़ो ना, वो निफ्टी में नहीं, वो छोड़ो स्मॉल कैप में आएगा, वो छोड़ो ना, जिस पे आएगा आएगा, देख लेंगे। 12 आएगा तो 12 को भी ट्रेड कर लेंगे, 15 आएगा 15 को भी ट्रेड कर लेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं गिरता है। तो आपने व्यू पे इतने एडमेंट मत हो जाओ कि पैसा ना बने मार्केट। अगर मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं तो मार्केट डायनेमिक्स को फॉलो करो, और अपना व्यू है व्यू से पैसा नहीं बनता। एक्चुअली जब आप बटन दबाते हो ना F1 या F2 उससे पैसा बनता है या पैसा जाता है, हाँ सिंपल रहता है। बाकी व्यू से कोई काम नहीं आता। मेरा व्यू को रहेगा कि भाई निफ्टी 35,000 चला जाएगा और पता लगा मैं निफ्टी 3500 पॉइंट पे बोल रहा है कि किसकी आवाज नहीं आ रही, मेरे इधर नेटवर्क इशू है। मेरा आवाज आ रहा है? आपका आवाज आ रहा है मुझे किट से? मेरा आवाज आ रहा है आपको? या बिल्कुल आ रही है। किट से शायद आपके नेटवर्क में कुछ इशू है। तो ऐसे सिंपल है अभी पीएस सेक्टर पूरा जो है बजट तक एक अच्छा खासा चलेगा, यहाँ से अभी जनवरी तक पीएसयू सेक्टर अच्छा चलेगा क्योंकि गवर्नमेंट को काफ़ी सारा ये सेक्टर डिविडेंड देता है। तो डिविडेंड के हिसाब से अगर किसी को प्ले करना है या ये मोमेंटम अगर कैच करना है तो उसमें चढ़ जाओ और उतर जाओ, लंबे समय के लिए उसको अभी संभालो मत, क्योंकि वापस से वो डिविडेंड पे आउट होने के बाद में प्राइस एडजस्टमेंट उसमें हो गई होगा और अच्छा खासा डिविडेंड ये कंपनी दे सकती है। सेकंड थिंग, जैसे किरीट सर ने भी बोला था कि पीएसयू बैंक एक या दो जो चलेंगे वो लेके रखो। पीएसयू बैंक अपने स्पेस से सब लोगों ने बहुत पहले से रिकमेंड किया था, जब पीएसयू बैंकिंग सेक्टर ऊपर आ रहा था, जब मेरे ख्याल से निफ्टी 16,000-16,200 जब क्रॉस किया था उस समय से पीएसयू बैंकिंग के अंदर में पीएसयू बैंकिंग का एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा था। और पर्सनली मैं भी वहां से काफ़ी लॉन्ग हुआ था पीएसयू में, अच्छा खासा उसमें भी पैसा बनाया है। सेकंड थिंग, और अभी आईटी का तो ये देख ही रहा है, और एक कौन सा सेक्टर था, हाँ कैपिटल गुड्स थे, कुछ चुनिंदा अच्छी कंपनी देखो जहाँ पे FII का बाइंग बढ़ रहा है, क्योंकि कैपिटल सेक्टर में FII कंटिन्यूसली धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा है, और FII जब एक्यूमुलेट करता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करेगा, कभी भी छोटे गेंस के लिए कभी भी नहीं करेगा। वहाँ पे वो अपने हिसाब से अपने प्राइस पे एक्यूमुलेट करेगा और बड़ा गेन लेके वो फिर बाद में बाहर जाएगा। अभी वो पुराने ट्वीट देखने पड़ेंगे लास्ट वीक में किया हुआ और कौन कौन से सेक्टर में ये है, अभी मुझे रिकैप्चुलेट नहीं कर पा रहा हूँ पूरी तरह से। तो ओवर टू यू अमित जी। Am I audible to anyone now? Yes, Amit bhai, perfectly audible. अच्छा, फिर हो गया? हाँ, ठीक है। गंजाम सर, आवाज आ रहा है ना अभी आपको? वो शायद कुछ हैंग हो गया रहेगा। तो ऋषि सर भी है, चेतन भी है। चेतन, रिक्वेस्ट भेजा, एक्सेप्ट करना है कभी, आ स्पेस पे बात कर, इतना अच्छा ट्रेड करता है तू। तो जब तक आप लोग सामने नहीं आओगे ना, लोग नहीं पहचानेंगे आप कौन हो।
अपने व्हाट्सएप ग्रुप सेपरेट होते हैं, पर जब तक पब्लिक को नहीं पता पड़ेगा ना आप कौन हो, आप इतने अच्छे ट्रेड करते हो मुझे पता है पर्सनली, तो ऋषि सर आपको भी रिक्वेस्ट भेजा, चेतन आपको भी रिक्वेस्ट भेजा, प्लीज ज्वाइन मी। या चेतन योर व्यूज अबाउट मार्केट एंड स्टॉक स्पेसिफिक कुछ भी। चेतन अनम्यूट करके बोल ना भाई। या एम आई ऑडिबल सर? हाँ बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, थोड़ा सा धीमे बोल। हाँ श्योर श्योर श्योर। यस यस यस, थैंक्स थैंक्स अमित भाई। मार्केट का आउटलुक तो सर बुलिश ही है एंड एज ऑफ नाउ तो स्टॉक स्पेसिफिक ही चल रहा है। यस चेतन गो अहेड, आवाज आ रहा है। ओके ओके, दो चार स्टॉक अभी रेडार पे है वो देख सकते हैं आप। एक तो है एनएलसी नेवल इग्नाइट, मैंने ट्वीट भी किया है, एक एनएलसी अच्छा लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक। बेसिकली मेरा मतलब व्यू स्टॉक स्पेसिफिक ही होता है। हेलो, हाँ आवाज आ रहा है, बोलते रहे भाई। हाँ मैं मुझे आवाज नहीं आ रहा था एक्चुअली। ओके, और आई एम वेरी मच बुलिश ऑन एलएनटी। एलएनटी में आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। ये 2500 से 3000 का भाव मुझे लग रहा है डाउन द लाइन, तो ये दो स्टॉक अभी देख सकते हो आप। एनीथिंग एल्स मैं मतलब ज्यादा बोलता नहीं हूँ, बहुत टाइम के बाद। बीवी ने मना किया भाई बोलने को? नहीं नहीं मतलब बोलने का नहीं है, बट आई एम ए लिसनर एक्चुअली। चल ठीक है, नो इश्यूज, कीप जॉइनिंग इन, तो एक दिन ऐसा आएगा सिर्फ तू बोलेगा हम सुनते रहेंगे, कोई इशू नहीं। थैंक्स 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 अमित भाई, ठीक है चेक, थैंक यू। हाँ तो ऋषि सर है यहाँ पे, ऋषि सर प्लीज गो टू यू। हाय अमित, होप यू डूइंग फाइन। मेरा स्टैंड अभी भी बहुत क्लियर है, मैं तो काफी दिनों से बोल रहा हूँ कि आवर मार्केट इज वेरी स्ट्रांग और आप देख ही रहे हो कि वो काफी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स। एंड जून में वी हैव एक्चुअली बिकम वेरी बुलिश ऑन द मार्केट और आउट परफॉर्मेंस कर रहा है हमारा मार्केट। जब पूरा मार्केट वर्ल्ड गिर रहा हुआ था तो हमारा मार्केट झंडा गाड़ के खड़ा हुआ था। जब डाउ जोन्स 22% नस्दाक 30% तक घट गया था तो वी वर बेयरली नेगेटिव जोन, नाउ वी आर ऑलमोस्ट पॉजिटिव। अच्छा खासा हमारा आउट परफॉर्मेंस रहा है विजावेस एवरीवन। एंड अभी भी मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस रहेगा। सेक्टोरल्स हैव चेंज, इट्स लाइक नाउ द लीडरशिप हैज बीन कम्प्लीटली टेकन बाय द PSU डिफेंस, PSU बैंक्स, और द काइंड ऑफ एसेट क्लीनिंग हैज टेकन प्लेस इन लास्ट 6-7 years। एक रकम से आउट परफॉर्मेंस भी अंडर परफॉर्मेंस भी रहा है बैंक्स का, PSU बैंक्स का। नाउ क्या हो रहा है, जो बोरिंग स्टॉक्स थे आर नाउ बिकमिंग द बेटर स्टॉक बिकॉज हाईली अंडर ओन थे, और जो ओवर ओन स्टॉक्स थे वो लोगों के एल्बेट्रॉस बन गए हैं, वो गले की हड्डी बन गए हैं एक रकम से। सो अंडर ओन स्टॉक्स आर गोइंग टू परफॉर्म बेटर बिकॉज उसमें अंडर ओनरशिप है, लोग उसको लेंगे, FII लेंगे, म्यूचुअल फंड्स लेंगे, किसी के भी पोर्टफोलियो में वो सारे स्टॉक्स नहीं है। अब अगर आपने किसी को बोलते PSU बैंक लो, 2 साल पहले तो कोई टच भी नहीं करता था, नाउ वी आर सीइंग दैट परफॉर्मेंस। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि दोज प्रॉफिट विल बी कमिंग फ्रॉम द रिकवरी ऑफ द NPAs। जो NPA थे रिटर्न ऑफ हो चुके हैं, बैंक के बट्टे खाते अकाउंट में जा चुके हैं, अब वो जब रिकवर हो रहे हैं, उनकी एसेट्स रिकवर हो रही है, उसकी बेच के आ रही है, या वो बहुत सारे अकाउंट से जो
विलफुल डिफॉल्टर नहीं थे, वो कोई कारण से डिफॉल्ट करना पड़ा था उनको, कि उनका मतलब कोविड की वजह से या कोई दूसरे कारण की वजह से वो सारे बिजनेसेस खराब हो गए थे, तो दे बिकम यू नो डिफॉल्टर्स. नाउ दोज बिजनेसेस आर कमिंग बैक टू द ट्रैक, सो दे आर स्टार्टेड परफॉर्मिंग बेटर. वो सारे वो जो डिफॉल्टर कैटेगरी से निकल के दे आर कमिंग बैक टू द यू नो बेटर थिंग. लोन बुक बेटर हुई है, क्लीनिंग अप हो गई है, एसेट क्वालिटी हैव बेटर, प्रोविजन कवर बेटर हुई है. सो मुझे लगता है कि अब गोइंग फॉरवर्ड पीएसयू बैंक विल बी अ इंश्योरेंस, पीएसयू बैंक्स, डिफेंस स्टॉक्स. डिफेंस ऑल्दो काफ़ी रनअप हो चुका है, तो मेरे को एक थोड़ा वहाँ पर वैल्यूएशन पॉइंट का एक इशू लगेगा, बट अंडर ओनरशिप ये सारी जो बोरिंग कंपनीज है दे विल स्टार्ट, दे विल आउट परफॉर्म ऑल दिस थिंग्स एंड वो लोग अच्छे रहेंगे. एक मेरा मैंने लास्ट टाइम आप लोग को KTK बैंक बोला था 70-80 रुपीज़ में, अगर आप लोग को याद हो तो. अभी भी मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है. नाउ एक मैंने एक स्टॉक ऐसे आइडेंटिफाई किया था, शायद आप लोग को पता हो, GIZ हाउसिंग. मुझे लगता है 3-4 पी रेशियो है, बहुत कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छी पेरेंटेज है. इंडिया की सारी टॉप इंश्योरेंस कंपनीज आर होल्डिंग दैट स्टॉक, दे आर द प्रमोटर ऑफ द ऑल द टॉप 4 कंपनीज आर द प्रमोटर्स. नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट है, डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, अर्निंग अच्छी है, ऑलमोस्ट 30-40 रुपीज़ कमाएगा समवेयर बिटवीन दैट, एंड द प्राइस इज 150. तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट हाउसिंग स्टॉक, हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द हाउसिंग इज दैट हाउसिंग मार्केट इज रिकवरिंग एंड इट इज बाउंसिंग बैक, एंड बाउंसिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. तो मुझे लगता है कि हाउसिंग जो एक बूम स्टार्ट हो रही है वो चलेगी, क्योंकि ये सब बूम कोई 1-2 के लिए नहीं रहती है, 10 चलती है, 10 चुप होके बैठ जाती है. वी हैव जस्ट कम आउट फ्रॉम दैट 10 ऑफ यू नो अंडर परफॉर्मेंस, द 10 ऑफ स्लम्प फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड द हाउसिंग मार्केट. सो नाउ दैट इज गोइंग टू पिकअप. सो ऑब्वियसली हाउसिंग बिकेगी तो हाउसिंग लोन्स भी की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, सो दैट इज वन थिंग. ओवरऑल आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द मार्केट, मुझे कोई भी अभी नेगेटिव नहीं रखती है. अब अगेन 100-200-300 पॉइंट का निफ्टी करेक्शन कभी भी आ सकता है, दैट कैन नॉट बी, मतलब वो तो कोई भी कुछ बोल नहीं सकता. बट अगेन मैं यही बोलूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी विल गो टू 10,000, 11,000, 13,000 जो काफ़ी लोग बोलते हैं, और लास्ट 2 में भी उन्होंने बोला था, आई डोंट थिंक सो वो चीज़ वो लेवल्स आई थी. सो यू नीड टू बी केयरफुल, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट. मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें शॉर्ट करके आपको पैसा मिलेगा. इनफैक्ट लास्ट 6 से जिसने शॉर्ट किया है उसके पैसे लगे ही हैं. तो अगर आपको मार्केट नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, बट शॉर्टिंग इज नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज मार्केट शोइंग वेरी गुड रेजिलेंस. और मैं तो सबको ये बोलूंगा, देखिए मैं तो ट्रेडर हूँ नहीं, मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मैं सबको ये बोलूंगा अच्छी जगह इन्वेस्ट करके आप बैठ जाइए, यू विल मेक गुड मनी इन द लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म देखिए इट्स नोबडी, किसी के हाथ में होता है. एकदम कोई एक्सपर्ट ट्रेडर होता है तो वो कमा लेता है. आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ट्रेडर, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, उसमें मेरे को पैसा आता है. और आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में सबके पास पैसा आएगा इफ़ यू टेक अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स, अ गुड क्वालिटी स्टॉक, अ डिसेंट क्वालिटी स्टॉक जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो फ्लाई बाई नाइट नहीं हो, जो जिसमें एक कैश फ्लो हो, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी हो, जिसका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ कहीं भी दिक्कत होगी. सो दिस इज व्हाट माय ओपिनियन इज अबाउट द मार्केट. थैंक यू. तो चंदन योर व्यूज. चंदन अभी 30 सेकंड्स में, 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स अलोन नहीं पैसा लग जाएगा. तो देखो व्यू बहुत क्लियर है कि मार्केट अगर अपट्रेंड में चल रहा है तो फाइंड आउट गुड स्टॉक्स विच आर गिविंग गुड ब्रेकआउट्स एंड आर सस्टेनिंग दोज ब्रेकआउट्स. अगर आप ब्रेकआउट में नहीं खरीदे तो अगर रीटेस्ट होता है ब्रेकआउट का तो उस पे जाके उस ब्रेकआउट में जाके खरीदो. आप सेक्टर एक निफ्टी को एक बेस बना के देखो कौन सा सेक्टर ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो आपका सिंपल स्टॉक सेक्टर सिलेक्शन हो जाए. उस सेक्टर में जाके चेक करो कि कौन सा स्टॉक उसको सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहा है. जैसे PSU बैंक्स हो गए, ठीक है, क्रेडिट सर मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि 11 साउथ बैंक चल रहा था. मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर आपका क्या बोलता, तो सर ने मुझे गाली दे दी कि मैं ऐसा स्टॉक देखता ही नहीं तेरे जैसा, कि 10 वाला स्टॉक मेरे रेडर में ही नहीं आता है. तो फिर वो 11 का गलती से 15 हो गया,
तो मैं बाकी उनको बोल नहीं सकता, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनका, बट स्टिल रिमेम्बर्स कि तेरे पास साउथ है, मैंने कहा सर आज भी साउथ, अपन साउथ इंडियन मूवी के फैन है तो साउथ बैंक के भी फैन हूँ। तो जब आपको स्टॉक मिलता है ना उसको पकड़ के जब बैठोगे ना, मजगांव डॉक मैंने बहुत लेट एंट्री मारा था, क्रेडिट सर ने 440 पे पब्लिकली इस फोरम पे बोला है, आई स्टिल रिमेम्बर मेरा एंट्री हुआ था कुछ 670 पे जाके, फिर ऐड किया 740 पे, वापस ऐड किया 800 पे और ऐड किया। तो जो पिरामिडिंग चलता है ना, अब वो बेचते क्यों नहीं है, क्या किसको पता, क्रेडिट सर को भी नहीं पता ना, मुझे पता कि वो 1000 जाएगा कि 1500 जाएगा कि 2000 जाएगा। क्रेडिट सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही, ऑन द मार्क, एब्सोल्युटली राइट। तो आपको ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो मार्केट से पहले नया लाइफ हाई मार रहा है और वो सस्टेन करके और ऊपर जा रहा है, तो उसमें बाइंग करो ना। आप जाके खरीदोगे कोई रत्नाकर बैंक, सॉरी अपना बंधन बैंक, जिसमें छोटा सा रिवर्सल देखेगा, आप जाके खरीदोगे कोई अनसेंड स्टॉक जो 52 वीक लो बना रहा है, एग्जाम्पल पेटीएम जाके खरीदोगे, क्यों? क्योंकि पेटीएम और वैल्यू हो गया। अरे क्या वैल्यू, जब प्राइस आपको बोल रहा है कि भैया मैं जा रहा हूँ नीचे, और वहां जाके हम पंचायत करके आ रहे हैं कि नहीं प्राइस नीचे नहीं जा रहा, हमारा कन्विक्शन है। तो कन्विक्शन घर पे रखे हो, यहाँ पर आप पैसा बनाने आए हो, यहाँ पर है ना आपको बॉटम ना ढूंढना ना टॉप ढूंढना है, जब तक गाड़ी चल रही है गाड़ी में बैठे रहो। चंदन का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैंने सुना था, जिसका मैंने एक बार रिकॉर्ड किया था यूट्यूब पर, कि मार्केट में ना जेब कतरे बचो, वो भी कौन सी, चलती बस की, आपको लास्ट तक नहीं रुकना है, आपको चलती बस में घुसना है, लास्ट स्टॉप तक रुकोगे पक्का पकड़े जाओगे, उसके पहले चलती बस से ही उतर जाना है। तो हम मार्केट में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमारा काम नहीं है टॉप और बॉटम ढूंढना, ये गलत समय दिल से निकाल देना, हमें सिंपल ट्रेडिंग करके अपना पैसा लेना है। अगर मूव 100 रुपए से 200 रुपए तक का है, उसका अगर 60-70% भी कैप्चर कर लिया ना, तो पकड़ना बहुत अच्छे ट्रेडर हो आप, एब्सोल्यूट पकड़ के चलना। किड सर अगेन, इज दैट राइट और नॉट, कैन वी कैच द टॉप और बॉटम? एब्सोल्युटली 1-2% कैच टॉप और बॉटम पकड़ भी लेंगे, बाकी हमेशा पॉसिबल नहीं रहेगा। सर बर्नार्ड बारूच 1940 में was advisor to President Roosevelt, was also one of the top investors and a good friend of Jesse Livermore. Unne tab ek bahut achhi baat kahi hai, nobody can catch tops and bottoms except for liars. And Abhijit ji, aapne bhi, Chandan ne bhi, maine bhi aur baki logo ne bhi bahut se time कभी कभार गलती से या लकीली टॉप में बेच दिया होगा या बॉटम में खरीद किया होगा, पर हमें मालूम है इट वॉज जस्ट अ लक फैक्टर, इट इज नॉट अ स्किल। और जो कहता है उसके पास ये स्किल है तो ज्यादा तो नहीं, 10 में से 5 बार तो सही होना चाहिए, एंड कोई नहीं कर सकता है। आप उन लोगों से सुनिए जिनने दुनिया में सब सक्सेसफुल इन्वेस्टर, सक्सेसफुल ट्रेडर, सबका एक ही मानना है, दूसरी चीज ये है, अक्सर मैंने देखा है ये प्रॉफिट टारगेट में आप अपनी कमाई मार देते हो। अब आप एक सिंपल गणित पकड़िए, अगर आप एक स्टॉक लेते हो, आप 3% का स्टॉप लॉस लगाते हो, जस्ट एन एग्जांपल, ओके, अब मान लो आप 3% का स्टॉप लॉस लगाते हो एंड योर सिस्टम विन रेट इज 50%, तो अगर आप 1:1.2 करेंगे, आपको लगेगा मैं पैसा बना रहा हूँ, पर एंड ऑफ द ईयर पैसा नहीं, लॉस होगा, बिकॉज उसमें आपने चार्जेस नहीं इनकॉर्पोरेट किए। आप अगर 1:2 करते हो तो 3% का रिस्क लिया, 6% बनाया, यानी आप समझो आते भी 2 ट्रेड गलत गए तो भी आप इवन स्टीवंस होंगे। बट वही चीज अगर आप 1:3-4 के ऊपर में जाओगे तो यू डू द मैथ्स एंड सी दैट इज व्हाट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट। यहाँ लोग क्या बोलते हैं, एंट्री किया 2 रुपये ऊपर गया, 20,000 दिए, 40,000 बना लिया, उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, साल के आखिर में देखना कितना बना है। कोई भी चीज जब ऊपर जाती है नेवर गोइंग टू रन वन वे, आपको कुछ स्टॉक चल जाते हैं वन वे, अब मैंने भी लिए ऐसे कुछ चल गए, अगर मुझे पहले से ही मालूम होता कि ये स्टॉक बिगर पलटे चलने वाला है तो मैं भी तो एक ही साथ 1 लाख लेके बैठ जाता, एक ट्रेड करता, थिंग वुड हैव बीन वेरी इजी। हाँ, बट एक चीज जरूर मुझे कहना है, दिस फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, इफ यू बाय अ स्टॉक लेट्स से 500 रुपीस और आपके 500 लेने के बाद समझो 495 का नीचे आता है और 520-525 जाता है, उसको जल्दी कभी मत बेचना। जो चीज लेने के बाद पलट के नहीं देखती है दैट विल गिव यू द बिगेस्ट मनी, and that has been one of the reason why I've done well.
और बहुत सी चीज ऐसी भी होती है कि आपने 500 में लिया, आपने लिया और 500 वाली चीज 400 में ली, उसकी गलत जाने स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना इज वेरी हाई. तो इफ यू एग्जिट देयर स्टिल इट मेक सेंस, बट डोंट सेल योर विनर्स टू अर्ली. 98% ऑफ द पीपल हैव सीन डर के बेच देते हैं बिकॉज यू डू रॉन्ग पोजिशन साइजिंग. फिर आपको डर लगता है 5,000 शेयर ले लिए, आपको दिखता है इतना पैसा बन रहा है, वो नहीं होता है. जब टोटल मारो आखिर में घर में कितना है, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. पब्लिक करती है उल्टा, नीचे आ गया नहीं, थोड़ा रुक जाएंगे, फिर स्पेसिस में आगे पूछेंगे स्टॉक कैसा लगता है, फिर तीन जन से पूछेंगे कि आपकी क्या राय है. तो इसमें एक मेरी सलाह ये है, आपने कोई स्टॉक लिया और नहीं चला, अगर आप किसी से ओपिनियन लेने जा रहे तो पहले समझ लो ट्रेड गलत जाने वाला है. If you seek validation, you know you're on the wrong side. So avoid that. Thanks, Amit. Thank you, Krit sir. आपको सुनने में मुझे इतना मजा आता है ना Krit sir कि मैं आपको घंटे तक सुन सकता हूँ बिना किसी ऑब्जेक्शन से. क्या बात है. सीरियसली सर, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनको सुनने में मजा आता है. आप जब बोलते हैं ना, जो क्लैरिटी होती है आपके बोलने में, वो इतना अच्छा लगता है सुनने में. कानों को तब पसंद आता है कि सुनते रहो Krit sir और बोलेंगे और सुनने को मजा आएगा. थैंक यू. कमिंग टू बैक टू मार्केट में मैं लॉन्ग से 70-80% 90% तक बाहर हो गया हूँ. यहाँ पे मैं मंथली क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ. देखो मेरे ट्रेडिंग व्यूज, ट्रेडिंग प्लान्स शायद अलग हो सकते हैं क्योंकि मैं सिर्फ ट्रेडर हूँ. मेरा अमित सर की तरह या Krit sir की तरह बहुत लंबे टारगेट्स नहीं रहते मेरे. आई एम ए गुड स्काल्पर. स्काल्पिंग अगर अच्छी चल जाती है तो मैं आई कन्वर्ट माई स्काल्पिंग पोजिशन, जो प्रॉफिट में अच्छी बन जाती है तो आई कन्वर्ट इन टू स्विंग ट्रेडिंग. स्विंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता है तो देन आई कन्वर्ट इन टू पोजिशनल ट्रेडिंग. तो यहाँ पे मैं अपनी वो सारी पोजिशन को बुक करके बैठा हूँ. आई एम वेटिंग फॉर मंथली क्लोजिंग. मेरा ट्रेड प्लान में ये है कि अगर मंथली क्लोजिंग इफ वी क्लोजेज अबव 18,600 तो फिर से मैं अग्रेसिव लॉन्ग जाऊँगा यहाँ से. मंथली क्लोजिंग अगर 18,350 से और 600 के बीच में होती है तो आई स्टिल वेट. मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा बाजार में क्या होने वाला है. इफ बाई एनी चांस वी क्लोजेज बिलो 350 तो शायद मैं थोड़ा शॉर्ट सोचूंगा यहाँ से फॉर 200-300 पॉइंट के लिए ओनली. मार्केट खराब तभी रहेगा जब हम लोग 17,900 के नीचे बंद हो जाएंगे. 17,900 नीचे बंद होने के बाद शायद एक फॉल आना चाहिए. वो भाव, क्योंकि 17,900 भाव कहाँ से निकाला, कैसे निकाला, जो आप लोग चार्ट देखते होंगे तो आप देख सकते होंगे कि 17,900 वाज द ओपनिंग हाई, ओपनिंग लो ऑफ नवंबर मंथ. और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी कोई मंथ का ओपनिंग लो बनता है तो पूरे वो काफ़ी टाइम के लिए वो वैलिडेट होता है. और जब तक वो पॉइंट इनवैलिडेट नहीं होता तब तक वो बाजार में अगेंस्ट जाने का कोई शौक नहीं है. मैं बाजार से कभी लड़ता नहीं. मैं अपनी पोजीशन साइजिंग को कभी ऐसा नहीं जाने देता कि मेरा लॉसेस मेरे सर पे चढ़ जाए और मेरा ट्रेडिंग प्लान या ट्रेडिंग साइकोलॉजी से उससे खराब हो जाए. तो 17,900 को बहुत मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ. 17,900 जब तक ऊपर है तब तक इसे भी स्काल्पिंग चलेगी मेरी. ओवरनाइट पोजीशन में मैं लॉन्ग्स तो कैरी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. मैं मुझे नहीं पता अगले दिन खुलेगा क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है. तो सब जब सब मेरा एक्सपीरियंस है छोटा सा है, ऑलमोस्ट मई में 20 साल हो जाएंगे. तो 20 साल के हिसाब से जब भी सब कुछ बहुत अच्छा लगता है तो मैं डर जाता हूँ. और मैं जब भी डर जाता हूँ तो मैं शायद बच जाता हूँ. तो मैं अभी डरा हुआ हूँ बाजार से. 18,600 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो टेक्निकल मेरे लिए लाइफ है के ऊपर क्लोजिंग आना सेम सिनेरियो बन जाएगा जैसे 12,500 रुपये क्लोजिंग आई थी. तो 12,500 रुपये क्लोजिंग आने के बाद जैसा जैसा मार्केट चला था शायद वैसे ही सीन बनेगा. फिर अमित भाई और Krit sir जैसे बोलते हैं कि 200-500 पॉइंट की बात मत करो, फिर 2,000 पॉइंट की बात करो, लेके बैठ जाओ, डिप पे बाई करो, स्टॉप लॉस छोटा रहता है, चल गया तो ठीक है, नहीं चला जाने के लिए कुछ नहीं है. तो रिस्क रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में. Krit sir बता रहे थे ना 1:2 का रिस्क रिवार्ड पे काम करने में मजा नहीं आता. स्काल्पिंग में भी मेरा रिस्क रिवार्ड 2 का नहीं होता. ऑप्शन स्काल्पिंग करता हूं तो रिस्क रिवार्ड 1:4, 1:5, 1:8 तक का रखता हूं. वो इतना पैसा बनेगा तभी एटलीस्ट 1:4 का रहना चाहिए एंट्री करने के लिए. सिमिलरली अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर स्टॉप लॉस छोटा रहेगा. 18,600 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 250-200 का, 180 का, और डिप पे बाई करूंगा जहां तक जाएगा बाजार. फिर जहां तक जाएगा वहां तक लेके जाएंगे.
अगर क्लोजिंग नहीं आती है ऊपर में, बीच में क्लोजिंग रहती है, तो कोई एग्रेसिव पोजीशन नहीं रहेगी, ओवररेट पोजीशन नहीं रहेगी, दिन भर स्कैल्पिंग करेंगे, खाली बैठेंगे, एक दो ट्रेड लेके बैठे रहेंगे। 350 के नीचे क्लोजिंग आती है, 600 के ऊपर का स्टॉपर्स रखूंगा, थोड़ा सा बेचूंगा 18,000 के लिए, 17,950-900 तक के लिए, 950 तोड़ेगा फिर एग्रेसिव शॉर्टिंग का शायद सीन बनेगा। ये वो हाइपोथेटिकल लेवल्स हैं, आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, क्या पता बजाज 7,900 आए नहीं कभी भी और यहाँ से 21,000 हो जाए। तो दोनों तक सिनेरियो के लिए ट्रेड प्लान तैयार है, 350 के नीचे के लिए ट्रेड प्लान तैयार है, 300 पॉइंट का ट्रेड करेंगे, कुछ पैसा बना लेंगे, 600 के ऊपर जाएगा तो ट्रेड प्लान तैयार है, ऊपर जाएगा क्या स्टॉप डाल के क्या स्टॉक्स लेने। आईटी मुझे यहाँ से अच्छा लगता है, आईटी इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, अगर वो एक हफ्ता और आईटी खींच के रख दिया ना तो आईटी में लॉन्ग जाना चाहिए, मैं आईटी में फिर से लॉन्ग जाऊंगा। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, स्टॉप लॉस छोटा का मतलब बोलता हूँ कि मेरे लिए एग्जिट प्लान, मैं ट्रेड में जब तक मैं पोजिशनल ट्रेड नहीं बनाता जब तक मैं मेरे को एग्जिट प्लान नहीं दिखाई देता, एग्जिट प्लान दिख जाता है तो मैं ट्रेड में पैसा डाल देता हूँ। अभी आईटी में एग्जिट प्लान यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट एक हफ्ते बाद एग्जिट प्लान दिख जाएगा मुझे। घनश्याम सर जी कुछ बोल रहे थे आप, जो आप निफ्टी में 17,900 की बात कर सकते हैं, तो निफ्टी में एक 17,840 टू 17,900 में एक गैप छूटा हुआ है। हाँ गैप भी सर, गैप छूटा हुआ है, वो गैप पे ध्यान रखना बिल्कुल, तो वही एक ही बात, फिल करके वापस से रिवर्स भी हो सकता है, हो सकता है, रिवर्स नहीं हुआ तो फिर बात में शॉर्ट का सोचेंगे। सर देखो मार्केट में तो जब डेली मार्केट खुलता है क्या वॉल्यूम हो रहा है, क्या प्राइस पे कितना ट्रेड हो रहा है, वो सब तो हम लोग डेली देख रहे हैं, तो सुबह शाम तक तो यही काम होता है देखने का, तो वो तो अब इतना बेवकूफ तो नहीं हो ना कि अब भाई अब मान लो कोई 850 का गैप होगा, उसको गैप को टच करके वापस 950 के ऊपर आ गया तो मैं शॉर्ट करूंगा, नहीं करूंगा ना। बट नहीं, आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बराबर सूट करता है। मैं कैश मार्केट वाला आदमी हूँ, मैं अपने हिसाब से स्टॉक चूज करता हूँ और उनमें प्रॉपर स्टॉप लॉस रख के, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस रख के एंट्री के टाइम पे ही मेरा स्टॉप लॉस डिसाइडेड होता है। और किरीट भाई भी इस पे, किरीट सर भी इस पे बहुत जोर देते हैं कि एंट्री करते समय ही तुम्हारा स्टॉप लॉस डिफाइन होना चाहिए और उसी हिसाब से मैं एंट्री लेता हूँ। यस चंदन सर, ओवर टू यू। ये तो पहला एग्जिट प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जिट प्लान अगर नहीं रहेगा तो ट्रेड में मैं भी एंट्री नहीं करता। अभी मैंने बोला ना कि अगर मेरे पास एग्जिट प्लान नहीं रहता तो मैं ट्रेड में एंट्री करता ही नहीं, एग्जिट प्लान तो पहले होना चाहिए। जैसे अभी बोला आईटी के लिए, आईटी इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, अभी एग्जिट प्लान नहीं है बट शायद एक हफ्ते बाद मेरे पास एग्जिट प्लान होगा, चाहे वो लॉन्ग के लिए हो चाहे शॉर्ट के लिए हो। अगर यहाँ से ऊपर नहीं गया तो मेरे पास शॉर्ट के लिए एग्जिट प्लान होगा, अगर ऊपर चला गया तो मेरे पास लॉन्ग के लिए एग्जिट प्लान होगा, एग्जिट प्लान मिल जाएगा मैं ट्रेड में एंट्री कर जाऊंगा। सिमिलरली निफ्टी के लिए अभी मेरे पास एग्जिट प्लान नहीं है, बट ये अगले तीन दिन मंडे टू वेंसडे, वेंसडे की शाम तक मेरे पास एग्जिट प्लान तैयार हो जाएगा, तो वेंसडे थर्सडे को मैं अपने ट्रेड डाल दूंगा बना के कि अभी एग्जिट प्लान मेरे पास तैयार है। जैसे क्रिस सर बोलते हैं, बाकी और बाकी जितने वेटेरियंस हैं उन सब में, और एक नॉट ओनली क्रिस सर बट जितने भी प्रो ट्रेडर्स हैं और एक नोविस ट्रेडर्स, उनके बीच में डिफरेंस ये होता है, प्रो ट्रेडर्स के पास अपना एग्जिट प्लान होता है और नोविस के पास एंट्री प्लान होता है। प्रो ट्रेडर के पास एंट्री कुछ नहीं होती, वो एग्जिट प्लान ढूंढ रहे होते हैं, एग्जिट प्लान मिल गया ट्रेड में एंटर कर जाएंगे वो। क्रिस सर से आप पूछ लो, वो कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं करे होंगे, चाहे घनश्याम सर आप कैश ट्रेड करते हो, आपका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग जब ट्रेड में एंट्री करते होंगे तो आप लोग एंट्री करने से पहले सोचते होंगे कि मुझे इस ट्रेड का एग्जिट कैसे लेना है। अगर आपको एग्जिट दिख गया तो ट्रेड में एंट्री ले लेंगे, जब तक ट्रेड का एग्जिट नहीं दिखेगा तब तक एंट्री नहीं लेते। नोविस ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो मैक्सिमम 90% ट्रेडर्स की गलती ये होती है कि वो एंट्री ढूंढते हैं, ट्रेड में एंट्री मत ढूंढो, ट्रेड में एग्जिट ढूंढो। एग्जिट अगर आपके पास है तो आप मरोगे नहीं, इसलिए ना वो जो एक टैगलाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो बेचेगा वो बचेगा। आपको बेचना पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ बेचना है, अगर आपको ये नहीं पता होगा मुझे बेचना कहाँ है, चाहे आप लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट करना है, चाहे आप लॉन्ग में प्रॉफिट में हो चाहे लॉन्ग में अटके हुए हो, अगर आपको एग्जिट प्लान, आपको बेचने का पता है कहाँ बेचना है, तो फिर आप बाजार से आउट नहीं होगे। और ट्रस्ट मी, अगर बाजार से आउट नहीं होते ना तो पैसा तो बना लोगे आप। बाजार से पैसा सिर्फ एक इंसान नहीं बना सकता, जो बाजार से आउट हो जाता है। और आप सबको जानते हैं, एक बहुत पुरानी कहावत है, लोग बहुत पहले के लोग जो अमित भाई हैं, क्रिस सर हैं, घनश्याम सर आप भी हैं, जितने भी पुराने लोग हैं जो 20 साल से ट्रेड कर रहे हैं उनको पता है, सब लोग उनसे जो हमारे जो ऊपर की जनरेशन थी
वो कहती थी एक ट्रेडर की लाइफ जो होती है, बेवकूफ ट्रेडर की लाइफ 3 महीने होती है और एक स्मार्ट ट्रेडर की लाइफ 6 महीने 3 साल होती है। स्मार्ट ट्रेडर मतलब वो ट्रेडर तो अच्छा है, उसको टेक्निकल नॉलेज बहुत चाहिए, तो 3 साल में अपना पैसा खत्म कर लेगा। जो बेवकूफ ट्रेडर है वो 3 महीने अपना पैसा खत्म कर लेगा, सब खत्म कर बाहर चला जाएगा, फिर बाजार बोलेगा बाजार बहुत सट्टा है मत खेलना भाई। और जो डिसिप्लिन ट्रेडर होगा वो लाइफ लॉन्ग टिका रहेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको स्मार्ट ट्रेडर बनना है कि आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। डिसिप्लिन इज द की पैसा बनाने के लिए। आप डिसिप्लिन में आप कुछ भी करिए आपको पैसा बनेगा। डिसिप्लिन में एग्जिट भी होना चाहिए, डिसिप्लिन में एंट्री अगर खराब भी हो जाएगी ना आपकी तो चल जाएगा, बट एग्जिट खराब नहीं होना चाहिए आपका। मुझे कल कौन सा स्टॉक लेना है, क्यों लेना है, कहाँ लेना है, कितना लेना है, क्या रिस्क लेना है एंड क्या स्टॉप लॉस रखना है, इट इज ऑल डिसाइडेड। तो इससे ये हो जाता है कि आई एम नॉट बैंकिंग की भले ही वो चीज चल रही है, मतलब यू नो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इफ यू हैव अ डिफाइंड प्लान, सबसे पहली चीज, यू नो मेरा पर्सनल मानना अमित जी ये है कि इस धंधे का होली ग्रेल केवल रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट है। बिकॉज ट्रेड करने के लिए पैसा चाहिए, यदि पैसा खत्म हो गया यू आर आउट ऑफ द गेम। तो फर्ज करो जैसे परसों मैंने अभी रेणुका लिया, तो मुझे मालूम था मुझे कहाँ लेना है। अब मुझे ये पता नहीं कि बाजार वहां आएगा कि नहीं आएगा, बट मुझे क्यों वहां लेना था वॉज डिसाइडेड। सो आई विल गिव वन फ्री टिप टू ऑल द लिसनर्स, आप हमेशा स्टॉक का ATR देखो। ATR का सिंपल कन्वर्जन ये होता है पिछले 5 दिन क्या रेंज बना रहा है। द रेंज इज हाई माइनस लो, और इन केस ऑफ गैप इट इज हाई माइनस क्लोज होता है लो में से। तो फर्ज करो ऑन एन एवरेज रेणुका का रेंज है 2.25 रुपया 2.30 रुपया। अभी मुझे मालूम है कि ऑन द हाई एवरेज मूवमेंट पिछले 5 दिन की है 2.30, हो सकता है वो 1 रुपया भी चले उस दिन, हो सकता है वो 5 रुपया भी चले, परसों थोड़ा ज्यादा चल गया था। तो कभी भी जो हाईज और लोज बनते हैं किसी भी स्टॉक में, इट हैपेंस बिकॉज वहां वॉल्यूम खत्म हो जाती है। उसका सिंपल एग्जाम्पल ऐसा है, अगर आप एक क्रिकेट की गेंद कुछ ताकत लगा के ऊपर फेंकोगे, आपके हाथ से जब छूटती तब बहुत तेजी से जाती है, बट देन इट रीचेस द पॉइंट वेयर द थिंग इज जीरो एंड फिर वो वहां से गिरने लगती है। तो बहुत से टाइम ये भी हो जाता है कि आप एक्सट्रीम में लेते हो, स्टॉक नीचे आने लगता है, फिर आप डर जाते हो। और सिमिलरली आप ये होता है कि लो में स्टॉप लॉस डालते हो, हम स्टॉप लॉस हिट करा देते हैं और वहां से चीज चलने लगती है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं किसी भी चीज का रेंज देखता हूँ और ये देखता हूँ कि वो कितने टाइम में क्या रेंज कर रहा है। जैसे अगर सुबह ही अगर समझो कोई स्टॉक, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेणुका है, सुबह ही 2.25 रुपया कर लिया पहले आधे पौने घंटे में, तो मुझे मालूम है कि टेम्पररी हाई बन गया है। Then I will wait for it to retrace. I'll ideally prefer to buy it somewhere at the midpoint. और हमेशा मैं पूरा नहीं डालूंगा, मैं पहले उसको टेस्ट करूंगा। क्योंकि देखो बाजार को मेरी कोई उधारी नहीं चुकाने की, मैं सोच के उसको वही करना है। अगर बाजार ने कर दिया तो I'm very lucky. तो समझो मैंने allocate किया, समझो मुझे 25,000 शेयर लेने हैं, तो पहले मैं 25,000 के 3 टुकड़े कर लूंगा डिपेंडिंग ऑन कि व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ माय अकाउंट। इफ आई एम ऑन अ विनिंग स्प्री तो मैं 2 टुकड़े करूंगा, अगर थोड़ा आगे पीछे तो मैं 3 टुकड़े करूंगा। तो मैं पहले 8,000 ले लूंगा, फिर मैं देखूंगा कैसा चल रहा है, फिर लास्ट में अगर वो मेरे खरीदे हुए भाव के ऊपर तो मैं बाकी का माल लेके चल जाता हूँ। बिकॉज मुझे मालूम है कि उस दिन के लिए वो चीज हो चुकी है। ओके, नाउ कमिंग टू द पार्ट एग्जिट। अब चंदन जी इज अ स्कैल्पर, ओके, एंड आई एम अ ट्रेंड फॉलोअर। मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन सी चीज कितनी ऊपर जाएगी, बिकॉज इवेंचुअली किसी को भी नहीं पता है कौन सी चीज कितनी ऊपर जाने वाली है।
सो आई बेसिकली ट्रेल इट विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. और जब भी अब वो समझो वो चीज चलती गई जिस दिन वॉल्यूम फटी और स्टॉक का एटीआर डबल हो गया तो मैं आधा माल बेच के भाग जाता हूँ. देखो जो चीज सबके नजर में आती है ना, इंस्टीट्यूशन एंड द स्मार्ट मनी वॉन्ट टू क्रिएट लिक्विडिटी. वो लिक्विडिटी कैसे करेंगे? अब जिसको 20 लाख शेयर बेचने, अगर वो काउंटर की एवरेज वॉल्यूम 15-17 लाख है, वो बेचने आएगा तो 10 तक नीचे चले जाएगा. वो 20 लाख का जिस दिन 50 लाख हो गया उसको भी तो छूटने को मिलता है ना माल. वॉल्यूम इज अ वेरी ट्रिकी गेम. आई हैव बीन डूइंग रिसर्च फॉर क्वाइट अ नंबर ऑफ इयर्स. तो अक्सर मैं देखता हूँ हाई वॉल्यूम में स्टॉक ऊपर जाया, मैं 2-3 दिन देखो फिर क्या होता है स्टॉक को. सम मे कंटिन्यू द मोमेंटम. तो जो हाई वॉल्यूम वाला जो कंसेप्ट होता है, यू हैव टू सी बैक टू बैक सपोर्टिव वॉल्यूम है कि नहीं. क्योंकि वॉल्यूम इज लाइक प्राइस. अगर समझो किसी को 25 लाख शेयर खरीदने, उसने ब्रोकर को बोल दिया 25 लाख ले ले, वो लेके हट गया, उसको लेके पब्लिक आ गई पीछे, उसके बाद क्या? ये थोड़ी हमको पता है कि फॉलो अप वॉल्यूम आएगी कि नहीं आएगी. तो पहले वॉल्यूम होती है फिर हमें पता चलता है. तो सिमिलरली प्राइस एक्शन में प्राइस चलती तो हमको पता चलता है. तो फॉर एग्जिट आई विल लेट इट रन एंड दीज आर द टू स्ट्रेटजीज दैट आई यूज फॉर एग्जिट. एंड आइडियली आई डोंट फॉलो मच ऑफ रिस्क रिवॉर्ड, बट एक मैथमेटिकली सी आई हैव अ विनिंग रेट ऑफ 35-40 तक. 40 भी नहीं जाता मेरा, और 10 में से 3.5-4 शेयर सही जाते हैं, 6 गलत जाते हैं. तो आई लुक फॉर अ बिग टेल, मोटा मोटा 1:5, 1:6. किस्मत अच्छी होगी तो 1:8 भी होगी. बिकॉज सीधा गणित है, जब मैं 1:5 और 1:6 देखता हूँ, सिंस माई लूजिंग ट्रेड्स आर मोर, बट मेरे लूजिंग ट्रेड में मैं फटाफट काटते हैं. तो समझो मैं 4 ट्रेड में पैसा बनाऊ, अगर 15 भी गलत गए मेरे जो जाते भी हैं ना, बीइंग वेरी ओपन, स्टिल इट डजंट हर्ट मी बिकॉज आई कट माई लॉसेस वेरी फास्ट. तो मैंने जो कहा यू मे फाइंड इट वेरी सिंपल, बट जस्ट वर्ड ऑफ कॉशन इज कि यू ओनली डू इफ इट सूट्स योर पर्सनालिटी. व्हाट चंदन डज आई कैन नॉट डू, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. व्हाट आई डू आई डाउट चंदन जी कैन बी एबल टू डू इट. तो ट्रेडिंग वो है, आपको ये सुनो सबकी, करो अपनी जो आपको भाता है. बट एक ही सलाह है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपके पैसा बनाने के चांसेस बढ़ जाते. ट्रेडिंग इज नॉट इजी है बॉस, आई विल टेल यू दैट. अब ये बुल मार्केट है या बेयर, जो भी हो, मैं मेरा मेजॉरिटी कैश स्टॉक्स होता है. मैं ऑप्शन ऑप्शन एक पैसे का नहीं करता हूँ. लाइक घनश्याम जी, इवन आई ट्रेड इन कैश स्टॉक, बट घनश्याम जी अंडरस्टैंड फंडामेंटल. आई प्योरली फॉलो प्राइस एक्शन सिस्टम एक्टिविटी. सो दिस इज माई टेक. आई विल सबमिट अप वंस अगेन. आई विल फर्स्ट सी माई रिस्क and risk on my capital, okay, then I will थोड़ा थोड़ा करके लूंगा and I will let it run. और मेरी उम्मीद यही होती हर स्टॉक goes to the moon, पर मेरी उम्मीद से तो बाजार चलता नहीं. कुछ चलते कुछ नहीं चलते, काफी कुछ नहीं चलते, जो नहीं चलते पहले ही मैं काट लेता. या अमित, थैंक यू सर. अभी सर एक क्वेश्चन मेरा पहले, भाई भाई मैं पोस्ट हूँ तो पहला हक मेरा बनता है क्वेश्चन पूछने का. अब किसी को पूछना पूछ लेना सर. जस्ट वन थिंग, प्राइस और वॉल्यूम, विच विल यू प्रेफर? के मतलब प्राइस प्रीसीड्स वॉल्यूम और वॉल्यूम प्रीसीड्स प्राइस, और मोमेंटम प्रीसीड्स वॉल्यूम आल्सो? नहीं नहीं, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस. जो हमने स्कूल में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब देखो, बेचने के लिए वॉल्यूम चाहिए होता है. इट इज लाइक, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. अगर आप एक 45 डिग्री स्लोप को विजुलाइज करें, अगर आपको कोई चीज को ऊपर की तरफ लेके जाना है तो आपको ज्यादा जोर लगेगा, पर वो चीज को नीचे की तरफ डालना है तो आपको जोर बिल्कुल नहीं लगता. तो स्टॉक कैन कम डाउन ऑन लोअर वॉल्यूम, दैट इज क्वाइट पॉसिबल, बट फॉर इट टू गो अप इट नीड्स वॉल्यूम. बट देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी देयर ऑल्सो. इफ देयर इज अ वैक्यूम विच इज क्रिएटेड, नाउ व्हाट इज वैक्यूम? अभी समझो सब सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई है, उसके बाद क्या होता है, थोड़े शेयर लेने से फटाफट वो चलता है. पर एक ये भी समझना, अगर सर्किट पे सर्किट लग रही है ऑन लोअर वॉल्यूम, यू कैन देयर आर जॉली वेल हाई चांसेस यू कैन गेट ट्रैप्ड.
अगर आप पहले ही सेल ऑफ में नहीं निकले तो आप फंस जाओगे। मैं भुगत भोगी रह चुका हूँ क्योंकि मैंने वो तमाम गलतियां की है मेरे पिछले 15-17 सालों में जो एक लीडर करता है। तो दिस इज द एक्सपीरियंस। सो बेसिकली यू हैव टू सी कि देखो ATR जानना भी जरूरी है टू आंसर योर क्वेश्चन। ATR वुड बी समथिंग लाइक अगर एक गाड़ी का 11 किलोमीटर का एवरेज है तो 11 वाली 14 देगी। क्वेश्चन अमित आपके लिए है सर, पक्का नहीं देगी जब तक वो हाईवे पे नहीं चल रही है, उसको एकदम अपना कंफर्ट जोन नहीं दिख रहा, तो 14 तक तो जाएगी नहीं। अगर अपने बॉम्बे जैसे ट्रैफिक में फंस गई ना तो 5 का भी एवरेज ना दे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अगर 1 लीटर बचा है रिफिल कराओगे कि नहीं कराओगे? सर करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। सेम लॉजिक गोज ना, इफ यू टेक ATR एंड वॉल्यूम उसको पुश करने के लिए लगता है, बट ऑन द डाउन साइड इट कैन कम डाउन, नीचे वो कम वॉल्यूम में भी गिर सकता है फॉर अ वेरी सिंपल लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बायर। जिसको नहीं ले रहा है किसी को नहीं खरीदना, तो अपने आप जाते जाएगा वो। बट यूजुअली व्हेन एक्सट्रीम वॉल्यूम्स हैपन ऑन द अपसाइड एंड ऑन द डाउनसाइड, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सल। वी हैव डन इट, वी हैव टेस्टेड इट एंड इट वर्क्स। सी एवरीथिंग वर्क्स इन द मार्केट सम ऑफ द टाइम, बट नथिंग वर्क्स इन द मार्केट ऑल द टाइम। तकलीफ वहां से शुरू होती है कि सब तो ये चीज तो चलनी है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। जिस दिन आपको ग्रांटेड वाला चक्कर हटा दो एंड यू गो विद द फ्लो, यू विल, देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट यू मे, इनवर्टेड कॉमा, मे बी बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। बाकी आई फाइंड इट वेरी रिडिकुलस जब लोग कहते मेरा कन्विक्शन था और ये था। बहुत चलने के बाद तो सबका कन्विक्शन होता है। अगर कन्विशन था तो मैंने एक घर बार बेच के वही ट्रेड क्यों नहीं लिया? एक ही ट्रेड करके अमीर बन जाते, हवाई आइलैंड में जाके रह जाते जिंदगी भर। सो इट डजंट हैपन, यू हैव टू स्टे द कोर्स, दैट बेयर करना। हां अमित सर, चंदन का क्वेश्चन था, आयुष का भी हैंड यूज दे, मेरे को सारे क्वेश्चन पूछ लेते एक साथ, फिर स्क्रीन सर को आंसर करने देते। मेरे को एक जनरल क्वेश्चन है एक्चुअली, कि मेरे को बट उसमें एक ही स्टॉक चल रहा है, एक है सन फार्मा। तो सन फार्मा किसी का व्यू रहेगा वो ले लेंगे, सन फार्मा मेरा भी व्यू है मैं दे दूंगा। उसके पहले बाकी क्रेडिट सर के लिए जो क्वेश्चन है क्रेडिट सर को पूछ लो, सर पावर का मैं भी दे देता हूं। ठीक है क्रेडिट सर, मेरा एक एक एज अ ट्रेडर मैं अपने आप से दो सवाल पूछता हूं हमेशा। मैं आपसे ये आपके लिए सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि इस सवाल में क्या मैं सही हूं और क्या मुझे कुछ बदलाव करना चाहिए। एज अ ट्रेडर जब मैं ट्रेड लेता हूं ना, तो ट्रेड लेने से पहले अपने आप से दो सवाल पूछता हूं। क्या इस ट्रेड का स्टॉप लॉस है? पहला सवाल, चेक मार्क डन, स्टॉप लॉस है। दूसरा सवाल, क्या ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद क्या मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग कैपिटल पे इसका असर आएगा? अगर चेक मार्क आता है यस आएगा, तो मैं वो ट्रेड नहीं लेता हूँ, चाहे वो ट्रेड कितना भी अच्छा दिख रहा हो। अगर उसका जवाब आता है ना, इस ट्रेड का स्टॉप लॉस ट्रिगर होने से मेरी ट्रेडिंग कैपिटल और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे असर नहीं आएगा, तो मैं ट्रेड लेता हूँ। तो इसके बारे में आप क्या मुझे एडवाइस देंगे, सजेस्ट करेंगे कि आप भाई चंदन ये दिस इज करेक्ट थिंग और कुछ और ऐड करना चाहिए, कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए? ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। पहली बात चंदन भाई, ऐसा है जब आप एक स्टॉप लॉस डिफाइन करते हो, ठीक है, मतलब कोई चीज, चलो आप ऑप्शन में करते हो, आपने कोई स्टॉक ले लो, आपने ₹50 में खरीदा और स्टॉप लॉस आपने 49 लगाया, डू यू हैव अ रीजन व्हाई यू हैव केप्ट इट 49? My question to you. Yes, all trades are based on some formula, some set of correct rules. So if it's falling in your rules, नहीं, that answer is perfect. पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं 50 के लिए भी चीज को 49 में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, इतना करते हैं, तो वो उसको लगा, दैट इज नॉट अ लॉजिकल रीजनिंग। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चंदन ये है कि आपने जो बोला क्या ये मेरे कैपिटल है, तो जब आप लेते हो तो आपको ये जानना चाहिए पहले कि इस ट्रेड में
मैं कितना रिस्क लूंगा मेरे कैपिटल का। फर्ज करो आप अगर 8 आना लेते हैं, 1% लेते हैं, आपका 1 करोड़ का कैपिटल है फॉर एग्जांपल, अगर आप 1% रिस्क ले रहे हैं, मतलब आप 1,00,000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ एवरी ट्रेड कैन गो रॉन्ग और मुझे 1,00,000 रुपया लग सकता है, तो उससे क्या होती है मेरी रैशनल थिंकिंग कम्स इनटू प्ले कि वेदर आई शुड रिस्क दैट 1% और 1,00,000 और नॉट। मैं 1% से कभी स्टार्ट नहीं करता हूँ, तो समझो मैंने 4 आने का रिस्क लिया तो मुझे मेरा लॉस पहले मालूम है। अब अगर वो चीज चल गई तो आई एम लकी, तो दिस हेल्प्स मी अ लॉट साइकिल। और ये भी बता दूं आपको, मेरे साथ ऐसा भी होता है, मैंने लिया स्टॉप लॉस हिट, फिर मुझे लगेगा चलेगा, मैंने लिया फिर स्टॉप लॉस हिट, मैंने दो दो तीन तीन बार भी लिए, पर जब जब मैं उसको री एंटर करता हूँ मैं मेरा रिस्क को छोटा 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 करते जाता हूँ। पब्लिक क्या करती है, उसको डबल 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 करती जाती, मैं उसको आधा 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 करते जाता हूँ। ट्राई दैट एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू, बट हैव अ रीजन फॉर एवरीथिंग। कन्विक्शन वर्कनेशन चलने के बाद आता है, अगर लेने के बाद चीज चल गई उसको पिरामिड करो, सबसे मोटा पैसा पिरामिड में बनता है। पहले ही आपने पूरा गांव ले लिया और बाद में मालूम पड़ा साला चल ही नहीं रही है, फिर वो क्या डर आपको खा जाएगी। आई होप आई आंसर्ड योर यस क्रिस। तो सो कैन वी मेक इट दिस स्टेटमेंट कि ट्रेडर्स को ये चीज ध्यान रखना चाहिए, बिफोर टेकिंग ट्रेड यू शुड आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि क्या स्टॉप लॉस है। यस है तो ट्रेड में आपका पहला चेक मार्क टिक हो गया, और क्या इस स्टॉप लॉस से लगने के बाद, स्टॉप लॉस लगेगा, आप सोच लीजिए लगने वाला है, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद क्या आपके ट्रेडिंग कैपिटल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे असर आने वाला है? अगर आता है तो ट्रेड मत लीजिए। नहीं, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितना रिस्क लेना है। यस मतलब रिस्क पे आपका पोजीशन साइजिंग होगा। पहले स्टॉप लॉस आपको मालूम है 1 रुपए का है मेरा, पर आप जब बोलते हो मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे फर्क गिरेगा, मतलब आप उसको यू आर बेसिकली बेटिंग मोर ना। यस एग्जैक्टली सेम थिंग ना, कि मेरा अगर आप पहले से ही उसको छोटा करोगे, 1% की जगह आप 25 पैसा लोगे, तो आपको मालूम है ना। देखो आपको रिस्क तो लेना है, आप ये तो नहीं कह सकते हो कि मेरे को लॉस लगे ही नहीं बने, ऐसा तो ये धंधा है, कोई धंधा ही नहीं है दुनिया में। पर अगर 1% की जगह अगर मैं 4 अंक से लेके करूं तो एटलीस्ट आई नो द 0.25 विल नॉट हर्ट मी। फिर अगर 1 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है, जो भी 0.25% अगर 25,000 है A to 1, तो उतने नंबर ऑफ शेयर मैं खरीदूंगा, देन आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द ट्रेड। पहले रिस्क आता है, आपको पता ही है मेरा ये है, पर कितना खोगे वो जानना जरूरी है, कितना कमाओगे वो तो बात की बात है। सर एक अपना सिंपल बोला जाता है कि आने का तो हमें पता नहीं कितना आएगा। मैं तो सिखाता भी हूँ तो यही सिखाता हूँ, पहले ये सोच लो कि जाएगा कितना जाएगा, ये अगर पता है। आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, 5,000 खोने को रेडी हो, 10,000 पर ट्रेड खोने को रेडी हो, 50,000 पर ट्रेड रेडी को खोने। अब मैं जब ट्रेड दे रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरा टारगेट आएगा, टारगेट तो अपन हवा की बात है कि आएगा, मुझे पता है कि वो टारगेट आएगा, तो भाई मैं पूरा सौदा एक में डाल दूंगा ना, मेरा पैसा डब। मैं ऐसा सिंपल आपको भी बोला था, आपके साथ भी शेयर किया स्क्रीनशॉट मैंने, कि वो 2 रुपए का 40 रुपए तक मैं बेच के आया था, ठीक है। अगर मुझे पता होता सर, मुझे तो ये पता था कि 0 हो जाएगा, इसके लिए मैंने उतना ही कैपिटल डाला, तो जो बैटिंग करी थी तभी तो आप खड़े रह पाओ। देखो दो चीजें आपके कंट्रोल में हैं, पहला सौदा मानना और दूसरा नोइंग योर रिस्क इन एडवांस। यस तो चंदन, किसी के कंट्रोल में नहीं, किसी को नहीं पता। तो चंदन जब भी ट्रेड डालना तो उसमें क्वांटिटी भी डिफाइन कर लो कि भैया इसमें मैक्स सर्विस कितना है, उसके हिसाब से स्टार्टिंग क्वांटिटी वो करो। अगर ट्रेड फेवर में चल रहा है तो और ऐड करो। मेरा सर, मैं भी आपकी तरह पिरामिडिंग ही मारता हूँ कि भैया ट्रेड फेवर में चल रहा है तो और ऐड करता चलूंगा। वो ट्रेड अगर चल ही नहीं रहा ना, पूरे दिन में नहीं चल रहा, तो परसों की बात बता, तो मेरा MTM जब मैंने डाला था ना, MTM के ECG की रिपोर्ट बन गई थी, उसी कंड बन रही थी कि ऊपर जावे नीचे जावे, एक टाइम पे 1,00,000 प्लस था, एक टाइम पे एक ही अकाउंट में 1,00,000 माइनस हो गया, 15 मिनट बाद वापस प्लस।
अब उसमें क्या करते हैं, छोड़ देते हैं इसको, कुछ ना करते, कॉस्ट पर आएगा, निकल जाएंगे, किस्सा खत्म कर देते हैं। कौन नेसेसरी काम करें उस चीज में जिसमें समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो कई टाइम चंदन हम बिना ट्रेड लेके भी बैठते हैं, कई टाइम हम ट्रेड लेते हैं। ट्रेड लेने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, तो तू बोलता ना कि भैया जो बेचेगा वो बचेगा, बेचेगा का मतलब कि शॉर्ट सेल नहीं करना है, बेचेगा वो बचेगा का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए अगर मैं गलत गया तो मुझे कहाँ बेचना है। अगर आप शॉर्ट हो तो मुझे लॉन्ग करना है, लॉन्ग हो तो शॉर्ट करना है। शॉर्ट मतलब लॉन्ग हूँ तो मेरी पोजीशन का एग्जिट करनी है, मेरा अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो मुझे स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के जाना है। मैं शॉर्ट हूँ, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो मुझे स्टॉप लॉस ट्रिगर करके जाना। उसी हिसाब से अपने को क्वांटिटी डिफाइन करनी है कि मेरा अगर 2000 रुपया चला गया, मेरी कैपिटल साइज 1,00,000 रुपए है, मेरा 2% से मुझे इफेक्ट नहीं होना, मुझे रात को कोई परेशानी नहीं होनी। या मैं कोई पोजीशन लेके गया, मैं 10 लॉट करता था, मैं ओवरनाइट पोजीशन लेके, मुझे नहीं पता डाउ जोन्स क्या करेगा या पुतिन साहब क्या करेंगे या कहां से कौन सी न्यूज आ जाएगी। अगर हमने वो डिफाइन करना शुरू कर दिया ना, ट्रस्ट मी, मुझे प्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग ट्रेडर्स में से आप है ना एटलीस्ट ट्रेडर बन जाओगे विद द डिसिप्लिन कि मैं लेके गया 10 की जगह 1 ही लॉट लेके गया, हो सकता है निफ्टी ऊपर खुले, हो सकता है निफ्टी नीचे खुले, तो 1 लॉट में मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो मैं शांति से घर पे रात को सो सकता हूँ। हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम रिस्क ज्यादा लेके चले जाते हैं ये सोच के अब तो निफ्टी, क्योंकि अमित ने बोला, आयुष ने आके बोला, चंदन ने बोला कि 19,000 दिखता है, 20,000 दिखता है, 21,000 दिखता है। भाई वो दिखता अलग चीज है, लास्ट में जब पैसा जेब से जाता है ना तो जो पेन होता है ना वो सबको वही होता है। तो इसके लिए आप जब भी कोई पोजिशन लो तो आपको ये डिफाइन करना है कि मैक्स कितना मैं खो सकता हूँ एक अकेले इंडिविजुअल ट्रेड, क्या मेरी पूरी कैपिटल रूल हो जाएगी। क्या मैं पेनी स्टॉक्स बहुत ट्रेड करता हूँ तो मैं जब उसको पोजीशन भी लेता हूँ ना तो ये सोचता हूँ कि स्टॉक कल से लोअर सर्किट मारेगा, मुझे एग्जिट भी नहीं देगा। तो मेरी पोजीशन है कि उसमें इतनी छोटी होती ना कि भैया मैंने अगर 1,00,000 रुपया लगाया, फॉर एग्जाम्पल मेरा 1,00,000 रुपये का अकाउंट है, तो 1,00,000 रुपये मेरा जीरो भी हो गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जनरली जीरो होते नहीं है वो, 50 पैसे का भाव भी कभी खुलेगा तो एटलीस्ट लॉस कम होगा उसमें। तो हमें ये सोचना है कि मेरा पर ट्रेड कितना पैसा जा सकता है, उसके हिसाब से अपना पोजीशन साइजिंग बनाओ। तो कीट सर, मैं, चिराग हमेशा यही चीज पे फोर्सफुली बोलते हैं कि भैया पोजीशन साइजिंग वैसा बनाओ कि हमें रात को कोई घबराहट नहीं उस चीज की। अगर उसमें घबराहट हो रही आधी रात को उठ के तो भैया आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप प्योर सट्टा मारने हैं बाजार में, और सट्टा पैसा नहीं कमाता इस बाजार। यस कीट सर, यू वांट टू ऐड समथिंग? बहुत सारे जो ट्रेडर्स है ना उनको अपना रिस्क पर ट्रेड का रिस्क तो पता होता है, बट ये नहीं पता होता कि इस ट्रेड का स्टॉप लॉस, जैसे सपोज किसी कैपिटल मान लो 5,00,000 रुपए या 2,00,000 रुपए ऑप्शन में ट्रेड करें, 2,00,000 रुपए उन्होंने डिफाइन कर लिया कि इस ट्रेड में मेरा 25,000 बजाने वाला है, ठीक है, वो ट्रेड ले लिया। बट जैसे ही 25,000 का ट्रेड वो ट्रेड स्टॉप लॉस हिट होता है ना, उनकी ट्रेडिंग साइकिल बिगड़ जाती है कि मेरे तो अब 25,000 के हिसाब से उनका 12.5% कैपिटल उड़ गया। अगला ट्रेड जो लेते हैं वो बाय डिफॉल्ट वो आधा लेते हैं, वो ट्रेड सही आ गया। थर्ड ट्रेड जो लेंगे वो फिर फुल साइज से लेंगे, 1-2 लाख से एक जितना आए, एक जितना से 1.5 गए, फिर अगला ट्रेड फुल साइज लिया, फिर 25 उड़ गए, फिर आगे 1.60 पे, तीसरा ट्रेड चौथा सेट, ये बाजार का सीन है, हमेशा करता है। चौथा सेट सही गया 12.5, फिर आधा ट्रेड लिया, वापस पहुंचे 1.70 पे, फिर उड़ गया 25, वापस 1.45 पे। जैसे 1.45 पे आएंगे ना उनके दिमाग खराब हो जाएगा, ये क्या कर रहा हूँ मैं। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे उनका उन सबको जवाब ये है कि आपके साथ में कि आप ये समझ लो कि स्टॉप लॉस उड़ने के बाद मेरी ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉप लॉस डिफाइन करना पैसों में से बात नहीं बनती, आपको ये डिसाइड करना होगा क्या वो स्टॉप लॉस लगने के बाद आपका ट्रेडिंग साइज, सर आपके ट्रेड से 50,000 उड़ता है फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे ट्रेड से 50,000 उड़ेगा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसे ट्रेडर्स हैं जहाँ पे ट्रेड में स्टॉप लॉस 50,000 उड़ेगा तो फर्क पड़ जाएगा। तो ट्रेड्स कॉपी करने से जो आप ट्रेड्स को फॉलो करते हैं, नॉट कॉपी, जो ट्रेड्स फॉलो करते हैं हम सबके, तो बुक साइज के हिसाब से ट्रेड फॉलो करिए। 10,00,000 की कैपिटल पे अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ 1,00,000 रुपए का, तो 10% का रिस्क ले रहा हूँ मैं। 1,00,000 पे 1,00,000 रिस्क ले रहा हूँ तो 10% का रिस्क ले रहा हूँ। तो फर्क पड़ता है कि कितने कैपिटल पे आप कितना रिस्क ले रहे हो।
तो आप परसेंटेज वाइज देखो, पैसे वाइज मत देखो कि कितना पैसा जा रहा है। परसेंटेज वाइज देखिए ना, मेरा स्टॉप लॉस परसेंटेज परसेंटेज में कितना जा रहा है। लेट सपोज मैंने 2% का स्टॉप लॉस लिया है, तो 1 करोड़ पे 2 लाख जाता है वो। तो परसेंटेज पे अगर मैं स्टॉप लॉस डिफाइन कर लूंगा, प्रॉफिट नहीं स्टॉप लॉस डिफाइन कर लूंगा, तो मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब नहीं होने वाली, वो बच जाएगी। वो अगर वो बची रहेगी ना, तो शायद मैं अगला ट्रेड ले पाऊंगा। और 90% ऑफ ट्रेडर की कमी क्या है, वो 4 ट्रेड लेते हैं, बड़े रिस्क पे लेते हैं, वो बाजार से बाहर हो जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, और या 5 ट्रेड लेते हैं तो वो अपने बुक साइज का 10% लेते हैं और 5 ट्रेड उनको सही होता है। तो डिसिप्लिन एक अपने आप को बिल्कुल पक्का बना लीजिए कि मैं जो ट्रेड लेने वाला हूँ, मैं रिस्क इतना डिफाइन करूँगा परसेंटेज वाइज, और मैं सारे ट्रेड्स एक ही साइज पे लूंगा जब तक मेरे साइज का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता। लेट सपोज आपने स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में, मैं ट्रेडिंग में आया, मैं आज नया हूँ एज ए ट्रेडिंग ट्रेडर, और मैंने अपने ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग कैपिटल पे डाल दिया 20% का स्टॉप लॉस, तो 2% के हिसाब से मेरे को 10 खराब ट्रेड चाहिए लगातार बैक टू बैक जब मैं ट्रेडिंग से बाहर होऊंगा। मैं अपना बुक साइज कम नहीं करूंगा, मतलब ट्रेडिंग साइज कम नहीं करूंगा, ट्रेड टू ट्रेड ट्रेड साइज मेरा सेम रहेगा हर ट्रेड के लिए, और हर ट्रेड साइज सेम होने से फायदा क्या होगा कि मैं विनिंग ट्रेड्स और लूजिंग ट्रेड्स बराबर होंगे, और अगर मेरा रिस्क रिवार्ड मेरे काबू में है, वर्ष टू 4 पे भी जा रहा हूँ ना, अगर 10 ट्रेड्स में से मेरे 3 ट्रेड सही हो गए, तो भी मैं कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ द वैल्यू, क्योंकि वो वैल्यू कम हो जाएगी, तो भी मैं नेक्स्ट ट्रेड आ जाऊंगा, और मैं बाजार से बाहर होने की नौबत नहीं आएगी और मैं ठीक रहूंगा। साइज का फर्क हो गया, पहले ट्रेड लिए 5 लॉट के, बाद में विनिंग लूजिंग ट्रेड 2 5 लॉट के, विनिंग ट्रेड 2 लॉट के, तो जीवन में कभी सक्सेस नहीं मिलेगी ट्रेड से। ट्रेड का साइज हमेशा एक जैसा होना चाहिए, चाहे विनिंग हो चाहे लूजिंग हो। विनिंग ट्रेड्स में जैसा आप बोलते हैं पिरामिडिंग करनी चाहिए, पिरामिडिंग करिए। विनिंग ट्रेड्स में एक बन गया अच्छा जा रहा है, दूसरा लीजिए, पिरामिडिंग और रिवर्स पिरामिडिंग, पिरामिडिंग करिए लेते वक्त और रिवर्स पिरामिडिंग करती बेचे वक्त, जो मैं करता हूँ, शायद आप इसे अलग करते होंगे। मैं बाइंग करता हूँ जब मैं पिरामिडिंग करता हूँ, पहले 100 लिया, फिर 50 लिया, फिर 25 लिया, जब बेचता हूँ तो पहले 100 बेचूंगा, फिर नीचे आप 50 बेचूंगा, फिर नीचे मैं 25 बेचूंगा। अगर 25 का स्टॉप लॉस टेकन है तो 25 को रन कर लूंगा मैं। तो लेने के लिए पिरामिडिंग और बेचने के लिए रिवर्स पिरामिडिंग, ये मैं फॉलो करता हूँ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जिनको करना है या आप ट्राई करिए अपने आप में, आपका रिस्क रिवार्ड अगर आपने वर्ष टू 4 का भी लेके चल रहे ना, कम से कम होना चाहिए एक ट्रेडर के लिए। और अगर आपके ट्रेड्स का रेशियो 50-50 भी है, जो एक नौसिखी का होता है कि भैया आधे ट्रेड्स फेवर में जाएंगे, आधे ट्रेड लॉस में जाएंगे, किसी को ट्रेड करा दो, या तो सिक्का उछालो या तो हेड या टेल, तो या तो ट्रेड का स्टॉप लॉस लगेगा या ट्रेड का प्रॉफिट हिट होगा, तो तब भी आप अच्छे प्रॉफिट निकलेंगे। अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं कि रिस्क रिवार्ड मेरा जो जब तक आएगा तब तक करूंगा, पिरामिडिंग रिवर्स पिरामिडिंग को फॉलो कर रहे हैं और पोजीशन साइजिंग को बिल्कुल मेंटेन रख के चल रहे हैं डिसिप्लिन के साथ में, तो एक पैसा बनाना मार्केट से बहुत मुश्किल नहीं है। यू हैव टू गो विद डिसिप्लिन एंड वेरी सिंपल वे। बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रेड करने जाते हैं तो तकलीफ हो जाती है। Few things to what you said, Chandan. जी सर, there is something which is called a risk of ruin. पता नहीं कितनों को पता है, मैं explain बता देता हूँ क्या होता है। पहली बात तो आपने 2% risk की कहा और 5% risk की कहा, तो मेरे जो sizable capital है, मेरे सब stock पकड़ के भी 5% नहीं होता। I'll never even risk 5% per stock. तो risk of ruin क्या होता है? जैसे आपके पास कोई ट्रेडर है जो ऑप्शंस कर रहा है 5 लाख रुपए का कैपिटल लेके, आप 5 लाख के कैपिटल से सब जो 25 पैसे का रिस्क लो वो कितना होता है? 1,250 रुपया होता है, करेक्ट? 1% कितना हो गया 5 लाख का? 5,000 हो गया। यस सर, परफेक्ट। तो 1,250 हो गया, ठीक है। अभी 5 लाख डिवाइडेड बाय 1250 करो, मतलब 2500 ले लेते हैं, चलो आधा टक्का ले लेते हैं। 2500 डिवाइडेड बाय 5 लाख कितना आया आंसर? 200। इसका मतलब ये है कि अगर आप हर ट्रेड में 2500 का रिस्क लोगे, इट विल टेक यू 200 लूजिंग ट्रेड्स इन अ रो टू बी वाइप्ड आउट।
तो मैं जो कॉलम लिखता हूँ मिंट जिनी के लिए, उसमें मैंने ये बताया है। अब 200 ट्रेन लाइन से गलत आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुछ विनिंग भी आएंगे, जब विनिंग आएंगे तो आपका अकाउंट ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो आप वही उसको वही परसेंटेज से डिवाइड करिए। ये 2% देखो मैं अक्सर एवरीबडी नोज 1% रिस्क लेना है, आधा परसेंट रिस्क लेना है, बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज आई कैन गारंटी दैट 97% ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड रिस्क मैनेजमेंट एट ऑल। वो किताब से उठा के या कहीं पड़ी हुई चीज ला के डाल देते हैं, बट आधे दिन से इम्प्लीमेंटिंग इट आई कैन टेल यू फ्लैट नो। सबसे पहले अपना रिस्क और रुइन कैलकुलेट कीजिए कि 5 लाख के कैपिटल पे आपको 25 पैसा लेना है, 50 पैसा लेना है या 1% लेना है, वो भी हमेशा परसेंटेज में रखिए। अगर आप 1% ले रहे हो तो 5,000 होता है, उसके हिसाब से आपको 100 ट्रेड में मिलेगा। कैपिटल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो भी बढ़ेगा, कैपिटल घटेगा तो घटे हुए कैपिटल का लेते हैं, वो पहली चीज है। सेकेंड रूल इज when you're winning you need to increase your bet size, your money management hota hai, when you're losing you need to cut down your bet size. Public reverse karti hai, wo jab haar rahi hoti hai wo revenge trading comes into play ki mujhe recover karna hai, aur jab jeet rahi hoti to conservative ho jata hai. Aksar aapne bhi dekha hoga, mere sath bhi hota hai, jo trade bahut zyada chalte hai hamari quantity kam hoti hai, hota hai na bahut time, humko lagta hai na kaash kar 1 lakh liye hote to, और कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है, जो हमको लगता है अच्छा चलेगा उसमें साला ज्यादा क्वांटिटी आ गई और वही स्टॉप लॉस काट के जाता है। एंड स्टॉप लॉस भगवान है ये लोग बोलते हैं, इट्स ऑल नॉनसेंस। यू नीड टू नो अ रीजन कि आप स्टॉप लॉस क्यों वहां रख रहे हो। आप जो भी फॉलो करते हो, यू फॉलो अ ट्रेंड लाइन, यू फॉलो एन इंडिकेटर और वॉट एवर, यू फॉलो अ टू डे हाई टू डे लो, जो भी है, till the time you don't have a reason and that reason has to be tested, you have to know ki ye trade mein jab jab ye rakha hai to what has been the outcome. Randomly kuch nahi hota hai, that's only my what I wanted to add to whatever you said. Yeah, over to you sir. Kid sir, main usme ek cheez add karta hu, hum jab lose karte hain to martingale pe aa jate hain aur win karte hain to anti martingale pe aa jate hain. तो जो चंदन सॉरी क्रेडिट सर ने जो बोला ना, यही बोला कि आप अगर लूज हो रहे हो ना तो अपना पोजीशन से कट डाउन करो, क्योंकि आपका सिस्टम आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा। हमारे साथ भी होता है कि हमारा सिस्टम नहीं काम कर रहा होता है तो हम बिना पोजीशन के भी दिन दिन और बैठते नहीं, बट डोंट इवन थिंक ऑफ मार्टिन एंगल, पीपल नो व्हाट इज मार्टिन एंगल। सर दे जो लूजिंग में आपकी बेट डबल करते जाता है, जैसे आपने एक ट्रेड लिया 5,000 खोया, आपने 100 शेयर लिया 5,000 खोया, वो क्या बोलेगा अगला आप 200 लो, फिर 200 में आप ले लिया आपने 10,000 को है तो टोटल लॉस 15 हो गया। एंट्री मार्टिन एंगल वर्क्स वेल, वो क्या करता है जब आप पैसा खो रहे होते हो तो आपको बेट साइज घटाते जाता है। दुनिया के सबसे बड़े फेमस ट्रेडर है 0.72 के स्टीव कोहेन, वो एक ही बात कहता है, कट इट इनटू हाफ, कट इट इनटू हाफ। इफ यू रीड हिज बुक, ही मेड द फास्टेस्ट मनी ही ओन्स, आई मीन जस्ट गो do a Google search, you'll get to know. So, जितने भी ट्रेडर है वो यही कहेंगे, एंड हर एक के टाइम में ये एक फेज आने वाला है where you'll go through a losing journey. Don't think you are invincible. Everybody goes through that phase. बाजार all time high में भी होगा, तो भी होता है, because maybe I mean your timing is not right or you're not in the right stock. That doesn't mean you're a bad trader. रात को नींद आए, रात को अगर डाउ देखना पड़े या दोस्त से पूछना पड़े या सुबह या FIR नंबर देखना पड़े, मेरा एक इंडिकेशन है, गलतियां मैं भी करता हूँ, तो पहले गलतियां कभी नहीं खत्म होगी इस बाजार में। जब भी मैं कोई पोजीशन लेके जाता हूँ ड्यू टू एनी रीजन, समटाइम्स आई ओवर मतलब आई डोंट फॉलो माई रूल, और जब भी मैं डाउ देखने लगता हूँ जो मैं नहीं के बराबर, या सिंगापुर निफ्टी देखता हूँ, मुझे पहले मालूम मैंने गलती कर ली है, मैंने जज्बात में ले लिया है वो ट्रेड। What is the first thing I do? जैसे बाजार खुला तो मैं काटूंगा, पीस ऑफ माइंड मिलता है। पहले सिस्टम का लिया हुआ था, बीच में वीवर शॉर्ट, निफ्टी खुली 300 पॉइंट ऊपर, दैट वाज सिस्टम ट्रेड, क्या कर सकते हैं, झेलना पड़ा, पर उससे पहले हमको 900 पॉइंट मिले भी थे निफ्टी में, होता है। तो डोंट गो फॉर दीप मार्टिन एंगल, आई नो सम पीपल फॉलो मार्टिन एंगल, पहले चीज को समझो क्या है, एक एक्सेल शीट में डाल के देखना क्या है। And let me also tell you, even if you have a 50% win rate system, आप ये मत सोचो 5 गलत ट्रेड के बाद छठा will be a winning.
यू आर टेरिबली रॉन्ग. 50% का विन रेट सिस्टम इन द लॉन्ग रन कैन गिव यू 13+ लूजिंग ट्रेड इन द रो. आई प्रूव इट टू यू. 50% विनिंग सिस्टम, इट इज लाइक 5 हेड आया तो आप बोलेंगे टेल ही आएगा, गारंटी नहीं, 11 बार भी हेड आता. वो तो लॉन्ग टर्म एवरेज जब आप देखोगे, हजारों टॉसेस करोगे तभी, तब वो रूल एप्लीकेबल होता है. इफ इट द डायनामिक्स वाज सो सिंपल देन व्हाई वुड लेस देन 1% पीपल मेक मनी इन द रियल वर्ल्ड. सोशल मीडिया में तो 99 मेक नोबडी लूजेस. रियलिटी वर्ल्ड इज दैट. हाँ अमित जी, सर जस्ट एट द लास्ट पॉइंट व्हाट यू सेड कि हमें ना बहुत ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जब हमें ना लोगों की लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होके है ना जी रहे हैं, वो सबसे खराब चीज है. कौन क्या पैसा बना रहा है उससे आपको क्या इम्पोर्टेंस है? आप ये समझो कि आपने क्या बनाया उस चीज से सीख के, आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया. अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करके, मतलब आज मुझे लग रहा है ये है ना मेरी वन ऑफ द बेस्ट पीसेस है कि हमने जो चीज बात करी. किड्सर इतना ना बोलते हैं, किड्सर ने जो आज समझाया है ना, मतलब मेरे भी ये आई ओपनर होता है. मैं किड्सर का मैं गुरु पकड़ता हूँ इनको. बट ये चीज समझ के जाओगे ना तो मार्केट में सस्टेन करोगे, मार्केट में पैसा कमा के जाओगे. जो आज चंदन ने हार्डकोर बात करी, हम एक दूसरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, ठीक है, हम वो व्हाट्सएप ग्रुप में दिन भर लगे रहेंगे. ट्रेड नहीं आता ना तो हम कुछ ना कुछ मस्ती मारते रहेंगे बैठे बैठे. क्यों? कि भाई ट्रेड ही नहीं दिख रहा, हम पंचायत ना करने वाले. आपको ये चीज समझना है कि आप एज ए ट्रेडर मार्केट में क्यों आए हो. पैसा कमाने आए हो, एक्साइटमेंट लेने आए हो. एक्साइटमेंट लेने आए हो तो जो मर्जी करो, मार्केट आपको एक्साइटमेंट दी, आपका पूरा पैसा लेके आपको एक्साइटमेंट देगा. आप पकड़ लो एक मूवी देखने गए, एकदम बेकार मूवी थी, वो मूवी देख के आए हो आप, उसका आपने ना मेरे बाजू में PVR है, ठीक है, तो PVR में आपने रिक्लाइनर सीट ले ली, उसका 1000 रुपए भर के और एकदम थर्ड ग्रेड मूवी देख के आए. हम तो ऐसे हैं कि भैया हमारे पास एक छोटा सा थिएटर है जहाँ पे KGF चल रही है फॉर एग्जांपल, और मूवी बहुत अच्छी है, तो मैं उसमें 50 रुपए का टिकट लेके मूवी देखने आए ना तो मुझे मजा आना चाहिए, मेरा पैसा का पूरा पैसा वसूल हो जाना चाहिए. तो इन कन्विक्शन मतलब कि आप जो कर रहे हो आपको ये सोचना है कि मुझे ये पकड़ के चलो हम बाजार में पैसा खोने के लिए आए हैं, ठीक है. ये मेंटेलिटी जिस दिन दिमाग में डाल दोगे ना तो कोई आपको रोकेगा नहीं एज अ ट्रेडर बनने को. सोच के आओ कि मेरा मैंने 5000 का रिस्क लिया, पक्का 5000 का रिस्क उठ जाएगा. अगर आपका 5 लाख कैपिटल, दैट इज 1%, मेरा पक्का रिस्क उठ जाएगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है और मैं आराम से घर पे जाके शांति से सोऊंगा. किड सर गए थे गोवा, मैं बताता हूँ. किड सर पूछ रहे एजिक्स क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है. मैंने इनको मैसेज डाला, आपका भी एजिक्स देखते हो, आपको भी US का मार्केट देखते हो. मैं सर आपने कुछ खोटा किया रहेगा इसके लिए, वरना आप प्योर सिस्टम फॉलोअर हो. प्योर आपका सिस्टम बोलेगा बाय है, अगर मैं गलत हूँ मेरा सिस्टम मुझे उठा के बाहर फेंक देगा. हम हमेशा हमारी फोरम पर इस स्पेस में, मैंने एक बहुत कम बार हुआ रहेगा कि कोई डाउ जोन्स डिस्कस किया रहेगा या स्पेस डिस्कस किया रहेगा. मैं जनरली क्या डिस्कस करता हूँ, 10-year ट्रेजरी या वो, क्योंकि वो इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट को. जो चीज इम्पैक्ट कर रही है उसको हम पकड़ के जा रहे हैं, जो चीज इम्पैक्ट कर रही है उसको पकड़ के हम अपना ट्रेड सेटअप बना रहे हैं कि यहाँ से ये मार्केट दिखता है. आई डोंट नो कितने लोग 15-500 पे बुलिश थे, शायद बहुत कम लोग थे जो हम में से बुलिश थे. और अगर वो आज तक वो पोजीशन पकड़ के बैठे रहेंगे, मैं पर्सनली पोजीशन पकड़ के बैठा हूँ, ठीक है, तो वो पैसा बचा. 4 महीने लगा, समय लगता है हर चीज को. अपना ऐसा नहीं है, आप एक पकड़ लो, आपके पास प्लान होना चाहिए कि मैं जो प्लान बना रहा हूँ हिट होगा तो ये मेरा लॉस है. रिवॉर्ड कितना मिलेगा, 5000 का रिस्क लेके हो सकता है 10000 मिले, हो सकता है 20 मिले, 50 मिले. रिवॉर्ड का मत सोचो, पहले रिस्क का सोचो, उसके हिसाब से अपना पोजीशन भी क्रिएट करो. सो आई हैव सो मेनी अदर स्पीकर्स ओवर हियर. अमित हां विशाल है. हां हां प्लीज कैन आई ऐड समथिंग, कैन आई ऐड समथिंग ऑन दिस. भाई तुझे मैं मना करूं, मेरी मतलब मुझे बॉम्बे रहूं ना रहूं. नहीं नहीं ठीक है ठीक है. So just to sum up on the risk sizing and everything, I'll just make one statement. If during off market hours, any sort of news events or international markets price movements excites you or scares you,
then sorry boss, your position is not sized properly and you are doing something wrong, irrespective the global movement or the news is in favor of your position or against your position. If you are getting excited with news events or getting scared with news events, then boss, definitely something you have done wrong, which is very clear that aapne apni position size tarike se nahi ki hai. If I mean, it's very simple. 3:30 baje bazaar band hota hai, se leke agle din subah 9:15 baje tak you cannot do anything with the markets. So so you should be at peace with yourself. So size your position accordingly. Jahan pe aapko tension nahi hoye overnight, like Kirit bhai said, rightly said, ki jab wo DAO dekhna pad raha hai ya ye dekhna pad raha hai, to aapne kuch na kuch galti ki hai. So first thing next day morning you got to do is just get out of your position. That's it. So, अभी अपने पास है ना बहुत सारे स्पीकर्स हैं, अभिषेक है, हैरी तो कम आता है, हैरी को मैं पकड़ के लाता हूँ. तो अभिषेक हैरी, because अभिषेक was raising his hand, तो अभिषेक go ahead and हैरी, you need to give market views also, हाँ हाँ अभिषेक please carry on. Hello Amit bhai, hello everyone. Something about risk from my end. हम usually position size देखते हैं and उसके हिसाब से रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेट करते हैं. वन थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इज दैट इन मार्केट स्टॉप लॉस इज नॉट एवरीथिंग. यू मेकिंग अ लॉस ऑन अ ट्रेड इज नॉट द अल्टीमेट रिस्क. मार्केट में ऐसे भी रिस्क होते हैं जो एक ट्रेडर को पता नहीं होता है अंटिल इट एक्चुअली हिट्स देम, एंड दैट इज समथिंग अ ट्रेडर शुड टेक केयर ऑफ. इफ आई टॉक अबाउट डे ट्रेडिंग फॉर एग्जाम्पल, let us say that you took a large position with a small stop loss. Aap option mein ye sochoge ki mera sirf 5 point ka stop loss hai option selling side pe, isliye main is position mein I'm ready to risk let us say 2% of my capital in example. And usi din agar NSE ka koi glitch aaya, nahi to aapke broker se broker ke end se koi glitch aaya and you are unable to exit that position, and then the option opens up let us say 15 points higher by the time you can actually exit it, then in this case you are taking a total loss of 6%. And if I look at positional trading for example, and ye cheez main sabko bolta hu especially positional stock traders ko, aap sirf technicals ke hisab se position sizing calculate nahi karna hai jab overnight position le rahe ho, but also as per the ATR. because let us say that koi stock mein technicals acha hai, aapne aisi location pakda jahan pe sirf stock ke price mein 1% ka stop loss hai, एंड आपके यूजुअल रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप उस ट्रेड पे हम मान के चलते हैं 1% का रिस्क लोगे. 1% रिस्क ऑन एन एवरेज इज नेवर द राइट पोजीशन साइजिंग, बट किरित सर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अ लॉट अबाउट इट, रिस्क ऑफ रुइन सो एंड सो. सो लेट्स अज्यूम यू टेक अ 1% रिस्क विद ऑन द 1% रेंज ऑफ दैट स्टॉक प्राइस एज योर स्टॉप लॉस. नाउ लेट अस से कल के दिन कल सुबह कोई बैड न्यूज आया मार्केट ओपन होने से पहले, इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो ये कॉमन है, एंड वो स्टॉक 5% या 10% नीचे ओपन होता है, then you are losing 10 times the risk that you are putting just because you only looked at technicals and calculated your stop loss. So if you are a positional trader, tab aapko har stock ka ATR dekhna padega, what is the possible maximum extent where the stock can open. Aap 100% kabhi right nahi ho sakte, but in such accidental cases, if you at least break an arm or leg and get out, it is fine, you will recover. But if at all you break your back, then you go to a point of no return. Agar वैसे आपको 3-4 बार होगा मार्केट में या 3-4 स्टॉक आप पोर्टफोलियो में लेके रखे पोजिशनल, जहाँ पे आपका 2-3% का रिस्क है हर स्टॉक में, एंड द नेक्स्ट डे मार्केट इटसेल्फ ओपन्स लेट्स से 5% डाउन एंड ऑल द स्टॉक्स ओपन, तब आप क्या करोगे? वैल्यू एट रिस्क समथिंग फॉर एग्जाम्पल. एंड कन्विक्शन, अबाउट कन्विक्शन, आई फाउंड दैट कन्विक्शन ऑन वन ट्रेड ऐसी चीज है जो बहुत अच्छे ट्रेडर्स को भी ले डूबा है, क्योंकि वो लोग एक ही ट्रेड पे ज्यादा कन्विक्शन रख के उस ट्रेड पे ओवर पोजिशन साइजिंग क्रिएट किए. बिकॉज ऑन एन इंडिविजुअल लेवल वी कैन नेवर टेल द आउटकम ऑफ वन सिंगल ट्रेड, इट इज ऑलवेज अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स. एंड आई लर्न दिस पर्सनली, स्पेशली जो किरित सर बोल रहे थे रिस्क ऑफ रुइन, वो 0.25 to 0.5% पोजिशन साइजिंग क्यों मेंटेन करना है, 1% क्यों नहीं लेना है. During 2018 or 2019, I was already a very good profitable trader. I faced such an instance jahan pe being a day trader, I took 13 days of losses. Back to back 13 days, mera MTM negative mein maine close kiya tha. And I lost almost 21% of my capital. Then
I told myself, I don't care what happens. If at all, just 13 days can ruin me like this, then I will not survive for long in this game. क्योंकि कुछ भी हो सकता है, issue या reason कुछ भी हो सकता है, but if you lose a substantial amount of your capital, कोई उसको देने वाला नहीं है. So that is where you need to calculate your position sizing in such a way that you can trade with the same position sizing in the longer run. And most importantly, जो drawdown number figure आप दिमाग में सोचते हो ना कि आप 15% drawdown से okay हो या 10% drawdown से okay हो, मैं लिख के देता हूँ, जब उसका 50% drawdown भी आता है ना, let's say you are okay with 10% drawdown, जब आपके books में 5% का drawdown दिखता है ना, your hands and legs will start shaking, your mind will be disturbed. So that is something you need to get a clarity on, and वो clarity सिर्फ आपके personal experience से ही आएगा, because that is a number that only you know. What you are okay with, क्योंकि आपके network में कितना percentage markets में है वो सिर्फ आपको ही पता है, किसी और को नहीं. And now move, Amit bhai, technicals भी या सिर्फ ना, अभी psychology बंद कर देते हैं तो लोगों अपन जितने भी बोलेंगे ना, हम लोगों को जितना चीज सिखाया, मैंने, किरीट सर ने, चंदन ने, विशाल ने, ठोक ठोक के सिखाया, इतनी स्पेसेस करी, जब मार्केट एकदम डॉल्ड्रम में था, लोग पूछते सर आप स्पेस क्यों नहीं करते, क्यों स्पेस नहीं करते, जब मार्केट नॉर्मल तो मुझे स्पेस करने की जरूरत नहीं, सबको दिख रहा मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसमें मैं, विशाल या किरीट सर या चंदन आके क्या नया ऐड कर देंगे, सबको जो दिख रहा है. हमने जब स्पेस चालू कर दी, पर्पज ये था कि मार्केट वॉलेटाइल था, इसके लिए हम करते थे, लोगों को डर ना लगे, हम बैठे हैं, हम लेवल्स दे रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, आज साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात उस टाइम भी करते थे. तो वो जो लोगों को घबराहट थी ना, ये हो जाएगा, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, आज जाके देख लो मार्केट का है ऑलमोस्ट लाइफ हाई पर है यार, 1% आधा परसेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अभी वापस आ जाते हैं साइकोलॉजी छोड़ के अपना सट्टा बाजार में, ठीक है, साइकोलॉजी बहुत हो गया, जितना भी सिखाओगे ना, लास्ट में जो इंसान की साइकोलॉजी है ना, हम उसको है ना डंडा मार के, मतलब पुलिस स्टेशन के अंदर डंडा मार के है ना सिखा देंगे, जैसे पुलिस स्टेशन में होता है ना, लास्ट में जाके किड, तो उसको सवाल ना, जो उसकी मर्जी होगी ना वही जाके करेगा, किड सर बोल देंगे कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं बोल दूंगा अच्छा लग रहा है, उसकी अगले की जो मर्जी होगी ना जाके लास्ट में वही करने वाला है. तो लेट्स कम बैक टू मार्केट, फिर मार्केट की बात करते हैं, मैं चिराग को भी इन्विटेशन भेजा है, तो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक स्पेसिफिक, विशाल स्टॉक स्पेसिफिक, हैरी स्टॉक स्पेसिफिक, निफ्टी बैंक निफ्टी प्लस स्टॉक्स, अभी वही बात करते हैं ना, लोगों को सट्टा करना है कल जा रहे सुबह, कल जाके क्या ट्रेड करना है क्या नहीं करना है वो अपन बता सकते हैं, तो बता देते हैं. सो एनीवन कैन गो इट, बैंक निफ्टी, आई एम अ लिटिल बेरिश ऑन बैंक निफ्टी, अगेन ये कोई लॉन्ग टर्म या मिड टर्म बेरिशनेस नहीं है, प्योरली फ्रॉम एन एक्सपायरी पर्सपेक्टिव, क्योंकि एज अमित भाई यू नो, आई ट्रैक वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम्स, आई ट्रैक वॉल्यूम्स अलॉट, आई ट्रैक ऑर्डर फ्लो, एंड ऑन फ्राइडे फ्रॉम व्हाट आई सी, बैंक निफ्टी सॉ सम सेलर्स कम इन, एंड इट वॉज नॉट जस्ट वंस बट ट्वाइस, ओपनिंग पे ही सेलर्स आए थे, कोई 3000 कॉन्ट्रैक्ट बेचा था 10 पॉइंट्स के रेंज में बैंक निफ्टी पे विद इन द ओपनिंग 5 मिनट्स, बट देन बायर्स अब्सॉर्ब्ड इट एंड टुक मार्केट अप, एंड दैट गाय हैड टू कट हिज पोजीशंस, दैट्स द रीजन वी सॉ सच अ फेरोशियस अप मूव इन बैंक निफ्टी इन द ओपनिंग 15-20 मिनट्स ऑन फ्राइडे, बट देन वंस वी हिट दोस हाइज, देन सेलर स्टार्टेड कमिंग इन वंस अगेन, एंड जो बायर ओपन पे डिफेंड किया था वो भी फिर डिफेंड नहीं कर पाया, एंड इवन ही हैड टू पैक अप हिज पोजीशन, सो एट दिस टाइम आई एम कैरिंग अ 43,300 एंड 43,700 क्रेडिट स्प्रेड कॉल शॉर्ट है बेसिकली, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट एक बार 43,100 मार्केट टेस्ट करे, एंड देन वी विल गेट टू नो इफ देर इज अ चांस ऑफ अगेन गोइंग बैक इन टू द लो वोलेटाइल साइडवेज कंसोलिडेशन, और इफ 43,100 ब्रेक्स देन we can again see a 200-300 points dip in bank nifty, which I am looking to play, and compared to bank nifty, nifty is looking much more stronger. Nifty maybe we got to see sellers presence on Friday, but those sellers could not hold, but in bank nifty they are a bit more in control compared to buyers at this point of time, and if we break 43,415-420 futures levels on the upside, then once again I'll be squaring up my credit spread and I'll be playing on the long side, kyunki main ye almost option ko 288-287 pe short kiya tha and around 160 pe isko hedge kiya, so I'm very comfortable with this position.
and I have carried it home for tomorrow. So Veer, your views about market and any stocks you are looking into? Thanks, Amit. So I'm pretty bullish on the indices for now, especially in Nifty. I see close to 4-5% another up move coming in Nifty. So I think we may we have an event coming on 5th of September, 5th of December, sorry, the exit polls, and 8th of December, the election results. So if in any case the exit polls are in favor of the ruling party, then we may see euphoria coming in. And if the exit polls are against the ruling party, it is quite possible that we may see a knee-jerk reaction coming into the markets. So abhi major trigger agle 4-5 din mein to uske alawa kuch dikh nahi raha hai, jahan pe jiski wajah se definitely the IVs will also go up and the volatility I believe would increase. So one needs to, especially when it comes to the option writers, they need to be a little cautious over there. That is the first thing. Coming to stock specific, I think someone was asking about Sun Pharma. So yeah, Sun Pharma, if you look at it, post the results, where they posted results, stellar results, एक अप मूव आया वहां से ठीक ठाक करेक्शन आ गया एंड देयर हैज बीन अ प्राइस शॉक इन दी प्राइस बेसिकली आप ये देखो कि दो दिन तीन दिन पहले काफी आई मीन नया लो मारा आई थिंक 8-9 डे का लो मार के वहां से कंटिन्यूसली वो ऊपर 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 जा रहा है आई मीन इन लास्ट 2-3 डेज stock, if I'm not wrong, made a low of close to 997 in cash, and I think it has closed around 1035-36 in cash. So almost 4% ka up move aa gaya hai yahan se. I'm looking at, I'm watching for levels where probably the result day is high is taken off on the upside. That is where I would be adding on to my already existing positions in Sun Pharma. So Sun Pharma, I am pretty bullish. I think agar ye ab ye niche ka low nahi todta hai, to I think acha yahan se up move de sakta hai. But if someone feels ke overnight ye 8-10% bhag jayega, to sorry, I don't think so. Aisa kuch hone wala. You need to have patience. And if you have patience, to probably I believe December could be a decent month for Sun Pharma. Second similar एक आप एक चीज देखिए टाटा मोटर्स एंटायर वर्ल्ड वाज बुलिश ऑन टाटा मोटर्स ऑन फ्राइडे टाटा मोटर अच्छा खासा ऊपर भागा भी क्लोज टू डेज हाई पे था तो JLR का कुछ न्यूज आया कि इट्स गोना कट डाउन देयर वाज सम न्यूज व्हिच केम इन उसके बाद में स्टॉक ऑलमोस्ट करेक्टेड टू 2.5% इन स्पैन ऑफ कपल ऑफ मिनट्स प्रोबब्ली और वहां से फिर धीरे धीरे वापस से सो वीक हेड्स वर थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट्स एंड स्टॉक अगेन स्टार्टेड इट्स अपवर्ड जर्नी तो आई थिंक वन मोर स्टॉक टाटा मोटर्स इज अ स्टॉक व्हिच इज समथिंग वन नीड्स टू वॉच आउट इन द कमिंग वीक एंड कमिंग नेक्स्ट 2-3 वीक्स प्रोबब्ली वी मे सी अ स्टेलर रन कमिंग इन आई मे बी रॉन्ग बट I feel I'm holding positions in Tata Motor and I think that's I'm bullish on Tata Motors. Similarly, Amit bhai, aur do teen stocks hain, but I think ab itne sare stocks ka bol ke jyada fayda nahi hai. So there are a lot of stocks which are showing good positive triggers in the market and probably we can take views from a few of the other listeners. Yeah, Vishal. Yeah. Agar view hai, to share kar. ये रामायण गाएंगे ना अपन तो कोई फायदा नहीं होता जो व्यू है शेयर कर दो लॉन्ग जाएंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा व्यू है हम ये जनरल बात कर देंगे ना ये चलो ठीक है कर दे शेयर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लॉन्ग जाएंगे इससे ज्यादा क्या जाएगा सब बस फिगर होगा नहीं ठीक है नो प्रॉब्लम तो अमित बैंकिंग सेक्टर में आई मीन अगेन द लीडर HDFC बैंक आई फील अच्छा चलना चाहिए HDFC बैंक इज समथिंग आई थिंक मे टेक लीड इन कमिंग couple of weeks maybe the leader if agar bank nifty chalta hai to I think HDFC bank would be the leader jo log sabko lagta hai ki bajaj twins ke andar aage bhagega but I feel HDFC twins may take the lead because bajaj twins is a crowded trade on the long side
क्योंकि इतना गिर गया, ऊपर से रिजल्ट अच्छा आया, उसके बाद में भी गिर गया, इसके लिए सबको लगता है कि वो चलेगा, तो प्रॉब्ली वो हो सकता है चले, बट मे बी एच डी एफ सी ट्वेंस में गिव अ बेटर अप मूव ओवर देयर. सिमिलरली अमित भाई, आई हैव बीन कंटिन्यूसली, आई मीन लास्ट टाइम अपन ने जब भी स्पेसिस की थी उससे पहले भी एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक बोल रखा है, फेडरल बैंक. तो फेडरल बैंक इज एट अ मल्टी ईयर हाई, थोड़ा सा अभी वो कंसोलिडेट हो रहा है. आई थिंक यहाँ से भी अच्छा रिटर्न फेडरल बैंक दे सकता है, तो स्टिल आई एम बुलिश ऑन फेडरल बैंक एज वेल. बाकी कुछ स्टॉक्स जो हैं जो अपने सदाबहार फेवरेट हैं, दी पार्टी स्टॉक्स ऑन द कंजम्पशन साइड, पिज़्ज़ा और शराब, तो ये इनके अंदर भी, हालांकि मैकडॉनल्ड्स इज अगेन अ क्राउडेड ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड, हर को मैकडॉनल्ड चलता नहीं है, वो 900-910 के आसपास आके फिजल आउट हो जाता है. डेफिनेटली 9 इज अ कैन नंबर लाइक किरिट भाई ऑलवेज सेज, सो आई मीन मे बी किरिट भाई कैन एक्सप्लेन बेटर ऑन दी लॉजिक ओवर देयर. बट मैकडॉनल्ड्स एंड सिमिलरली जुबिलेंट फूड वर्क्स रिजल्ट हो गए, सब कुछ हो गया, सब इवेंट हो गया, अच्छा नीचे से धीरे धीरे चलना शुरू हुआ है, तो अब इतनी निफ्टी ऊपर आ रही है, कहीं पे पार्टी तो होगी ना, अभी दिसंबर इज डेफिनेटली पार्टी मंथ, तो पिज़्ज़ा पार्टी चलती रहेगी, शराब पार्टी चलती रहेगी, तो होपिंग के प्रॉब्ली ऑन अ लाइटर नोट आई थिंक दीज टू स्टॉक्स स्क्रीन पे जरूर होने चाहिए. You may see some sort of up move in these two stocks as well. On the bearish side, ये नहीं है कि खाली तेजी की बात करूँगा, तो मंदी के अंदर भी बंधन बैंक ने बंधन काफ़ी तोड़ दिए हैं, बट एक बार इट हैज इफ इट लुक एट इट नॉट एट दीज लेवल लुक एट इफ इट इज नॉट एबल टू क्रॉस 228 एंड 242 लेवल्स ऑन द अपसाइड, तो दीज वुड बी आइडियल लेवल्स वन नीड्स टू लुक एट, जहाँ पे एक बार इसके अंदर वन कैन स्टार्ट क्रिएटिंग सेल पोजीशंस. हाँ जी अमित भैया, आप रीज करिए, आई नो यू हैव अ काउंटर व्यू ऑन बंधन. ना ना, मेरा काउंटर व्यू नहीं है, मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू है कि एक बाउंस आएगा उसमें. एग्जैक्टली मेरा व्यू उसमें वही है जो अपना आइडिया का व्यू था ना. एग्जैक्टली 90 रुपए वाला. हाँ 90, तेरा दिमाग खराब है. 90 पे जब हमने बेचने की बात हो रही है, 90 पे व्यू बनेगा, 90% साफ हो जाएगा वो स्टॉक अगर खराब रहा ना, तो बंधन बैंक इज गोइंग टू बी नेक्स्ट ईयर्स बैंक इफ माय रीडिंग गोस राइट. मैं बंधन बैंक को जब शॉर्ट करना शुरू करूंगा ना, मैं पब्लिक फोरम पे लिख के जाऊंगा, आई एम स्टार्टिंग शॉर्टिंग, दीज आर माय स्टॉप लॉस, मैं स्टार्ट एक लॉट से करूंगा, मुझे उसको कैसे हेज करना मैं वो भी बताऊंगा. अब तक मैंने कभी रिवील नहीं किया. मैं चंदन विशाल इतने साल से जो मंदी के हम स्टॉक पकड़ के आते हैं ना, एक इंटेलेक्ट डिजाइन, मुझे उसमें एंट्री ना मिला. मैं जब वर्कशॉप भी कर रहा था ना, तो उसमें बोला शॉर्ट करेंगे, वो खुला ही 25 रुपए नीचे, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला. तो मेरे पास दो स्टॉक जो आज के टाइम में जो एफ एंड ओ में, जिसको मैं शॉर्ट कैरी कर सकता हूँ जो जब तक एफ एंड ओ में, वन इज बंधन बैंक, सेकंड इज इंटेलेक्ट डिजाइन. अगर ये स्टॉक 90% से गिर जाएंगे ना, तो मुझे कोई क्या बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम ना होगा. आपको लगेगा कि अमित बोल रहा है, अमित है तेजी में. भाई हम जितना मंदी पकड़ के जाते हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ कोई ना पकड़ता. जब पूरा मंदी आएगा ना, मैं ये स्पेस पे पब्लिक फोरम पे बोलूंगा भाई मैं मंदी में आ गया, ठीक है. तो बंधन बैंक ऊपर आएगा तब मैं जाके ठोकूंगा, जब मुझे लगेगा निफ्टी भी नीचे जाने की तैयारी करी, मतलब निफ्टी छोटा मोटा करेक्शन करेगी तो 5% का, तो बंधन बैंक आपको 10% देके जाएगा. आई एम श्योर कि मैं बंधन बैंक का ट्रेड पब्लिक फोरम पे ही हमेशा शेयर करूंगा. मैं बंधन बैंक का लूंगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, मैंने बंधन बैंक शॉर्ट मारा. आई विल स्टार्ट विद वन लॉट, आई विल नॉट स्टार्ट विद 10 लॉट्स, मैं उसको 100 लॉट भी बनाऊंगा. वो पोजीशन साइजिंग जैसे ग्रिड सर बोलते हैं ना, उसको पिरामिडिंग करेंगे. मेरे फेवर में चला ना, तो मैं पिरामिडिंग करूंगा उसको. तो बंधन बैंक इज नॉट लॉन्ग फॉर मी, एक शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए मैं पक्का प्ले आउट कर दूंगा, एक शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए पक्का प्ले आउट कर दूंगा. हाँ चंदन, पता है तू शॉर्ट बैठा है. अमित, जस्ट टू ऐड ऑन फॉर ऑल द लिसनर्स, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, शॉर्टिंग इज अ आर्ट इन द मार्केट्स. और अगर मंदी करना आता है, आई मीन आई हैव नॉट सीन अ बेयर एज बिग एज अमित गुलेचिया आर रिस्पेक्टेड होस्ट ऑन इन द मार्केट्स. मेरे लास्ट 20 साल के अंदर अमित जिस दिन मंदी खेलने उतरता है, आई थिंक आई मीन लेट मी पुट इट दिस वे, वो मंदी जो स्टॉक में मंदी में घुस गया
वो स्टॉक की हालत खराब हो जाती है. तो वन नीड्स टू कीप अ वॉच ऑन स्टॉक्स विच अमित भाई सेज अबाउट मंदी. यू मे फील लाइक लाफिंग आज की डेट में, बट इफ when it comes to picking his stock picking, especially on the Mandi side, I think he is one of the best in the market. So on the street, let me put it this way. I mean, I have seen I've been tracking Amit right from 2014-15. Itne stocks he has picked up on the Mandi side which have been actually ruined. दीवान हाउसिंग, पीसी ज्वेलर्स, वक्रंगी, कैश का स्टॉक होता था, इन्फीबीम, चंदन भाई और कौन कौन, यस बैंक, आई डोंट नो और कितने स्टॉक थे, अब तो नाम भी भूल गए. सो जस्ट एडीए जी. हाँ जी एडीए जी, एडीए जी, माय लाइफ मेरे लाइफ बदल गया हुआ एडीए से, कैसे बोल सकते उसको. तो आई मीन जस्ट सेइंग दैट कि इफ समवन हैज अ काउंटर व्यू ऑन स्टॉक्स, तारीफ बंद कर दे, हैरी भी है तो अपन हैरी का व्यू लेते मार्केट का. ठीक है, हैरी इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उसको बहुत मैसेजेस करता रहता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा स्टडी करता है, वो बॉलिंग उसका भी सिस्टम ऑलमोस्ट मेरे जैसे ही होता है. तो हैरी प्लीज योर व्यूज अबाउट मार्केट. अमित भाई देखो व्यू तो बुलिश ही है अभी, लेकिन अब डिपेंड करता है कि मैं इंट्राडे खेल रहा हूँ या फिर पोजिशन खेल रहा हूँ, क्योंकि इंट्राडे के लिए मुझे कम से कम 10-12 कैंडल चाहिए होती हैं, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा. हो सकता है मैं मॉर्निंग में 9:15 बुलिश हूँ और आधे पौने घंटे बाद मैं बेयरिश पोजिशन ले लूँ, हो सकता है मैं पहले बेयरिश हूँ आधे पौने घंटे बाद बुलिश पोजिशन ले लूँ. तो वो डिपेंड करेगा कि 10-12-15 कैंडल जो मेरी बनती हैं उसके बाद मेरा क्या व्यू बनता है. बेसिकली रेफरेंस क्या है, मतलब पहले क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर के लिए मेन क्या है, उसको रेफरेंस चाहिए होती है, वो अपना जो व्यू है वो बुलिश रखे चाहे बेयरिश रखे, पिछले दिन का क्लोज क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, पिछले दिन का वीवेप का क्लोज क्या है, क्लोजिंग वीवेप क्या है, वो सब मार्क होने चाहिए. अब प्योर अब एक न्यूट्रल व्यू के साथ मार्केट में जाना चाहिए, उसके बाद आपको देखोगे रेफरेंस पे प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, उसके बाद अपना पोजिशन लेने का, स्टॉप लॉस लगाने का और छोड़ देने का. तो इंट्राडे का तो ये व्यू है, बाकी तो देखो मुझे अभी और पोजिशनल के लिए तो देखो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मिड कैप्स का टाइम आने वाला है, मुझे मिड कैप्स जो स्पेस है उसमें खेलना काफी पसंद है, तो मिड कैप्स का मुझे लग रहा है अभी टाइम आने वाला है. तो मिड कैप्स के लिए अभी 2-4 स्टॉक्स है जो मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी त्रिवेणी है, एक बिरला सॉफ्ट है, IEX पे मैं लॉन्ग हूँ अभी, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अभी मैं इन मतलब कुछ ले चुका हूँ और कुछ मेरी रडार पे है, और अदरवाइज अभी बेयरिश का तो देखने का कुछ मतलब है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे प्राइस में कि कुछ मुझे बेयरिशनेस कुछ दिखे, अनलेस कुछ लोग बोलेंगे कि यार बहुत भाग्य है, बट दैट इज नॉट द रीजन टू गो बेयरिश. बस मेरा यही व्यू है छोटा सा. मतलब एक दो मिनट में वॉर्डर ऑफ द स्टोरी खत्म कर दिया, मुझे लगा हैरी आएगा हमें कुछ नया ज्ञान देगा. इतने सारे ज्ञानी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबको सुन रहा हूँ, तो मैं कुछ पॉइंट्स दिमाग में थे तो सबको मैं क्रॉस लगाता जा रहा हूँ, अच्छा ठीक है यार ये भी ठीक है ये ठीक है, तो मेरे लायक मैं सबसे लास्ट में है ना, तो मैं लास्ट बेंचर हूँ, मेरे लायक कोई बचा ही नहीं है. मैं भी लास्ट बेंचर ही रहूं, हम सब लास्ट बेंचर ही हैं, तो लास्ट में स्पेस करके जाते. अरे आप जिस क्लास में लास्ट बेंचर होते थे वहाँ पे टीचर पीछे से पढ़ाता था यार. हरी मैं कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ ना तो मैं सबसे लास्ट में बैठता हूँ, ठीक है, लास्ट में बैठता हूँ ना तो सब मेरे पास ही आ जाते, तू आगे पीछे क्यों बैठा, आगे क्यों नहीं बैठा. जिंदगी भर अपन लास्ट बेंचर रहे हैं, अपन लास्ट वाले, अपन जब लास्ट में ट्रेड दिखने का ना, मेरा अगर सिस्टम ट्रिगर करेगा तो मैं जाके ट्रेड लूंगा. एग्जैक्टली हमें इस चीज में विश्वास नहीं है कि यार हम पहले दौड़ना है, हमें इस चीज में विश्वास है कि यार हमें पहले देखना है, उसके बाद आराम से बैठ के रिएक्ट करेंगे उस चीज पे, कोई जल्दी नहीं है. जब तक मुझे पता है कि मेरा रिस्क कितना है, मेरी पोजिशन कितनी है, मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है, मुझे किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है. और अगर फिर भी अगर मान लो कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि यार मेरे को 60% जो मेरे ट्रेड्स होती है ना वो मिस कर देता हूँ मैं, तो वो मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है यार ये ट्रेड ये स्टॉक मार्केट है ये चलती रहनी है, आज ये नहीं तो कल वो, अगर आज नहीं तो कल मिलेगा, ये स्टॉक नहीं तो कोई दूसरा स्टॉक मिलेगा, तो वो चीज है उसमें. अदरवाइज अगर आप जैसे मेरा IRFC के अंदर मैं अभी लॉन्ग हूँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ा लेट घुसा हूँ, हालांकि मेरे जो जिस प्राइस में मैं घुसा हूँ उससे भी अभी ऊपर है वो, बट मुझे पता है कि मैं उसमें थोड़ा लेट घुसा हूँ, तो मेरी पोजीशन साइजिंग उसमें इतनी ज्यादा नहीं है कि मुझे कोई फर्क पड़ेगा. अब जैसे आपने बोला कि आप जैसे आप जो छोटे स्टॉक्स होते हैं वो उसमें आप खेलते हो, मैं भी उसमें खेलना पसंद करता हूँ, बट उसके अंदर सिर्फ उतना पैसा डालता हूँ जितना मुझे पता है कि यार एक ऑप्शन को मैं बाय कर रहा हूँ, ये जीरो भी हो सकता है या हीरो भी बन सकता है, बस उसका व्यू थोड़ा लंबा है.
बस वो अपना देख के छोड़ देते हैं। तो छोटे छोटे बहुत सारे स्टॉक्स भी मेरे पास पड़े होंगे, मुझे पता है अगर उनमें से दो भी अगर मेरे अच्छे चल गए ना तो सारा का सारा पैसा मेरा बढ़िया निकल जाएगा उसमें से। तो एक मतलब एक ट्रेडर का बेसिकली ये है कि आपके पास व्यू होना चाहिए, बट आपको आपको रिजिड नहीं होना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि मुझे सिर्फ लॉन्ग है तो मैं लॉन्ग ही खेलूंगा या शॉर्ट है तो मैं शॉर्ट ही खेलूंगा। आपको अपॉर्चुनिटी जैसे मिलेगी वैसा काम करना है, या मुझे सिर्फ ब्लू चिप्स में खेलना है, मुझे मिड कैप्स में खेलना है तो मुझे छोटे स्टॉक्स में खेलना है। आपको जहां पे जो अपॉर्चुनिटी दिखती है आप वो लो। बस आपको जो डिसाइड करना, आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे किस चीज में कितना रिस्क लेना है, बस वो आपको डिसाइड करना, आपका काम खत्म है। आई थिंक हैरी पुट इट मतलब बोरो द सीरीज में समझा दिया कि आपको ये पता होना चाहिए लास्ट में कि मुझे, देखो मैं उसको अलग तरीके से समझाता हूँ। पैसा आप कमाओगे, हम तो ये स्पेस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कोई हमारे स्पेस सुन के कुछ ज्ञान लेके जा रहा है, कुछ व्यू लेके जा रहा है, मुझे नहीं पता। आप करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता। लास्ट में अगर स्वर्ग चाहिए तो मरना खुद को पड़ेगा, ठीक है। आपके बीएफएम में मर के आया ना, मैं तो नर्क जाने वाला इंसान हूँ, और ये सारे मेरे जितने ना स्पीकर्स यहाँ पर सब नर्क में ही मिलने वाले। हम में से ऐसा किसी ने कोई ऐसा पुण्य ना किया कि हम स्वर्ग जाएंगे। तो अगर आपको मरना है और स्वर्ग चाहिए तो ट्रेड आपको लेना पड़ेगा। हम सिंपल समझा सकते हैं, हमारा रोज हार्डकोर जब हम करते हैं, पहले करते थे, अभी क्योंकि मार्केट मैंने जब दिन फर्स्ट पे स्टार्ट किया था तो मैं सबको विशाल चंदन किरिट सर कि तू रोज क्यों कर रहा है, उनका सर मार्केट ऐसा टर्बुलेंस में फेस में है ना कि हमें रोज करना पड़ेगा, आज जरूरत ही नहीं तो मैं क्यों रोज करूँ स्पेस, सबको सब कुछ अच्छा दिख रहा है तो उसमें हम क्या नया ज्ञान बांट देंगे, हमें पता ही नहीं। विशाल यू अग्री विद माय फैक्ट, चंदन यू अग्री विद दैट, ये हम क्यों करते थे, हमने वो स्पेसेस बंद कर दी विद द सेम रीजन कि अब मार्केट चल रहा है तो मैं उसमें क्या नया बोलूंगा। मैं कोई आज स्टॉक खरीदूंगा, हो सकता ना चले, हो सकता चल जाए, मुझे नहीं पता। हम सिंपल एक ही चीज जानते हैं जिंदगी में कि अगर मैंने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा मुझे एग्जिट कहाँ पर है, तो चंदन बोलता बेचेगा जो बचेगा, बेचेगा जो बचेगा का मतलब है कि अगर आप 95 आ गया या 98 आ गया तो वहाँ बेच दो तो आप बच जाओगे, तो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो जाएगा। सो लेट्स ओपन दिस फोरम, सारे Q&A करते हैं आधा घंटा मैक्स, मतलब बाय 12:15 वील क्लोज द स्पेस मैक्स। तो जिसका क्वेश्चन रहता है विशाल चंदन ले लेना, मेरे पास तो कोई रिक्वेस्ट मुझे दिखता नहीं है, लोग मुझे वापस लास्ट में वही कंप्लेन करते हैं कि सर हमारा रिक्वेस्ट नहीं लिया। तो विशाल चंदन जिसका रिक्वेस्ट आए शॉर्ट एंड स्वीट एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स, डन बाय डन डन। और कुछ विशाल ऐड करना हो, कोई सेक्टर स्पेसिफिक भी, तो शुगर कमोडिटीज इतना ट्रेड करता है तो उसके बारे में कोई अगर तेरा व्यू हो तो फटाफट। Yeah, I mean, sugar is little bullish. I think sooner I'll be hosting a one-on-one space on sugar with the biggest expert in the country. So I think Triveni Harris ne bola hi ke Triveni is looking good. So sugar ke andar dhyan do. Sugar positionally achha lag raha hai. That is one thing. And IT ke andar Amit bhai thoda Infosys is one stock which can give close to 10-15% return if markets continue to rally. So I think Infi is one stock one needs to look at. HCL Tech is again super bullish right now. So let's wait and watch. IT cautiously I'm bullish. Tech Mahindra, क्योंकि मैं Tech Mahindra track नहीं करता. नहीं मैं भी नहीं कर रहा हूँ track Tech Mahindra. तो मैं मतलब IT के अंदर I'm only tracking. I mean I have positions in HCL. And I'm Infosys is on my radar. So let's जो भी speaker बनेगा ना अब से आपका question हो जाएगा, मैं आपको remove कर दूंगा। मतलब ये आपने ये मत पकड़ना कि हमने remove कर दिया, क्योंकि मुझे और बहुत सारे लोगों के question लेने होते हैं। तो आपका question sweet and short रखना, अगर हम tag करते रहेंगे पक्का जवाब दे देंगे। जितने हम पांच लोग बैठे, मैं हूँ, चंदन हूँ, हैरी है, विशाल है, भाई मेरे को speaker से निकाल दो चलेगा। मेरा खाली question था, वो खाली answer कर देना। बोलना भाई, कोई क्वेश्चन है तेरा? मैंने फार्मा के लिए बोला था ना, फार्मा का क्या व्यू? थ्री स्पीकर्स प्लीज गाइस प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चंस। आयुष मैं फार्मा का व्यू तुझे कल पर्सनली दे दूंगा, ठीक है? ठीक है। रोहित मेरे को स्पीकर से निकाल सकते हो आप? अंशु ब्रजेश, हां यस सर, हेलो। हां हां यस ब्रजेश गो अहेड, हाँ सर, अभी
अभी सुगर और आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का टाइम है या अभी वेट करें? ब्रिजेश भाई, आई थिंक आई ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेश्चन सम टाइम बैक. ओके, आई डोंट नो बिकॉज़ आवाज नहीं आ रही थी सर. अच्छा, नहीं शुगर में थोड़ा सा ट्रैक्शन आ रहा है. लेट्स, अभी नया सीजन शुरू हो रहा है. नवंबर 1 से नया क्रशिंग सीजन शुरू हो जाता है एंड वी हैव टू लुक एट इंटरनेशनल प्राइसेस. आई थिंक थोड़ा सा ट्रेंड तो है, अच्छा है. थोड़ा सा एक बार सीजन के अंदर थोड़ा सा वेट फॉर अनदर वीक, प्रॉब्ली तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी. मे बी ड्यू सम टाइम नेक्स्ट वीक आई मे बी होस्टिंग स्पेस विद लेजेंड ऑन द हु अंडरस्टैंड्स द ग्लोबल शुगर मार्केट. तो ऑन दी होल आई थिंक शुगर इज अ सेक्टर जो शॉर्ट टर्म में मत देखिए, 2-3 महीने का मत देखिए. ये पोजिशनली मैं काफ़ी टाइम से बोलता आया हूँ कि शुगर स्टॉक्स को पोजिशनली अपने पोर्टफोलियो में रखिए, ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से मत लीजिए. तो उसके ऊपर एक मतलब एक फोकस रख के रखिए. एंड त्रिवेणी इज, अगर शुगर में किसी को काम करना है तो रेणुका इज वन जहाँ पे काफ़ी रिटेल का इंटरेस्ट है. बट अगर इंस्टीट्यूशंस का अगर हम बात करें, स्मार्ट मनी की बात करें, आई वोंट से इंस्टीट्यूशन स्टैंड अलोन, ये अपना त्रिवेणी के ऊपर आप फोकस करें. एंड आई टी एच सी एल टेक एंड इन्फोसिस आर समथिंग टू स्टॉक्स विच आई फील आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग. टेक महिंद्रा आई एम नॉट ट्रैकिंग एंड द मिड कैप आई टी मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ओवर देयर. विप्रो सर, विप्रो सर, विप्रो इट्स नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, इट्स अ इन्वेस्टमेंट स्टॉक, लेके रखो सर. विशाल, विप्रो है ना थकेला स्टॉक है. इन्फोसिस और टीसीएस है ना ट्रेंडिंग मूव देते हैं. तो आप इन्फोसिस टीसीएस में बैठोगे ना तो इन्फोसिस टीसीएस ना ट्रेंडिंग मूव दे रहे. विप्रो खुद ना चल रहा तो अपनी जबरदस्ती में विप्रो जिंदगी में ट्रेड ना किया. वो स्टॉक ने मुझे आज तक ना पैसा दिया, मैंने उसको एक ट्रेड पंच नहीं कह रहेगा. मैं पूरी लाइफ हिस्ट्री पकड़ूंगा, मैंने विप्रो कभी ट्रेड नहीं किया. तो आपको मेन जो फ्रंटलाइनर्स है इन्फोसिस और टीसीएस उनमें ट्रेड करके पैसे बनो ना यार. क्यों विप्रो में घुसना है आपको? जो स्टॉक चल रहा है उसमें घुसो ना. आप ओएफएसएस में जाके ट्रेड करो. ओएफएसएस वापस रिवर्सल दे रहा है, उस स्टॉक में ट्रेड करो ना. ये विप्रो को छोड़ दो ना. विप्रो के लिए क्यों इतना प्यार है आपको? मल्टी ईयर ब्रेकआउट देने के बाद, वो 18 साल के ब्रेकआउट देने के बाद वो स्टॉक में चला, वापस गिर गया. मतलब उस स्टॉक में कुछ दम नहीं दिख रहा मुझे. पक्का हो सकता है उल्टा करके चल जाए, पर उस स्टॉक में मुझे कहीं दम नहीं दिखता. ठीक है, तब टीसीएस पर आओ, इंफोसिस पर आ जाओ बस. ओके सर, थैंक यू सर. विशाल भाई, अगर कुछ अच्छा स्पेस हो रहा होगा ना तो आई कैन रिक्वेस्ट माय डैड टू कम एंड स्पीक शुगर के बारे में. आई डोंट थिंक कि उनसे ज्यादा कुछ अच्छा कोई बोल पाएगा, बट उसके लिए मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, शायद आपको भी करनी पड़ेगी कि प्लीज कम एंड स्पीक. नहीं, नो प्रॉब्लम चंदन भाई, एनी टाइम. नहीं, एनी टाइम इट्स मी एंड यू, अकेले मेरे से नहीं आएंगे. वो बोलता है, अरे मैं आ जाऊंगा पर्सनल अपन WhatsApp पे बात कर लेंगे. WhatsApp पे बात, ये यहां पर ठीक है. लेट्स नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक. सो हिमांशु इज हियर एंड हिमांशु से पूछ लेते हैं, देन वी विल गो टू शांतनु and then Mr. R. So Brijesh, I'm removing you from speaker. So the okay, order sir. Is Himanshu, Shantanu and Mr. K. MKR. Yeah, Himanshu. Himanshu hai nahi, I think. So Shantanu, aap, your question. Yes, actually, aap Triveni ka jo bol rahe the actually. Toh maine chart dekha, toh matlab trade uska kaisa abhi 194 ka uska ek high tha. Toh uska bhi ye hua nahi hai. अभी थोड़ी देर पहले बोला शुगर के अंदर आप वो, हाँ जी, लॉन्ग के लिए लॉन्ग करना पड़ेगा. ओके ओके, थैंक यू. और आई थिंक आप मेरे हिसाब से आप ये देख रहे हैं त्रिवेणी, गलत देख रहे हैं. त्रिवेणी इंजीनियरिंग देखना है. 284 का भाव है उसका, 190 का भाव नहीं है. नहीं, 284 का ही है. 294 का उसका जो हाई है वो क्रॉस करने, मतलब बाइंग करना है अगर छोटी छोटी क्वांटिटी में कर सकते हैं. 294 आ गया तो ज्यादा कर सकते हैं या कैसा, मतलब पूछना था सर. दिस इज अ डेट फ्री कंपनी. लेट मी गिव यू फ्यू पैरामीटर्स. त्रिवेणी इज अ डेट फ्री कंपनी और ये वन ऑफ द कैश रिच कंपनीज. आई वोंट से मतलब कैश रिच है, अच्छी खासी कंपनी है बाजार में. I mean, इनके पेमेंट्स आर प्रीटी गुड.
they have got a decent repute और साथ में इथेनॉल के अंदर भी इन्होंने अच्छा खासा प्लांट लगा लिए हैं, तो वहाँ से भी इनको वहाँ से भी इनको एक रेवेन्यू स्ट्रीम आ रहा है, तो इट्स अ डिसेंट कंपनी. आई मीन यू वाई वुड समवन बाय अ बजाज हिंदुस्तान विच इज टू डीप मेस बाय आई मीन फॉर मी इट्स लाइक बाय द बेस्ट इन द लॉट. अगर जिसकी बैलेंस शीट सबसे बढ़िया है वो ही अच्छा चलेगा. सिंपल. विशाल विशाल मेरा क्वेश्चन, रेडू का मूव अडानी ने एंट्री किया तो क्या लगता है ये भी वैसे ही चलेगा 10x 20x? हेलो अमित, लेट्स आनंद जी जस्ट अ मोमेंट सर. सो अमित भाई, रेणुका के अंदर विल्मर हैज एंटर्ड एंड अडानी एंड विल्मर हैव गॉट अ टाई अप, तो डोंट देयर इज नो डायरेक्ट अडानी का डायरेक्ट वो कोरिलेशन नहीं है, बट या इट इज द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी वाइज इट इज द बिगेस्ट इन द कंट्री. तो डेफिनेटली लाइक आई सेड के ठीक है, दे उनकी बैलेंस शीट भी इंप्रूव हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. यू नेवर नो, यहाँ से डबल होता है कि यहाँ से आधा होता है कि यहाँ से 10 गुना होता है, तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. करेंटली डेफिनेटली अपना रेणुका इज ऑल्सो लुकिंग प्रीटी बुलिश. दीज आर द टू स्टॉक्स इन शुगर सेक्टर विच आर लुकिंग प्रीटी बुलिश. बलरामपुर आई हैव माई डिफरेंट कंसर्न्स, वहाँ पे मैनेजमेंट इशूज रहे हैं एंड अगेन थोड़ा सा स्टॉक इज मोर विद, क्योंकि एफ एंड ओ में है तो प्रॉब्ली लिमिटेड कंसोलिडेटेड वो कुछ लिमिटेड हैंड्स के अंदर रहता है स्टॉक, तो स्टे अवे. बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रेणुका एंड त्रिवेणी आर द बेस्ट इन शुगर. दैट्स इट. या आनंद जी, ओवर टू यू सर. नमस्कार जी. पेपर इंडस्ट्रीज पे आपका क्या व्यू है? पर्टिकुलरली मैं ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जानना चाहता हूँ. चल, इफ आई कैन टेक ओवर. अच्छा, हाँ जी, पेपर प्लीज. ट्रैक नहीं करता मैं, पेपर इंडस्ट्री ट्रैक नहीं करता, बट मैंने चार्ट किसी ने मुझे पूछा था तो मुझे वेस्ट कोस्ट का चार्ट, वेस्ट कोस्ट पेपर्स का चार्ट एकदम बुलिश लगता है. पदम जी पेपर का चार्ट बहुत अच्छा लगता है. दे वेस्ट कोस्ट पेपर और पदम जी करके कंपनी है. हाँ, पदम जी. और बाकी आपने जो स्टॉक बोला ना, मैं ट्रैक नहीं करता क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था तो मैं गलती से. सीके बिरला ग्रुप का है ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज. तो सर मैं ट्रैक करूंगा अगर किसी के पास. सर मेरे पास अभी चार्ट नहीं है तो मैं ओरिएंट के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता. विशाल, हैरी और चंदन, इफ दे हैव अ व्यू दे कैन शेयर. बाकी वेस्ट कोस्ट पेपर एकदम बुलिश दिख रहा है, एकदम बुलिश है स्टॉक. और पदम जी ठीक है, वही मैंने ट्राई किया. जेके पेपर में थोड़ा सा है ना कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है. जेके पेपर में कन्विक्शन नहीं दिख रहा, ठीक है, क्योंकि जब कोई सेक्टर जो चल रहा है ना उसमें जब लीडर दिख गया कि भैया ये चल रहा है. आपने ओरिएंट बोला ना, कल मैं पक्का ओरिएंट चेक करके चार्ट भी पोस्ट कर दूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है आनंद जी. सर ये क्या है कि ठीक है, आई मीन कोई ज्यादा सर अगर मतलब हम देखें, इफ समवन इज लुकिंग फॉर अ सीरियस एंट्री तो इधर वेट फॉर. यहाँ पे थोड़ा बहुत आप पोजीशन बना सकते हैं, बट आइडियली आई वुड लुक एट इट एंटरिंग वंस इट क्रॉसेस प्रॉब्ली अ 46-47 लेवल. और सर पेपर इंडस्ट्री में अगर आपको इंटरेस्ट है, गो विद द गुड स्टॉक तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट. TNPL इज वन स्टॉक विच इज प्रीटी गुड इन पेपर इंडस्ट्री. तो एंड डेफिनेटली ITC आल्सो हैज गॉट सम बिट ऑफ एक्सपोजर. So sooner or later, whenever they demerge their paper and pulp business, probably it could be there. You could see a decent value unlocking happening over there. So Orient Paper, sir, because it's a small stock, so okay, it seems cheap to buy. But just look at the valuations vis-a-vis its peers. Maybe I would go with the TNPL instead of Orient Paper.
तमिलनाडु न्यूज प्रिंट या आप वेस्ट कोस्ट देखना, वेस्ट कोस्ट में देखो, वेस्ट कोस्ट का अगर आपको चार्ट समझ में आता है वेस्ट कोस्ट, क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था इसके लिए वेस्ट कोस्ट बोल रहा हूँ, बाकी मैं पेपर जैसे मुझे खुद ट्रैकिंग करता है। ठीक सर, विशाल सर से क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी सर। सर चार्ट चेक चाहिए था वो टाटा स्टील और हीरो मोटो कार्प पे सर। ठीक है, टाटा स्टील जब से डीमर्ज हुआ ना, किसका क्वेश्चन था, अपना नाम बोलोगे? सर मुकेश बोलो, मुकेश। ओके, टाटा स्टील जब से डीमर्ज हुआ ना, वो 100 से 110 की रेंज में फिट हुआ हुआ है, तो उसमें कुछ मूवमेंट ही नहीं आ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं। वो 5-10 रुपए के मूवमेंट अगर आपको पकड़ना आप पकड़ लो, उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं आ रहा है। तो जब ट्रेंडिंग था ना तब ट्रेंडिंग था, आज के टाइम में उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। हीरो मोटो का छोटा सा शॉर्ट टर्म का, हीरो मोटो अगर लॉन्ग टर्म देखोगे ना, वो कुछ नहीं कर रहा है। शॉर्ट टर्म में उसने कुछ बाउंस दिया है, मैं भी मेरे पास हीरो मोटो पड़ा है, ठीक है, मैं पब्लिक में बोल के जा रहा हूँ, मैं भी हीरो मोटो में बुलिश हूँ। मुझे लगा हीरो मोटो ऑलमोस्ट वापस एक बार 3000 टेस्ट करने आ सकता है, ये मेरा व्यू हीरो मोटो के लिए बन रहा है। अमित ऑन स्टील एज अ सेक्टर, लाइक अमित राइटली सेड के इंटरेस्ट थोड़ा सा खत्म हो गया, ट्रेडिंग इंटरेस्ट खत्म हो गया जब से वो हुआ है स्टॉक्स पे, ये अपना जो भी स्प्लिट हुआ है, तो जब से वो स्प्लिट हुआ है तो थोड़ा सा ट्रेडर इंटरेस्ट कम हो गया। एंड अगर आपको स्टील सेक्टर में देखना ही है तो सर लुक एट JSW स्टील एंड जिंदल स्टील, जहाँ पे आई थिंक मोर स्टिल लॉट ऑफ क्रीम एंड जूस इज लेफ्ट, क्योंकि अब वही सेम चीज़ हो गई जो आनंद जी को भी मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी, क्योंकि वो सस्ता स्टॉक है, 100 रुपये का हो गया, 1000 रुपये वाला 1200 वाला 100 रुपये हो गया, इसके लिए सबको टाटा स्टील में इंटरेस्ट है या सेल में इंटरेस्ट है, और महंगे स्टॉक में इंटरेस्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो। बट इफ़ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन स्टील सेक्टर, आई थिंक JSW स्टील और जिंदल स्टील में आउट परफॉर्म टिस्को एंड असील ओवर लॉन्गर टर्म। दूसरा कौन सा स्टॉक बता रहे थे, पूछ रहे थे सर? हीरो मोटोकॉर्प। हाँ सर, हीरो मोटोकॉर्प या अमित भाई का व्यू से मैं एग्री करता हूँ, बट देर आर लॉट ऑफ इश्यूज विच आर नॉट विच आई कैन नॉट डिस्क्लोज, आई मीन मोर ऑफ पॉलिटिकल रिलेटेड इश्यूज आर देयर विद द ग्रुप, सो आई थिंक स्टॉक में कंटिन्यू टू रिमेन अंडर प्रेशर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, so there are certain issues I think so it's better and avoid. You can look at probably Eicher Motor can give a two wheeler segment mein agar aapko dekhna hi hai to Eicher ko aap check kar sakte hain, ya TVS Motor thoda sa correct hone ke baad mein aap dekh sakte hain, TVS is the strongest of the lot. ye mat sochiye ki wo 500 wala जो है 1100 हो गया, इसके लिए वो डबल हो गया, आपको और कितना चलेगा सर? 1100 वाला 3000 भी हो सकता है। सो लुक बाय द स्ट्रेंथ एंड सेल द वीकनेस इज ऑल आई वुड सी सर। थैंक यू सर। राइट सर, थैंक यू। या सो वी हैव हिमांशु आल्सो ओवर हियर, भगवान कुछ दर्शन दे दो हमें। बढ़िया सर, बढ़िया। नहीं नहीं, जो भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा था उसका थोड़ा सा पहले रिप्लाई दे दूं। देखिए, मेटल्स को अगर आपको ट्रेड करना है तो थोड़ा सा आपको चाइना की सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी। जब तक चाइना स्टेबल नहीं होता, जब तक मेटल्स स्टेबल नहीं होंगे, और मेटल्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट मेटल स्टॉक्स पे पड़ेगा ही, है ना। तो टाटा स्टील के बारे में तो व्यू अभी कुछ अच्छा है नहीं, हीरो मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, तो मुझे पता नहीं, जैसा विशाल ने बताया तो वैसा आप देख सकते हैं, टीवीएस देख सकते हैं। और बोलो भाई, कहाँ कहाँ पे व्यू चाहिए? निफ्टी, बैंक निफ्टी, अडानी, तीनों को शॉर्ट कर दो। मैं अमित पहले ही हंसने लग गया था। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब व्यू लेके चलते हैं तो थोड़ा सा रिस्क भी
डिफाइन करते हैं। मेरा थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है, 18,800 की क्लोजिंग स्पॉट निफ्टी पे जिस दिन आ जाएगी ऑन द क्लोजिंग बेसिस, उस दिन मैं अपने सारे शॉर्ट कवर कर दूंगा। पर उसके पहले तो मैं थोड़ा सा, मेरा व्यू बीरेशी है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है पर मुझे तो ये रैली कंटिन्यू होती इतनी दिखती नहीं है, दैट इज माय व्यू। पर बाकी जैसा हो, अगर बढ़े तो अच्छा ही है, हम भी वापस तेजी में वापस आ जाएंगे सब लोगों के साथ में। अभी तक तो थोड़ा सा व्यू कॉशियसनेस का ही है। हिमांशु तो यार है ना, अभी हर्ष भी आ गया, ये तो एकदम 25,000 की बात कर देगा निफ्टी की, तो मुझे थोड़ा है ना शांत करना पड़ेगा इसके लिए। इसको अभी इनवाइट नहीं भेजूंगा मैं, लास्ट में भेजूंगा, तब तक तो सारे क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ राहुल कुमार जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। या हेलो, सो आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन टाटा स्टील बट दैट इज वेल डिस्कस्ड, दैट इज फाइन। नाउ आई हैव इंटरेस्ट इन टू सेक्टर्स, देसी दारू लाइक मुंबई एंड थाने वी हैव दिस इज द मोनोपोली ऑफ जीएम ब्रेवरीज, सो व्हाट आर योर आउट व्हाट आर योर व्यूज ऑन देसी दारू सेक्टर लाइक जीएम ब्रेवरीज और ग्लोबल स्पिरिट्स। And the other sector I am interested to know about is pharmaceuticals, particularly the MNC like Sanofi and Abbott. Sir, Abbott का मैं एक simple, if I am audible? Yes sir, हाँ sir. Abbott का monthly chart देखो, एक second रुको, मैं वापस rejoin करता हूँ, मैं वापस। नहीं नहीं, अमित मैंने mute कर दिया उनको, आप rejoin करोगे तो spaces बंद हो जाएगा, वो राहुल जी की हाँ, अभी थोड़ा चूक। हाँ, अभी आवाज आ रही। और उसको राइट करते रहो। एबर्ट का चार्ट पे मेरे ये मैं क्लास में भी सिखाता हूँ, सबको यही चीज सिखाता हूँ, भैया वो चार्ट इतना बुलिश है That never goes below 20 monthly moving average also. एक आध बार गया होगा, वापस जो स्टॉक ने परफॉर्म किया। Abbott के बारे में बात कर लो, Abbott is a positional trade, not a positional trade. It is a lifelong trade. जब तक वो चीज नहीं ब्रेक करके सस्टेन करता है तो Abbott के लिए मैं हमेशा बुलिश रहूंगा। मतलब अगर 18,000 का भाव है, 20,000 का भाव है, आप रोज एक शेयर खरीदो ना, आपको वो SIP का स्टॉक होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। Abbott को बेचना नहीं है हमें, हमें Abbott को कभी जिंदगी में नहीं सोचना बेचना है। हमें Abbott नीचे गिर जावे ना, सिर्फ मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, डेली की बात नहीं कर रहा, डेली में कुछ भी मूवमेंट आएगा मंथली चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज लगा के बैठ के देख लो क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा। उसके बाद अगर ना चले पक्का मुझे गाली देना, मुझे टैग करके बोलना कि अमित गुलेशा ने इतनी रात को स्पेस पे बोला था, मैं पक्का क्लीन करूंगा। ठीक है, और आपने दूसरा कौन सा स्टॉक पूछा था? टाटा स्टील, वो रेंज में पड़ा है तो अभी आप मैं वो दे भाई साहब वो हो गया दारू की बात कर रहे थे तो मैं जीएम ब्रूवरीज या ग्लोबल स्प्रिट। हां दारू चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो हमेशा चलेगी, चलेगी वो स्टॉक चलेंगे, वो भी साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में बैठा है। आई एम वेरी बुलिश ऑन जीएम ब्रूवरीज, कभी कभी लेने जाता हूँ ना तो वहां पर है ना, माइक म्यूट करो ना प्लीज आपका। वहां पर है ना सबसे ज्यादा देसी दारू बिकती है, मैं कुछ लेने जाऊंगा तो मुझे वो बोलते हैं सर आप 5 मिनट साइड में खड़े रहो, तो सीन है। तो फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं जीएम ब्रेवरीज के, सब कुछ अच्छा है, स्टॉक जब चलेगा तब चलेगा, किस दिन चलेगा मुझे भी नहीं पता, मैं भी इन्वेस्ट करके बैठा हूँ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट का 300 रुपए का जब 2020 में टूटा था, as simple as that. तो उनको पकड़ के बैठना पड़ेगा, कब परफॉर्मेंस आएगा कब नहीं आएगा मुझे नहीं पता। So we can take the next speaker. Rahul ji, आपका question का Amit want to add on Abbott and Sanofi, like you rightly said, MNC pharmaceutical company. Sir, Rahul ji, इसमें ना आप एक चीज समझ लीजिए, MNC जितनी भी इंडिया में listed है ना, इसके अंदर retail participation बहुत limited है। ये रिटेल का इंटरेस्ट नहीं हो जाए, ओनली स्मार्ट मनी इज होल्डिंग दीज आर होल्डिंग इज होल्डिंग दीज स्टॉक्स। सो आई थिंक ये अच्छे चलेंगे, आप इसके अंदर ट्रेड नहीं करके आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से होल्ड रखेंगे तो आपको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है और वैल्यू आपकी पोर्टफोलियो में बढ़ सकती है।
And on the desi daru segment, daru like Himanshu rightly said, desi ho, videsi ho, consumption sector hai, अच्छा चलना ही चलना है. तो लोग ना खाना खाना बंद करेंगे, लोग ना शराब पीना बंद करेंगे, लोग ना पिज्जा खाना बंद करेंगे, ये सब चीजें चलती रहेंगी. तो इनको अगर आप शॉर्ट टर्म नहीं देख के पोजिशनली लेके चलेंगे तो आपको अच्छी खासी आपको वैल्यू वेल्थ क्रिएशन आपको दिखेगी. आई थिंक दैट्स इट. सो वी हैव विक्की. विशाल भाई, मेरे को फार्मा में थोड़ा इनका ये ऐड करना था. देखिए, फार्मा को आप हमेशा एज ए शील्ड यूज कर सकते हैं, पर जैसा अमित ने बताया कि आप उसको ट्रेड नहीं करें, आप उसको एज ए प्रॉक्सी प्ले लेके चले. जो भी आपकी पोजीशन है फार्मा में, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा. पर फार्मा में दो तीन स्टॉक छोड़ के बाकी कोई भी ट्रेडेबल स्टॉक्स नहीं है सर. तो आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप फार्मा में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ नए वेरिएंट आते रहेंगे, नई वैक्सीन होती रहेगी, नई दवाई आती रहेगी, ऐसा चलता ही रहता है. पर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से आप फार्मा को नहीं देखें, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मा अच्छा है. इट इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ना ज़्यादा ऊपर जाता है ना ज़्यादा नीचे जाता है, तो वो आपको एक हैंडसम ऑफ मनी देके जाएगा ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, एकदम से कुछ नहीं रहेगा उसमें. यस विशाल भाई, यस कंटिन्यू. Hi. Hey, Vicky. Hi, Vishal. How are you? Good, good. How are you? I'm good. I was just hearing you on the paper sectors. तो एक मेरा ये सवाल था आंध्रा पेपर को लेके. जेके आई नो इज कंसोलिडेटिंग 400-430 की रेंज में घूम रहा है और अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, रिजल्ट भी अच्छे आए थे. आंध्रा के भी रिजल्ट अच्छे आए थे, बट प्रॉफिट बुकिंग वॉज वेरी हैवी, लाइक 500 से जाके 427-426 पे आके गिरा. वहां से अच्छा बाउंस बैक आया 6-7% का, देन अगेन इट्स सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेटिंग. तो क्या लग रहा है चार्ट को देख के आंध्रा पेपर का? विक्की भाई, पिछले ये अगर हम मंथली कैंडल्स की अगर हम बात करें तो पिछले 4-5 महीने से आई थिंक 480-490 का लेवल वो क्रॉस नहीं कर पाया है. तो एक बार आई थिंक एक और कुछ वॉल्यूम भी कमी है. एक सेकंड होल्ड करिए. जस्ट अ मोमेंट विक्की. वेस्को सुबह का चार्ट देख. वेस्टकोट मैं अभी तो दूसरा गैजेट नहीं है मेरे पास कोई भी, तो वेस्टकोट मैंने इतना देखा नहीं ढंग से, बट आई विल हैव अ डेफिनेटली हैव अ लुक एट इट बिकॉज़ यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट इट जस्ट द सेम स्टॉक. मैं तो लोग बोलते हैं तब मैं जाके देख लेता हूं. वेस्टकोट का चार्ट देख रहे हैं, पदम जी का चार्ट देख. अच्छा, वेस्टकोट एंड पदम जी. आई डेफिनेटली हैव अ लुक एट इट, बट फॉर द टाइम बीइंग आई हैव द पोजीशंस, आई मीन आई हैव द होल्डिंग इन जेके एंड आंध्रा. जेके के लिए व्यू चाहिए तो बेस्ट पर्सन विल बी किरिट सर. किरिट सर भी निकल गए. हमें सर पदम जी जो है बिल्कुल जो है दग रहा है, पूरा रॉकेट बन रहा है प्रॉपर. अच्छा, फ्लाई लाइक एनीथिंग. वंडरफुल, बिल्कुल. कल मैं निगाह मारता हूं अच्छी तरह बैठ के, रात को ही देखता हूं सर. और प्लीज देखिए हाईलाइट समथिंग. हां जी, अलर्ट समथिंग थोड़े बहुत तो ट्रैक करने के लिए डाली दूंगा लेके. बाकी आंध्रा का जो है 500 के आसपास जाके जो है वो अभी 427-426 पे आया, रिजल्ट्स वर गुड, बट बीइंग साइक्लिकल स्टॉक यू नो एक पीक तो आता है इनमें, फिर वहां से गिरते ही गिरते हैं. बट पेपर बीइंग गुड इन डिमांड, चाइना की सप्लाई इतनी नहीं है अभी, और कंजम्पशन जो है वो रीजनेबली गुड है क्योंकि अपना जो है प्लास्टिक बैन चल रहा है, जो तो ये सेक्टर ही बहुत अच्छा है इस टाइम पे देखा जाए तो. Just Andhra was something I was not so, too sure of. Vicky, एक चीज़ बोलो. ये सारी चीज़ें stories जो है ना वो side में रखो. Forget all the stories. If price is telling you something, all things are driven by price. So all the fundamentals are driven by price. अगर stock अच्छा है, automatically perform करेगा. ये मेरा पता वो करना बंद कर दे. एक मिनट के लिए माइक म्यूट कर दे, मुझे डिस्टरबेंस का, मैं म्यूट कर देता हूँ. नहीं, क्या मुझे बात कर रहा है तू? हाँ विक्की भाई, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, ये सारी चीज हम छोड़ देते हैं. अगर मुझे प्राइस दिखा रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो प्राइस ने सारी स्टोरी कैप्चर कर ली है. कोई नए लोग एंट्री करना चाहते हैं
उनको एंट्री ना मिलेगा, ठीक है। सेम लाइक अ पीएसयू सेक्टर स्टॉक, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर स्टॉक, तो अगर मुझे प्राइस बता रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो हम स्टोरीज देखना जिस दिन बंद कर देंगे ना, और जिस दिन हम चार्ट पे और प्राइस पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देंगे, हमें हमारे रिजल्ट ना बेटर मिलेंगे। कोई स्टॉक अगर ब्रेकआउट दिया है तो वापस रिटेस्ट भी करने आ सकता है ना ब्रेकआउट को लेवल को, अगर वो चीज पकड़ के चले और ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके वापस रिवर्सल दे रहा है, दैट इज द बेस्ट पार्ट इन योर लाइफ दैट यू आर कैप्चर्ड, मतलब इन ट्रेडिंग टर्म्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हमें वही पकड़ना है कि भैया रिटेस्ट किया, रिटेस्ट से वापस बाउंस दे रहा है, वो बेस्ट एंट्री का पॉइंट होता है, उससे बेटर कोई पॉइंट नहीं होता। कई स्टॉक हम भी री एंट्री हम सोचते हैं रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट नहीं करता, वन साइड चलता रहता है। तो ये सारी न्यूज जो है ना, मार्केट को सब पता होता है। हम हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, मार्केट इज सुप्रीम, नोबडी सुप्रीम प्रायर टू मार्केट। हम सब उल्लू के पट्टे, ये विशाल, चंदन, मैं, हर्ष, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी, हम सब उल्लू के पट्टे। हम सिर्फ एक ही चीज फोकस करनी चाहिए कि व्हाट इज प्राइस टेलिंग यू। इफ प्राइस इज टेलिंग यू, इफ निफ्टी इज एट 18,500, प्राइस इज टेलिंग यू इट इज गोइंग अप। सेम फॉर जेके पेपर और एनी अदर स्टॉक, यू पिक एनी स्टॉक, वो प्राइस बोल रही, मैं ऊपर जा रहा हूँ, उसको कुछ नेगेटिव ढूंढूंगा, वो प्राइस ने सारे फैक्टर पकड़ लिए। मार्केट है ना फॉरवर्ड लुकिंग है, बैकवर्ड लुकिंग नहीं है। फंडामेंटल न्यूज बाद में आएगा, फंडामेंटल बाद में आएगा, पहले प्राइस बता देगा, पहले वॉल्यूम बता देगा, उसके पहले मोमेंटम उसका बता देगा। जितने आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर आप कोई चार्ट देखोगे, आपको ज्यादा कन्विक्शन आ जाएगा। व्हाट इज योर टेक ऑन इट, लाइक अभी चार्ट देख के क्या लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक, किस पैटर्न में चल रहा है अभी, इसका अप ट्रेंड इंटैक्ट है, इट्स ओनली द प्रॉफिट बुकिंग दैट हैज कम इन। आई डोंट सी एनी ट्रेड कमिंग इन दिस राइट नाउ, बट हां छोटा-मोटा अगर करना है तो रिस्की बाय लेके एक बार देख सकते हैं यहां पे, क्योंकि इट्स नॉट ब्रेकिंग 4 मंथ लो इधर। एग्जैक्टली, या 427 428 से अच्छा बाउंस बैक दिया, तो लेट्स वेट फॉर मंथली क्लोज, ये हफ्ता देख लेते हैं, थोड़ा सा एक फेयर आइडिया लग जाएगा, देन लेट्स सी हाउ नेक्स्ट मंथ मूव्स। शोलिया विल चेक द वेस्ट कोस्ट। बाकी देखो टाटा स्टील का जो आप कह रहे हो कि टाटा स्टील में कुछ ढंग का ट्रेड दिख नहीं रहा है, या टाटा स्टील देखो 104 के आसपास में इतना स्ट्रांग सपोर्ट आ रहा है कि 104 रुपए 50 पैसे के आसपास स्ट्रांग बाइंग आ रही है, इमर्ज हो रही है पूरी। अभी ये एक्सपोर्ट ड्यूटी भी जो है ये रिमूव कर दिया गवर्नमेंट ने, अभी तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर हट गया। अभी टाटा स्टील में जो मेन जो मुद्दा वो ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस आर डाउन टू लाइक $515-$520, जो कि लोएस्ट है पिछले 1.5-2 साल के, राइट। तो टाटा स्टील में मुझे लग रहा है जहां प्राइसेस थोड़े ऊपर जाएंगे ना अभी, क्योंकि चाइना का इतना सप्लाई तो है नहीं, डिमांड नहीं है, तो उसकी सप्लाई भी इतनी नहीं है, उसकी मिल्स ऑलमोस्ट 1/3 पे काम कर रही है, तो वी माइट सी यू नो सम गुड कंसोलिडेशन टाटा स्टील एंड देन अ गुड जंप अप। कि मैं सिंपल वही चीज बोलो, मेरे हिसाब से चार्ट कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, मुझे स्टॉक में ट्रेड नहीं करना। आप समझ गए ना, उस कंसोलिडेशन में मैं 2 रुपए के लिए ट्रेड ना करता, मेरा ट्रेड चलता है अगर मैं कोई स्टॉक खरीद के बैठा, मुझे 80% का रिटर्न दे जो मैं पोजिशनली लेके बैठू। बाकी विशाल ने अपडेट कर ही दिया है, तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन फेज नाउ आफ्टर द प्रॉफिट बुकिंग। आई विल होल्ड, बट आई विल हैव अ लुक एट द वेस्ट कोस्ट पेपर। थैंक यू फॉर द यू नो वेस्ट कोस्ट और पद्म जी दोनों ट्रैक करना, ठीक है। दैट इज माय पर्सनल एडवाइस, क्योंकि मुझे किसी ने पूछा, मैं भी पद्म जी में 2008 में ट्रेड करता था, अब मैंने उसने 15 साल में देखा, किसी ने मुझे बोला सर पद्म जी चेक करो, मैं जाके पद्म जी डाला, मुझे लगा भाई बुलिश स्टॉक है, मुझे अलर्ट कर देना, मैं खुद ट्रेड ले लूंगा उसमें।
एक बस को उसके देख लो, लीडर देख लो, वो बहुत है। 57 स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, मैं और रखूंगा तो फिर मेरी आंखें घुस जाएंगी पूरी उसके अंदर ही। तो एक काम सिंपल कर, अगर मेरा अगर दोस्त मानता है, भाई मानता है, जो मानता है, जो भी मुझे पकड़ता है, 57 स्टॉक नहीं रखने के, 100 स्टॉक रखने के, ठीक है? क्या आपका दिमाग ही खराब हो जाए कि मुझे ट्रेडिंग ना करना है? हमें क्यों 57 स्टॉक रखने? हम 20-25-30 मैक्स कितने स्टॉक ट्रैक करूं मैं? तो इसके लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और मेरे टॉप 15 स्टॉक्स होते हैं। फिर मुझे कोई विशाल बोल देगा, चंदन बोल देगा, हैरी बोल देगा, हर्ष बोल देगा, ये स्टॉक देखो, मुझे बहुत ही इंट्यूशन होता है कि भाई इसमें मिल रहा है, जहाँ इंट्यूशन आएगा ना। अमित सर से जो है एक छोटा सा क्वेश्चन है, सर व्हाट आर योर व्यूज फॉर बिरला केबल? बिरला केबल यस जितने पैनल पे लोग है कोई बिरला केबल को पक्का नहीं ट्रैक कर रहा होगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि आता तो हमारे रेडार पर आ जाता, कोई शायद ट्रैक नहीं कर रहा होगा, तो इसके लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ आपको। नहीं नहीं सर, सर देयर इज नो नीड टू, सर सर देयर इज नो नीड टू, सर तो मैं जाके चार्ट चेक कर लूंगा कल। अभी हमारे पास आया एकदम बुलिश व्यू वाला, आंख बंद करके बुलिश व्यू देगा, अभी इसको मुझे सुनना है थोड़ी देर, ठीक है? और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जब हर्ष एंड करेगा ना, तब मैं हर्ष से बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा। हर्ष ओवर टू यू। अरे विशाल ना क्वेश्चन तू करेगा ना चंदन। नहीं अमित, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, मेरा बैटरी भी लो हो रहा है, जस्ट परिमल जी को आंसर कर देता हूं। बिरला केबल अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, मंथली पे भी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जस्ट लुक एट द लेवल ऑफ 182-184 लेवल्स, अगर उसके ऊपर बंद होता है तो यू मे सी अ फ्रेश ब्रेकआउट कमिंग इन। मंथली ऑन मंथली कैंडल देख के अच्छा लग रहा है काफी, तो आई मीन आई एग्री विद परिमल भाई। अच्छा थैंक्स फॉर अ गुड स्टॉक, शुक्रिया। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरे को मैं नहीं, परिमल हमें भी है ना स्टॉक कैसे पता पड़ते, जब आप लोग पूछते हो ना तो हम जाके सुबह चार्ट चेक कर लेंगे कि भैया ये स्टॉक अच्छा था, तो हम भी व्यू दे देते वापस। सर जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, मतलब मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेता हूँ, बस थोड़ा बहुत आपके व्यूज पढ़ लेता हूँ, और जो है सब चीजें हैं, थोड़ा सा वही सब चीजें हैं और कुछ नहीं है, बस आप लोगों की गाइडेंस है मेन चीज ये है, एटलीस्ट आई एम थैंकफुल। हमारा व्यू, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, हम जो स्पेस करते हैं हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है रात में हमेशा के लिए, कि भैया आप हमारे साथ जुड़े हो ना, तो हम नहीं चाहते कि आपका पैसा जाए, पैसा भी जाए तो मतलब आपका 1-2% कैपिटल जाता है, जो हमारा भी जाता है, तो हम उसी ऑब्जेक्टिव से स्पेस करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव पैसा बनाना नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपका पैसा नहीं जाए, उस गलती सर मेन चीज है एजुकेट करना लोगों को सारी चीजों के लिए। भैया जो कर सकते हैं ऊपर वाला, मैं राम को मानता हूँ, मैं सर्व धर्म को मानता हूँ, हम सब धर्म को मानते हैं, जो हमें सिखाया गया मेरे माँ बाप ने, विशाल के माता पिताजी ने, चंद्र के माता पिताजी ने, हमें ये चीज सिखाई गई है कि भैया पैसा बाद में कमाना, पहले अपनी इज्जत बनाना, और किसी का पैसा अपने व्यू से पैसा ना जाए, इसके लिए हम वो चीज बोल के जाते हैं। बिल्कुल सर, मतलब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सर नहीं, सही। वो हमारे नहीं, लास्ट में मुझे जवाब देना मेरी बीवी को, मेरे माँ बाप को, कि तू बेटा सही करके आया नहीं करके आया, तूने पैसा कमाया नहीं कमाया, वो सेकेंडरी मैटर है। अमित अभी आधी रात को हर्ष का फोन आ जाएगा, अभी हमको हर्ष को जवाब देना पड़ेगा, तो बिफोर हर्ष को मूव्स इन, वील टेक अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आदित्य जोशी। आदित्य जॉइंट इन एज अ स्पीकर, so let's take a last question from Aditya and then stage is all yours, Harsh. Okay. Thanks guys. Guys, I didn't have a question, but I think Birla Cable, he was raising the question, right? So I think it also posted very good results. So I was like checking the results of the stock. I think this quarter was also like really good for the company. Pichla quarter itna achha nahi tha, but even like you guys are looking at the charts, right? So from a fundamentals perspective also, I think the results of the company are very, very good in this quarter. So that is just what I wanted to say.
thanks for letting me speak. So now all the speakers, including myself, will have a harsh view. And when harsh talks, हम इसको है ना पुराना इंडिकेटर पकड़ देते. आज जब हर्ष बात करता है ना तो हम उसको बहुत ओपनली सुनते, क्योंकि ये बंदा पहले कुछ था, आज एकदम ना कड़क व्यू देके जाता है. और इसका व्यू हम भी फॉलो करते कि ये हर्ष 10 साल पहले का अलग था, आज का हर्ष हमारा अलग हो चुका है. तो ये कुछ बोलता है ना तो बहुत लॉजिकल, ये पता नहीं कौन सी वेव फॉलो करता है. मैं इडियट को मैं अमित उसको ज्यादा मत चढ़ाओ, वो सुनामी वेव में आ जाएगा. नहीं वापस जब मारेंगे ना तो इसी की मारेंगे ना कि भैया तू इंडिकेटर ही था उस टाइम. चलो लेट्स गो टू हर्ष क्विकली. या हर्ष, ओके, ऑल टू यू. ओके, सो आई मीन व्यू तो बुलिश ही है. आई मीन अमित ने जैसे बोला कि बुलिश ही बोलेगा, तो मार्केट बुलिश है तो मेरा व्यू बुलिश ही रहेगा. ऑब्वियसली मार्केट जब तक ट्रेंड डाउन नहीं होता, मैं व्यू चेंज नहीं करूंगा. और ऑब्वियसली अगर मार्केट मुझे बोलेगा कि मैं डाउन जा रहा हूँ, मेरा व्यू गलत है, तो मैं एक्सेप्ट करके वो व्यू चेंज करने अभी सीख गया हूँ, क्योंकि मुझे पैसा कमाना है. मुझे व्यू को लेके नहीं बैठना. मैं व्यू को लेके बैठ के मैंने पैसा डुबाया है, मेरा अकाउंट बस्ट किया है 2-3 बार. सो फिलहाल व्यू बुलिश है, जब तक मार्केट बुलिश है. अगर मार्केट बेरिश होता है तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू एक्सेप्ट, आई विल हैव टू चेंज द व्यू. ओके, ओवरऑल अगर हम निफ्टी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट नियर टू ऑल टाइम हाईज है. और ऑल टाइम हाई कब आ रहा है, जब एक साल कंसोलिडेट करके मार्केट ने, तब ऑल टाइम हाई पे आ रहा है मार्केट. एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट आया है. सो जब तक वो पैटर्न फेल नहीं होता तो मैं क्यों सोचूं मार्केट नीचे जाएगा. पैटर्न है, पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है, सस्टेन हो रहा है. तो आई मीन आई डोंट हैव एनी रीजन टू डाउट इट. बाकी कोई भी फंडामेंटल रीजन हो सकते हैं, नहीं, आई डोंट ट्रैक, आई ट्रैक ओनली चार्ट्स. सो चार्ट पे तो कोई मंदी का सिग्नल है नहीं अभी. ओवरऑल निफ्टी देखेंगे बैक. जो तू हेड एंड शोल्डर का बोल रहा है, उसका लेवल क्या निकल के आता है, उसमें अगर अपने को लॉन्ग रहना है तो क्या स्टॉप लॉस रहेगा, वो भी बता देना. हाँ, आई मीन ओवरऑल 18,100 का जो अभी स्विंग लो बनाया है, वही वही लेवल है हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट लेवल. अगर जब तक उसके नीचे नहीं जाता, अगर कोई पोजिशनल व्यू लेके बैठ रहा है, तो उसके लिए 18,100 का जो अभी स्विंग लो बनाया है, वो इमीडिएट स्टॉप लॉस रख सकते हैं पोजिशनल ट्रेडर. शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ऑब्वियसली जो 1-2 दिन के लिए ट्रेड करते हैं, वो तो 18,400 का ही स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि हर एक ट्रेडर का स्टॉप लॉस अलग रहता है. कोई शॉर्ट टर्म रहेगा 1-2 दिन के लिए कर रहा है, वो इतना लंबा स्टॉप लॉस नहीं रख सकता ऑब्वियसली. सो आई मीन हर एक ट्रेडर का स्टॉप लॉस टारगेट टाइम फ्रेम सब अलग होता है, बट ओवरऑल पोजिशनल व्यू लेके कोई बैठ रहा है तो 18,100 के जब तक नीचे नहीं जाता, तब तक तो व्यू बुलिश ही रहेगा. तो वही ब्रेकआउट लेवल है, वही स्टॉप लॉस रहेगा. तो पैटर्न बुलिश है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है. और अगर हम लोग अभी, मैं भी इलियट वेव करता हूं और बहुत सारे इलियट वेव वाले लोग बोल रहे हैं कि बेयर मार्केट रैली है, तो मार्केट में डाइवर्जेंस है, तो मैं सोच रहा हूं कि कितने इंडाइसेस लैग कर रहे हैं. ओके, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत है लैग, वो मैं भी देख रहा हूं, बट रिसेंटली अभी फ्राइडे को पिकअप करना चालू किया है मिड एंड स्मॉल कैप में. और बाकी के अगर हम इंडेक्स देखते हैं, प्रीवियस मार्केट जब निफ्टी हाई बना रहा था, और मींस कोविड क्रैश के पहले का मैं बात कर रहा हूँ, मैं 2018 से 20 का, जब बेयर मार्केट रैली हम इलियट वेव टर्म्स में बोलते हैं कि वो बेयर मार्केट रैली था, क्योंकि निफ्टी हाईज बना रहा था और बाकी के इंडाइसेस लैग कर रहे थे, जैसे कि मिड कैप स्मॉल कैप कंटिन्यूअसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था वो पीरियड में 2018 से 2020 में. अभी वो सीनारियो है नहीं, ऑब्वियसली अभी शॉर्ट टर्म लैग है मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन अभी पिकअप करना चालू किया है. अगर हम बाकी के इंडेक्सेस देखते हैं, सेक्टरल, अगर ऑटो इंडेक्स देखते हैं तो ऑल टाइम हाईस पे है. 2018-20 में ऑटो इंडेक्स लैग कर रहा था, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था. कैपिटल गुड्स देखते हैं, ऑल टाइम हाई पे है. 2018-20 में वो लैग कर रहा था. अगर हम लोग एफएमसीजी इंडेक्स देखते हैं, वो भी लैग कर रहा था, तो अभी नहीं लैग कर रहा, अभी नियर टू ऑल टाइम हाईज है. most of the indices, PSU bank dekhenge, it's not at all time high, but it is above 2021 highs.
निफ्टी 500 इंडेक्स देखेंगे नियर टू द हाइस, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के यहाँ पे है. निफ्टी पीएसई इंडेक्स देखेंगे दैट इज ऑल्सो नियर टू द हाइस, जो 2018-20 के पीरियड में जब बेयर मार्केट रैली हम बोलते हैं निफ्टी पे न्यू हाइस थे, वो बेयर मार्केट रैली था क्योंकि ये सारे इंडेक्स तभी लैग कर रहे थे, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे थे. लेकिन ये सारे इंडेक्स अभी लैग नहीं कर रहे, वो लीड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट निफ्टी के साथ है या फिर निफ्टी के आगे चल रहे हैं. तो मीन्स खाली मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं चल रहा है, उसके वजह से अगर मैं बोलूंगा ये बेयर मार्केट रैली है और मार्केट बाद में नीचे जाएगा वो थोड़ा बायस्ड होगा. ओके ठीक है, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो आई मीन अगर 15,000 से मार्केट 18,000 आ रहा है और वो मार्केट में हर एक लेवल में मैं शॉर्ट करते आऊंगा और पार्टिसिपेट नहीं करूंगा तो मैं घर पे पैसा कब लेके जाऊंगा, मेरा घर कहाँ से चलेगा भैया. तो आई मीन अगेंस्ट द ट्रेंड शॉर्ट करके एक तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, बाद में नीचे जाना है नहीं जाना है नहीं पता मुझे, लेकिन जो ट्रेंड चलना है जो ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट ट्रेड करना ये तो कोई थियोरी सिखाता नहीं, कोई ट्रेडिंग मेथड सिखाता नहीं है, बाद में जो होगा उसको सोच के ट्रेड लेना. सो आई मीन दैट इज टोटली आई मीन मेरे हिसाब से तो वो तो गलत चीज है, आई डोंट नो. और आई मीन मैं भी इलियट वेव करता हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि बेयर मार्केट रैली है जितना रैली आ रहा है वो मैं ट्रेड करूंगा, बात का बाद में सोचूंगा कि भाई बाद में नीचे जाएगा. और ओवरऑल स्टडी देख के ओवरऑल सेक्टरल स्टडीज देख के मुझे नहीं लग रहा कि बेयर मार्केट रैली है क्योंकि बाकी सारे इंडाइसेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. ऐसे नहीं है कि बस एक हाथ दो इंडाइसेस चल रहे हैं, एक हाथ दो स्टॉक चल रहे हैं और बाकी सब स्टॉक नीचे है डाउन है और नहीं चल रहा, कुछ पैसा नहीं बन रहा, ऐसा नहीं है. सेक्टरल ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस अभी ऑल टाइम हाइस पे है. मेटल इंडेक्स देखेंगे वो भी नियर टू द हाइज है और सारे इंडाइसेस में अच्छा बेस बना के ब्रेकआउट आ रहा है. जो प्रीवियस बेयर मार्केट्स में सिनारियो अलग था, प्रीवियस बेयर मार्केट्स में ये सारे इंडाइसेस लैग कर रहे थे, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहे थे. सो ये डेफिनेटली सिनारियो अलग है जो मींस बाकी के लोग बात करते हैं इलियट वेव वाले कि बेयर मार्केट रैली है. आई डोंट नो, मेरे पास 30-40 साल का एक्सपीरियंस तो है नहीं, बट लेकिन 10-12 साल में जितना सीखा है मैंने उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ. हाँ ऑब्वियसली अगर ट्रेंड चेंज होता है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि भाई हाँ भाई शायद बेयर मार्केट रैली था और हमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अभी इंडिकेशन नहीं है तो मैं क्यों सोचूं. और अगर ये सारे इंडाइसेस जो अभी लीड कर रहे हैं वो तो है और मिड कैप स्मॉल कैप भी लीडिंग में आते हैं ब्रेकआउट डे के, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप बाय कहाँ पे करोगे, 15,000 से 18,500 तक आप बाय नहीं कर रहे हैं. भाव भगवान हम तो वही मानते यार. अगर व्यू काउंट तो चेंज होने है, अगर गलत होते मीन्स आता ही नहीं है मार्केट नीचे तो व्यू काउंट चेंज होना है. अगर मैं गलत हूँ, मेरा व्यू काउंट गलत है तो मैं एक्सेप्ट करके चेंज कर दूंगा, मैं अल्टीमेटली वो चेंज करना पड़ता है. तो व्यू काउंट आर सब्जेक्ट टू प्राइस एक्शन, जो प्राइस एक्शन बोलेगा उस पे ही फोकस करूंगा मैं. अच्छा सेकंड क्वेश्चन अगेन टू यू, रॉबर्ट पीचर कितने साल से S&P बोलता है कि S&P खत्म हो जाएगा, ऐसे बिकॉज़ यू आर फॉलोइंग इलियट. मैंने इलियट की किताब 4-5 पेज पढ़े ना, मुझे समझ में नहीं, इसलिए मैं इलियट फॉलो नहीं किया. लोगों को बोला भैया मुझे इलियट सिखा दो, पैसा लेके सिखा दो, मैं इलियट सीख जाऊंगा. मुझे प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, मुझे एक रुपया ना समझ में. तो अपने को सिंपल जो तू बोल रहा ना प्राइस एक्शन, इफ प्राइस इज टर्निंग इट इज गोइंग अप, इट इज गोइंग अप. सो व्हाट इलियट इज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट इज बेस्ड ऑन फिबोनाची और बेस्ड ऑन व्हाट मैटर. देखो सिंपल बात है, इलियट वेव्स का साइकिल रहता है कि 5 वेव्स अप जाते हैं उसके बाद 3 वेव्स नीचे आता है. बट अभी क्या है, इलियट वेव एनालिसिस मींस पता होना एक चीज है और इलियट वेव बेस्ड ट्रेड करना अलग चीज है. ट्रेडिंग के लिए आपको एक कंप्लीटेड पैटर्न चाहिए. समझो मैं बोल रहा हूँ कि ओके यहाँ पे 5 वेव्स मेरे खत्म हो रहे हैं, यहाँ से करेक्शन आना चाहिए. लेकिन क्या पता कि वो एक्सटेंड भी हो सकता है, रैली 5 वेव्स का रैली एक्सटेंड हो, वो भी हो सकता है ना. आई मीन एक्सटेंशन तो बुल मार्केट में आते ही है.
तो जब तक कोई डाउन ट्रेंड रिवर्सल नहीं आता तब तक मैं बेरिश ट्रेड क्यों लूं? कोई भी ट्रेड लेने के लिए एक कंप्लीटेड पैटर्न और उसके आगे का भी एक इंडिकेशन प्राइस से आना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लोग क्या कहते हैं कि पैटर्न एक दिख गया और उसके आगे का जो इम्प्लीकेशन रहता है, उसके आगे के रिवर्सल आने के लिए जो कंडीशन रहते हैं वो मैच होते नहीं है और पहले ही प्रिडिक्शन करने चालू कर देते और वहां पे लोग फंस जाते हैं। सो अगर ट्रेड लेना है तो आप पैटर्न देखो एक कंप्लीट, उसके बाद आगे का रिवर्सल के लिए जो कंडीशन है वो सारे के सारे कंडीशन फुलफिल होके एक कोई मूवमेंट दिख रहा है वहां पे आप ट्रेड लेना चाहिए, ना कि आप प्रिडिक्ट करो कि भाई यहाँ पे खत्म हो गया और फिर नीचे जाएगा या फिर यहाँ पे बेयर मार्केट खत्म हो रहा है और ऊपर जाएगा। जब आई मीन 15,200 पे भी जब मैंने सोचा था कि हाँ यहाँ पे शायद खत्म हो जाएगा बेयर मार्केट और रैली आएगा, बट मैंने वेट किया कि ओके आगे जाके, मैं तब भी बोलता था जून में आके या फिर मई में आके जब बोलता था कि 15,000 के आसपास मुझे लग रहा है कि बेयर मार्केट खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी मैं कह रहा था कि एक बार वो मुझे पैटर्न दिख रहा है कि खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक इंडिकेशन मार्केट से नहीं आएगा मैं फुल फ्लेज लॉन्ग लेना नहीं चालू करूंगा, मुझे एक अप ट्रेंड दिखाई देना चाहिए वहां से, तभी मैं बिलीव करूंगा कि हाँ भाई अभी बॉटम बन के मार्केट ऊपर जा रहा है। ऐसे नहीं कि हर एक लेवल पे भाई बाय करते चले जाओ, पूरा माल वहां पे ही फेंक दो मार्केट में। जब 15,200 था ना, 15,400 था, जो अपनी स्पेस में बात करते थे, ऋषि बागी सर थे, किर सर थे, तू था, मैं था, हिमांशु था, वीएन था, हम उसमें एक चीज बहुत क्लियर थी दिमाग में, भाई ऐसे मार्केट पलटे, और मार्केट पलट के जिन लोगों ने उस टाइम भी स्पेस सुनी रही थी वो स्पेस आज के टाइम में शायद मेरे पास नहीं है, शायद से हम बहुत ही कम लोग थे जो उस टाइम मार्केट में बुलिश थे विथ ऑल द बैड न्यूज इन द मार्केट। मैंने उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था कि भैया ये सारे फैक्टर्स हो गए ना, अब इससे ज्यादा बैड न्यूज क्या आएगी, और क्या बैड न्यूज आएगी, यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चालू करो, इन्वेस्ट की बात कर ली थी, ट्रेडिंग की बात नहीं चालू करती। एंड हर्ष, मी, हिमांशु, वीएन, किरण सर और इतने लोग है, फैवियो है, घनश्याम सर होते हैं, अब मैं तो नाम भूल जाता हूँ कौन कौन मेरे साथ रहता है, तो हमारा जो चलता है ना, एवरीवन विल अप्रिशिएट दैट फैक्ट कि हम अकेले इंसान थे जो बोलते थे भैया यहाँ खरीद के बैठो, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ट्रेडिंग प्रोसेस अलग होता है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस अलग होता है, और अगर पैसा नहीं कमाए मेरे स्पेस से पक्का मुझे गाली देना, मैं सबको टैग करके बोल दूंगा कि भैया हमारे पीछे लोगों का पैसा ना बना। हम जब बोल रहे थे 15,200, 15,400, 15,600, 16,000, 16,200, 17,000, 18,000 हर लेवल में बोले खरीद के जाओ, उसमें अगर आपने पैसा नहीं कमाया ना तो और सपन ने ना कुछ ना किया जिंदगी में, हम तो फ्री में कर रहे हैं स्पेस यार, हमने किस स्पेस में पैसा लिया कि हम कोई आओ, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ आएगा 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 ये करने का वो करने का, ये वैल्यूशन है वो वैल्यूशन, अरे भाड़ में क्या साला, सामने आंखों से दिखता है, प्राइस चल रहा है, कैंडल दिखा रहा है, सिंपल प्राइस एक्शन आपको दिखा रहा है। अगर आप ये चीज ना करके पैसा कमा सकते हो तो भैया जिंदगी में आप पैसा कमाने के लिए तो आई नहीं, आप एंटरटेनमेंट के लिए आए हो, एक्साइटमेंट के लिए आए हो। घनश्याम सर ने मुझे याद है, घनश्याम सर अभी भी स्पेस पर है, इन्होंने 100 रुपए रुचिरे पेपर बोला था, तो मुझे नहीं पता रुचिरे पेपर मैंने ना खरीदा, मैं तो उसको 150 पे एग्जिट कर गया। घनश्याम सर ने शायद जनवरी या दिसंबर में बोला था, रुचिरे पेपर का भाव मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा हूँ। अरे जो हमारे स्पेस पर लोग आते हैं ना वो हम टेस्ट नहीं करते, हम उनका ट्रेड देखते, वो जब बंदा इतना अच्छा होता है ना और प्रैक्टिकली बात कर रहा है तो हमें लगता है हाँ भाई प्रैक्टिकली बात कर रहा है, ये बोल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, ये ट्रेडिंग की बात कर रहा है, ट्रेडिंग की बात करनी नहीं आए ना तो हम स्पेस के लिए मैंने बंद कर दिया कि भैया मार्केट नॉर्मल चल रहा है। आज वेंकटेश सर भी यहाँ पे बैठे, ठीक है, वेंकटेश सर को पता है कि क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया उनका, शर्स, शर्स को मैंने फर्स्ट बार बुलाया था कि भैया ऑटो सेक्टर का पूरा समझाना, विकेश सर रहता है हमारे स्पेस में पूरा समझा कि ऑटो सेक्टर क्या चल रहा है, हम इनसे इतने क्वेश्चन खुद ही पूछ लिए, अरे कोई क्वेश्चन पूछे मैं होस्ट हूँ
को क्वेश्चन पूछेगा ना, उससे पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी डाउट्स होते हैं कुछ, मैं फंडामेंटल ट्रैकिंग करता, बट बेसिक हम जाते हैं ना, मेरे घर बाजू में इतने शोरूम है अंधेरी में, मैं मुंबई रहता हूँ अंधेरी रहता हूँ, ठीक है, खुद का घर है, झोपड़पट्टी ना रहता, तो वो जाके जब देखते है ना, अब मैं फोन ना करता सिर्फ मैसेज डालते बोलता हूँ, या तो गाड़ी भी अवेलेबल नहीं है, या तो ये भी अवेलेबल नहीं है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो जब चीज जाके देखते ना प्रैक्टिकली आंखों से, तो समझ में आता है कि ये चीज प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, those are not facts, those are actual driven, मतलब आप आंखों से देख रहे हो चीज, sir you want to add to it, sorry okay, so मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि ओके अपना व्यू रहता है, जब तक मार्केट बोल रहा है कि भाई व्यू सही है तो व्यू पे बने रहो, अगर मार्केट बोल रहा है कि व्यू गलत जा रहा है तो आपको हमको व्यू चेंज करना ही पड़ेगा और दूसरी साइड में आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके आप अकाउंट बस्ट हो जाएगा और बाकी कुछ रहेगा नहीं आपके पास अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो। दोनों साइड ट्रेड करो ना यार, क्यों मीन्स तेजी या फिर मंदी में बने रहो, आई मीन अभी लास्ट एक साल से मार्केट ने 3000 पॉइंट के रेंज में, 3,500 पॉइंट के रेंज में दोनों साइड 2,000 3,000 पॉइंट की रैली दी है और डाउनफॉल भी दिया है। अगर ये पूरे डाउनफॉल या ये पूरे एक साल के में अगर मैं बुलिश व्यू लेके बैठा या फिर बेरिश व्यू लेके बैठा तो मैं पैसा कहाँ से कमाता भाई, घर कहाँ से चलेगा मेरा, दोनों साइड ट्रेड करेंगे तो ही तो पैसा बनेगा। एक व्यू लेके साइडवेज मार्केट में कोई एक व्यू लेके ट्रेड नहीं कर सकते ना, मीन्स पैसा नहीं बनता, एक साल साइडवेज का मार्केट है, पैसा बनाने के लिए तो ट्रेंड को फॉलो करना ही पड़ेगा जो भी है। अर्श लास्ट क्वेश्चन, निफ्टी चला वापस 7500 से ऑलमोस्ट 18500 आ गया, ऑलमोस्ट वो कंसोलिडेशन जो बना ना वो एक फ्लैग पैटर्न ना बना, फ्लैग और पुल पैटर्न ना बना, चंदन तो है कि चला गया, चंदन है ना, वो दिख रहा है मुझे, वो आंसर ना दे रहा, ये फ्लैग पैटर्न का जो टारगेट बन रहा है, यहाँ पे हूँ यहाँ पे, हाँ तो सुन, वो फ्लैग पैटर्न बन रहा है, मुझे वहाँ पे 29,000 बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी दिखता है, तो क्या खोटा सोच रहा हूँ मैं, 29,000 28,000 से 30,000 का उस लेवल, मतलब यहाँ से निफ्टी अगर भागना शुरू किया, ये पकड़ के जाना शुरू हुआ आपके पास फ्लैग पैटर्न, सुन एक सेकंड मैं इंटरप्ट करता हूँ, अगर यहाँ से निफ्टी चलना शुरू हुआ ना, यू ऑलवेज विल हैव दैट फोमो फैक्टर, जितने ट्रेडर सुन रहे ना, जितने लोग सुन रहे, आपको फोमो फैक्टर आएगा कि हम तो एंटर नहीं करें, हम एंटर नहीं किया, आप ऐसे भी करो ना, हम एक साल से एक ही रामन गाते हैं भाई, एसआईपी चालू करो, आपने एसआईपी नहीं किया, अब आप बोलोगे ये स्टॉक में फंस गया, तो मुझे स्टॉक नहीं समझ में आता, आप एसआईपी निफ्टी बैंक निफ्टी में कर लो, गो टू चंदन एंड हर्ष, सो आप ऑब्वियसली एसआईपी कर सकते हैं इंडेक्स में, अगर आप स्टॉक्स नहीं ले पा रहे तो बेस्ट है कि इंडेक्स का एसआईपी कर लो, इंडेक्स ETF डाल दो निफ्टी का, कुछ ना कुछ तो आप कमाओगे 10-15 साल में, डेफिनेटली कमाओगे। और ये रही बात फ्लैग एंड पोल की, तो ऑब्वियसली बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे बना है, इसके लिए टाइम लगेगा, एक साल डेढ़ साल, जो अभी मीन्स 25,000 की बात की या फिर 29,000 की, उसके लिए ऐसे नहीं कि 6 महीने में आ जाएगा, एक डेढ़ साल तो लगेगा उसके लिए, लेकिन वो है पॉसिबिलिटी है। आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हाँ बोलिए ना सर, ये बताइए कि विक्स जो है इतना ज्यादा गिरा हुआ है राइट, आपको क्या लगता है कि जो क्या नाम है उसे, यहाँ से जो है ऑब्वियसली बात है विक्स इतना गिरा हुआ है, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि निफ्टी का कुछ ना कुछ तो करेक्शन आई गेस आएगा ही आएगा। अच्छा विक्स कितने साल का देखा आपने? विक्स मैं जो है फॉलो कर रहा हूँ इसको, क्या नाम है, अराउंड 3-4 इयर्स का तो एटलीस्ट फॉलो कर ही रहा हूँ। 3-4 इयर्स का फॉलो मत करो, पूरा उसका लाइफ टाइम का चार्ट निकालो, जो इंडिया विक्स चालू हुई थी 2007 में चालू हुई थी। ऑलराइट ऑलराइट ओके,
विक्स 8 भी गया है, 7 भी गया है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता नहीं भाई, मैं मेरा नहीं बोल रहा कि मेरे दिल से मैं कुछ बोल रहा हूँ, नहीं नहीं सर आप कह रहे हैं तो अनडाउटेड सही कह रहे होंगे, मेरा कहने का ये मतलब, मैं चार्ट फॉलो करता हूँ, मैं सिंपल चार्ट फॉलो करता हूँ, मैं एसएनपी का भी फॉलो करता हूँ, विक्स आचंद एक सेकंड रुक जाना, ये 13-10 आ जाएगा, 10-7-8 पे हो जाएगा, तो इसका सिंपल मतलब है कि मार्केट समझ रहा है कि मेरे पास कोई ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं बढ़ी है आज कि कुछ आके मुझे कर देगा। ऑलराइट, सिंपल मार्केट में एक ही रिस्क बचा है, वो है रशिया यूक्रेन का न्यूक्लियर वॉर, बाकी मार्केट ने सारे फैक्टर्स निकाल दिए, फेड रेट इंक्रीज करेगा मार्केट ने पकड़ ली, आरबीआई रेट इंक्रीज करेगा मार्केट ने पकड़ ली, तो मार्केट इसके लिए इतना सर्टेन हो गया, वो ठीक है एक दिन का रिएक्शन रहे दो दिन का, बट अंडरस्टैंड अगेन विक्स जो पकड़ते ना, विक्स इज हिस्टोरिकल, विक्स इज मीन रिवर्टिंग, विक्स इज साइक्लिकल इन नेचर, एंड विक्स कैन डू एनीथिंग, विक्स सिंपल समझा रही कि भैया मेरे पास कोई फियर फैक्टर नहीं बचा है, मैं ऑप्शन बेचने रहता हूँ आज के दिन में, मुझे प्रीमियम ही नहीं मिलता 200 रुपए का कि मैं कहाँ से बेचने जाऊँ, तो मैं ऑप्शन बायर कन्वर्ट हो जाता हूँ, भाई बाइंग करूंगा, फिक्स बढ़ेगा ना तो मेरा पैसा बनेगा, ठीक है, तो मींस जो क्या नाम है, आदमी ऑप्शन बाय करता चला जाए या सेल करता है तो यही चलता रहेगा कि अभी कुछ समय के लिए, नहीं ये समय है, आप विक्स को चार्ट तो चेक करो, इंडियन विक्स 2006-07 में जब चालू हुआ था उन्होंने पाउडर भी डाला था, मुझे नहीं पता आप 2006-07 से ट्रैक करते हो, मैंने चार लॉट खरीदे, कोई है ही नहीं सामने बेचने को, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, आज लिक्विडिटी आ गई ना इंडिविजुअल स्टॉक्स में, बिल्कुल बिल्कुल, आपको अगर विक्स पकड़ना है तो विक्स का ज्ञान यहाँ से ना मिलेगा, विक्स का ज्ञान आपको मिलेगा एसएनपी से, एसएनपी का विक्स जाके देखो, एसएनपी का विक्स गिर गया, उसका रेंज निकलेगा, वो रेंज निकाल के पकड़ो कि कितनी बार ऐसा इवेंट हुआ है, मैं मितेश भाई को सुन रहा था, मैं मितेश भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं पल्वी फोरम पे बोल रहा हूँ, मैं मितेश भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, मितेश भाई ने एक चीज बोली, विक्स पकड़ते हो, ये करते हो, वो करते हो, वो करते हो, सब चीज ठीक है, ब्लैक स्वान कितनी बार आएगा साल में, रोज तो नहीं आएगा उठ के, रोज आधी रात को तो उठ के नहीं आएगा, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, 5 साल में एक बार आएगा, 4 साल में एक बार, तब हम भी लॉस लेके जाएंगे, तो मितेश भाई ने जो मुझे वो ज्ञान दिया ना, मैं उनको सुन के ना, मैं पहले वो गुरु पकड़ता, मैं बोला कि उस आदमी ने जो बोल के गया ना कि 5 साल में एक बार आएगा, मैं उनको फोन किया, अब मैं मितेश भाई का पर्सनल कॉन्टेक्ट में हूँ तो मैं फोन कर दिया, मितेश ऐसा क्यों होता है, मैं तू तुम आप करके भी तीनों तरीके से बात करते हो, बोले अमित भाई बताओ ना आप खुद सामने से कितनी बार आपने देखा, मितेश भाई 4 बार देखा पूरी लाइफ में, कि 4 बार के इंसिडेंट्स को अगर अपन बैठे हैं 20 साल से तो 4 बार इंसिडेंट किसी का भी हो सकता है, स्ट्रक्चर से कभी भी हो सकता है, तो मितेश भाई का वो जो ज्ञान था ना, वो ज्ञान तो मैं पकड़ के चलता हूँ, वो वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है, हो जाएगा तो पैसा लॉस करेंगे, इसके लिए हम जब हमेशा बोलते हैं आपका रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन इसीलिए प्रॉपर होना चाहिए, गलत तो ना कुछ, नहीं बिल्कुल सही सही सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो मितेश भाई तो स्पेस भी ना करते, मितेश भाई स्पेस करते हैं, मैं उनको सुनने जाता हूँ, मुझे वो मुझे बोलते आपने क्वेश्चन ये पूछा, मैंने कहा मुझे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं होती, मैं चुपचाप आपको सुन रहा हूँ, कोई अच्छा इंसान काम करता है ना तो हम फैन होते हैं उनके यार, नहीं सर ये तो ऑनेस्ट बात है बिल्कुल, जब पब्लिक फोरम में बोल के जा रहा हूं, ये करता है तभी तो आदमी उसकी जो है, अरे रिकॉर्डेड स्पेस, ये स्पेस रिकॉर्डेड है, ये स्पेस रिकॉर्डेड है, ठीक है, लोग बोलेंगे मितेश ऐसा है मितेश ऐसा है, मुझे कोई फर्क ना पड़ता, मितेश अगर अपना चालू करता है मुझे पता पड़ा, मैं चुपचाप जाके सुनने वाला कि भैया कोई ज्ञान दे रहा है ना, ज्ञान लेके आने का, फ्री में ज्ञान दे तो पैसे ले लेने का, पहले लेने का और पैसा लेवे तो और जाके दे देने का, उसमें कोई फर्क ना पड़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें ज्ञान पकड़ के जाना है, चलिए सर थैंक यू सो मच, आपने चीज मेरे को जो एनलाइट कर दी इस चीज के बारे में,
सर नेक्स्ट जो है क्या नाम है उसे, अब देखते हैं ये कहां तक की कहानी जाती है। अरे विक्स तो साथ पे भी गया है, विक्स आपको पता है विक्स इंडियन विक्स साथ पे भी गया है। हो सकता सर जैसे आपसे आपने बताया है, मेरे को फॉलो करना पड़ेगा कोई चीज। मैं साथ ये तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊं, मेरे को जो है बैक टेस्ट इसका देखना पड़ेगा पूरा प्रॉपर। आप बैक टेस्ट को भूल जाओ, मैं भाई लाइव ट्रेड मारा 20 साल से बाजार में, तो मुझे बोलता है ना बैक टेस्ट क्यों नहीं करते, मैं सिंपल बोलता हूं भाई 20 साल से बाजार में मैंने क्या किया, मैं बैक टेस्ट नहीं एक्सपीरियंस कर चुके हो ना, तो आप तो कह सकते हैं चीज। अब मेरे को चीज पहले देखनी पड़ेगी पूरी बैठ के, बात ये है। चलो ठीक है, चंदन ने थैंक यू सो मच सर, आपने ये चीज मेरे को बताई, एब्सोल्युटली। हां चंदन हर्ष एनीवन, हां तो मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि मीन्स समझो यहाँ से मार्केट रिवर्स ही कर देता है और नीचे चला जाता है, तो ऐसे नहीं है कि भाई आज अभी मार्केट 18,500 पे है ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे, तो कल सीधा 17,500 या 17,000 खुलेगा, ऐसा कभी होता नहीं है मार्केट में, मैंने होते हुए देखा नहीं है। गलत हूंगा शायद मैं, पहले हर एक लेवल टूटते जाएगा, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज टूटेगा, दूसरा लेवल टूटेगा, उसके बाद बड़ा फॉल आता है, कभी भी डायरेक्ट मीन्स ऑल टाइम हाई पे मार्केट खड़ा है और नीचे जाएगा ऐसा तो होता नहीं है, एक एक लेवल टूटने के बाद बड़ा फॉल आता है, तो और वो लेवल टूटते हुए तो दिखता है ना भैया, ऐसा नहीं कोई हिडन तो ही रहता नहीं है, जो मार्केट स्क्रीन पे चल रहा है हमको दिखता है कि ये लेवल टूट रहे तो वो लेवल टूट रहे तो वो स्टॉप लॉस ले लेने का, डर क्या है, आई मीन डर क्यों रखने का, लेवल टूटते हुए दिखेंगे ना हमें, ऐसा नहीं होता कि रातों रात अचानक से फॉल आ गया, ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रहा है और क्या पहले तीन चार दिन चार पांच दिन कुछ ना कुछ लेवल टूटेंगे थोड़े थोड़े। 2008 का सर्किट मैंने फर्स्ट बार जब देखा था ना, उससे पहले 2004 में भी मार्केट गिरते देखा था। All black swans will not give you indication that it is going to fall. But आप चार्ट पे है ना, आप मैं जो चीज यूज करता हूँ तो मुझे चार्ट पे समझ में आ जाता भैया, ऐसे ऐसा घबराहट महसूस होता है ना, वो आपको पकड़ के चलना है कि मेरा पोजिशन रिड्यूस करना है, मेरा पोर्टफोलियो रिड्यूस करना है, आ गया तो मुझे ट्रेड मारना है। चंदन तू है कि चला गया, इधर ही हूँ यहाँ पे, तो एक चीज ऐड करूंगा, जैसे आपने बोला ना